हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आप सभी को पता है कि जुडिशरी गोल्ड आपके लिए एक बड़ी ही खास सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है आरआरआर यानी कि राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विसेज रैपिड डिवीजन ठीक है तो हम इस सेशन को इस वीडियो को आगे बढ़ाएं इसके पहले बस एक छोटी सी चीज है आप मुझे बता दीजिए क्या मैं क्लियरली आपको विजिबल और ऑडिबल हूं फिर हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हेलो प्रेरणा हेलो राकेश हेलो आयुषी हेलो कन्हैया हेलो गुड इवनिंग दुर्गा दीपक जय यश रविंद्र हेलो प्रेरणा गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग हेलो जय हेलो सांजली प्रतीक्षा गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग चलिए तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा सेशन है ये हमारी सीरीज की शुरुआत है मैं सीपीसी आपको पढ़ाने वाला हूँ आज से हम सबसे मेजर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर फोकस करने वाले हैं मैं आपको एक दो बातें पहले बता दूं ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे आपको मैं पढ़ाई की तरफ अपने सब्जेक्ट की तरफ ले चलूंगा देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर हमारा जो फोकस रहेगा वो एक्ट पर रहेगा राइट और इसी CPC का जो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा बेयर एक्ट हम पूरी की पूरी आज ही कवर करेंगे number one. Number two, जो case laws है, वो हम कल पढ़ेंगे, तो उसमें लैंडमार्क केसेस जो है वो मैं आपको सारे कल समझा दूंगा ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे ना सिर्फ सब्जेक्ट्स बल्कि लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश ये भी आपको वाई पर पढ़ाया जाएगा राजस्थान के पर्पस के लिए ठीक है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए फिर हम शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें मैं आपको बता दू नंबर वन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब सिविल केस चलता है तो सिविल केस में जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर टीपीसी में हमको दिया हुआ है अब ये सिविल केस कहते किसको है तो सिविल केस को बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दू जब पूरी प्रोसीडिंग चले और जो एंड रिजल्ट है वो पनिशमेंट को छोड़ के कुछ भी और हो जाए पनिशमेंट आपको पता है फाइन हो सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट डेथ पेनाल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये पनिशमेंट है सारी इनको छोड़कर जब कोई दूसरा रिजल्ट निकले यानी कि डेक्लेन इंजंक्शन डैमेजेस जब ये रिजल्ट निकले तो हो जाती है सिविल प्रोसीडिंग या सिविल केस हो जाता है वो क्लियर हुआ तो सिविल केस में जब केस चलता है तो कैसी प्रक्रिया फॉलो होती है क्या प्रोसीजर फॉलो होता है ये प्रोसीजर हमको हाँ ये बिल्कुल फ्री, फ्री सीरीज होने वाली है ठीक है तो वो जो प्रोसीजर है वो पूरा कहां दिया हुआ है वो दिया है सिविल प्रोसीजर कोड में इस लॉ में दिया हुआ है अच्छा इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? हैं, तो 158 है. 158 है. ठीक है? और टोटल 51 ऑर्डर्स अब एक बहुत छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं कि ये सेक्शंस और ऑर्डर्स, आखिरकार हमने इस सब्जेक्ट को या इस सब्जेक्ट की बेरेट को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है बहुत छोटी सी बात है कि जो सिविल प्रोसीजर है वो बहुत उसको बहुत डिटेलिंग की आवश्यकता है सिविल केसेस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं राइट right? तो उतनी टेक्निकलिटीज अगर हमको लॉ में लिखनी है तो हमने क्या किया हमने उसका एक तरीका अपनाया जो बेसिक प्रोसीजर है अभी सारी बात आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा जो बेसिक प्रोसीजर है जो फॉलो होना है जो बेसिक गाइडलाइंस है जो बेसिक डायरेक्शंस है वो हमने सेक्शंस में लिख दिए और उनकी डिटेलिंग उनकी डिटेलिंग हमने ऑर्डर्स में लिखी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के पास बेरक जरूर होगी जिससे कि मुझे काफी आसानी होगी आपको चीजें समझाने में तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बेसिक डायरेक्शंस, बेसिक गाइडलाइन बेसिक प्रोसीजर है वो कहां दिया हुआ है सेक्शन में दिया हुआ है मगर उसी की डिटेलिंग कहां पर दी हुई है ऑर्डर्स में दी हुई है अब आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं एक बार आप सभी लोग सेक्शन नंबर 27 निकालिए तो सेक्शन नंबर 27 में एक बात कही हुई है कि जब सूट इंस्टीट्यूट होता है तो समन समन जा, जारी होता है यानी कि डिफेंडेंट को समन इश्यू किया जाता है आज एज अ प्लेंटिस्ट मैंने सूट फाइल किया तो डिफेंडेंट को यह बताने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ एक सूट फाइल हो गया है उस डिफेंडेंट को कोर्ट से समन जाता है यह समन थर्टी डेज के अंदर जब सूट फाइल हुआ उसके थर्टी डेज के अंदर डिफेंडेंट को सर्व हो जाना चाहिए यह सेक्शन ट्वेंटी सेवन कहता है क्लियर हो गया अब अब यहां से हमको क्या पता चला एक बेसिक गाइडलाइन वो बेसिक गाइडलाइन क्या है कि सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट को समझ जाएगा मगर आप समझते हो ये है तो बड़ी छोटी सी बात मगर इस छोटी सी बात में बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है समझ जाएगा तो कैसे जाएगा कौन लेकर जाएगा किसको देगा जिसको देना है अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा अगर समन अनसर्व लौट कर आ गया तब क्या होगा कितने बार समन जा सकता है किन किन तरीकों से जा सकता है जो समन लेकर गया वो वहां पर पहुंच गया तो उसका क्या क्या ऑप्शन होते हैं करने के लिए अगर जिस व्यक्ति को समन देना है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो क्या होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स का ऑफिसर है तो क्या होगा प्रिज़न में है तो क्या होगा अब है कितनी छोटी सी बात कि भाई समन सर्व होगा थर्टी डेज के अंदर मगर इस छोटी सी बात में कितनी सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है ये आपने देख लिया अब जो सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन है

मगर इनकी डिटेलिंग कहां दी हुई है इनकी डिटेलिंग ऑर्डर में दी हुई है जैसे कि आप एक और सेक्शन बताता हूं आप सेक्शन 27 के ऊपर देखो सेक्शन नंबर 26, 26 और वहां पर लिखा हुआ है कि सूट सूट इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कैसे होगा होगा बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट और इन एनी अदर मैनर मैं आपको जितने भी बातें बता रहा हूं जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं इन सबको ध्यान में रखते जाना क्योंकि ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं प्री या इंटरव्यू में आपके काम आएंगी दैट इज फॉर श्योर तो नो no डाउट कि मैं इस कोड को या इस लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बट इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में काम आने वाली बातें नहीं है बिल्कुल आपके एग्जाम में काम आएंगी तो जरा सेक्शन 26 पे जाते हैं और सेक्शन 26 हमसे क्या बोलता है सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा सूट कैसे फाइल होगा बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट और इन एनी अदर मैनर यह एक बेसिक गाइडलाइन होगी हाँ भाई अगर सूट फाइल करना है तो प्लेन फाइल करो आपका सूट फाइल हो जाएगा सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा क्लियर मगर सेक्शन 26 को पढ़ा जाता है ऑर्डर ऑर्डर के साथ अब जब आप नंबर देखोगे तो उसमें भी हेडिंग कैडली हुई है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और वहां पर रूल नंबर वन में लिखा हुआ है कि प्लेन डुप्लीकेट में फाइल होगा अब आप देखो मैंने आपसे क्या कहा बेसिक बात जो मैंने आपसे कही बेसिक गाइडलाइन सेक्शन में दी है डिटेलिंग कहां दी है ऑर्डर में डुप्लीकेट में फाइल होगा ये सेक्शन 26 नहीं कहता डुप्लीकेट में फाइल होगा ये ऑर्डर फोर कहता है राइट right? तो डिटेलिंग क्योंकि सिविल प्रोसीजर जो होता है इसको बहुत डिटेलिंग की आवश्यकता होती है बहुत सारी छोटी छोटी बातें इसमें इन्वॉल्व होती हैं इसीलिए हमने उसको अलग पार्ट में रखा उसके लिए हमने ऑर्डर नंबर 51 ऑर्डर्स बना दिए अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा ठीक है सर अगर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व ही है तो सेक्शंस में भी तो लिख सकते थे सीआरपी से भी हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं आईपी से भी हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं तो अगर सेक्शन में बात लिखी जा सकती थी तो हमने सेक्शन में क्यों नहीं लिखी ऑर्डर में क्यों लिखी यही लिख देते चैप्टर्स में डिवाइड करके डुप्लीकेट में फाइल करना सेक्शन में लिखना में क्या प्रॉब्लम थी ऑर्डर फोर में क्यों लिखा वहां पर ही क्यों लिखा समन कैसे कैसे जा सकता है ये सेक्शन में क्यों नहीं लिख दिया Orders में क्यों क्यों नहीं लिखा अब इसके पीछे का भी लॉजिक सुनो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सिविल केस चलता है तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स जो है बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं और ये टेक्निकलिटीज कोर्ट को ज्यादा अच्छे से पता होगी कंपेयर टू लेजिस्लेचर तो खास बात पता क्या है जो आपका ऑर्डर वाला पोर्शन है ना जो 51 वन ऑर्डर है उन ऑर्डर को हाईकोर्ट भी उनमें जो तो रूल्स दिए हुए हैं उसको हाईकोर्ट भी अमेंड कर सकते हैं लेजिस्लेचर तो कर ही सकता है हाई कोर्ट खुद कोर्ट को पावर दे दिया अब आप समझ रहे हो कि डिजाइन कितना बढ़िया है कि बेसिक गाइडलाइन लेजिस्लेचर ने बता दिया कि भाई ये बेसिक गाइडलाइन है इन सेक्शंस को हाई कोर्ट अमेंड नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता ये बेसिक गाइडलाइंस है इसमें जो करना है लेजिस्लेचर करेगा मगर हाँ बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है तो हमने उन टेक्निकलिटीज को अलग लिख दिया और हाईकोर्ट को पावर दे दिया कि आप इसको अमेंड कर लेना तो टेक्निकैलिटी ज्यादा हाईकोर्ट को पता है इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर वो उस टेक्निकलिटी को खुद ही अमेंड कर ले या रिक्वायर्ड चेंजेस कर ले इसलिए वो प्रोविजन हमने अलग लिख दिए और हाईकोर्ट को पावर दे दिया रीजन की हमने इस कोड को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक सेक्शन बेसिक गाइडलाइन लेचर बस अमेंड कर सकता है और जो हमारे ऑर्डर है वो डिटेलिंग है डिटेलिंग में बहुत टेक्निकैलिटीज इन्वॉल्व हो सकती है जो हाईकोर्ट को ज्यादा आइडिया होगा तो हमने इन टेक्निकैलिटीज को अलग शेड्यूल में रख दिया फिफ्टी वन ऑर्डर में डिवाइड कर दिया और हाईकोर्ट को भी पावर दे दिया कि इसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो आप ही कर सकते हो ये एक बेसिक मैंने आपको डिजाइन बता दिया कि आखिर क्यों हमने ये काम किया है अब यहां से छोटी छोटी बातें जो कि आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेनी है हम इनको पढ़ने वाले भी नो डाउट बट ध्यान रख लिया हमको पता चल गया कि सेक्शन 26 को ऑर्डर फोर के साथ पढ़ते हैं 27, 28, 29 को 5 के साथ पढ़ते हैं, ठीक है? हमको ये पता चल गया बहुत खास सवाल है कि प्लेन डुप्लीकेट में फाइल किया जाता है तो डुप्लीकेट में फाइल किया जाता है यह भी एक प्री का सवाल है और डुप्लीकेट में फाइल किया जाता है यह कहां दिया हुआ है यह भी प्री का सवाल है तो उसमें ऑप्शन क्या उसमें आते हैं उसमें ऑप्शन आता है सेक्शन तो ट्वेंटी अगर आप ध्यान से बेरैक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो इस बात की काफी हद तक संभावना है कि आप बोथ द अब मार्क कर दोगे यानी कि बोथ सेक्शन ट्वेंटी सिक्स एंड ऑर्डर फोर मार्क कर दोगे बट आपको ध्यान रखना है कि ये बात ऑर्डर नंबर फोर में कही हुई है कि प्लेट हमेशा डुप्लीकेट में फाइल होगा क्लियर हो गया ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हुआ अब इसके अलावा कुछ और बातें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टोटल 158 फिफ्टी एट सेक्शन है टोटल फिफ्टी वन ऑर्डर है ठीक है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1999 और 2002 इन दो सालों में बहुत ही खास मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके अलावा 1976 में भी हुआ था बट हम 1999 और 2000 के जो 2002 के जो अमेंडमेंट्स हैं वो काफी मेजर हैं इनको ये कब एनफोर्स हुए इसकी डेट पूछी जाती है आपको ध्यान रखना है 1999 और 2002 इन दोनों के जो अमेंडमेंट्स हैं इन दोनों सालों में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो 1st ऑफ जुलाई 2002 को एनफोर्समेंट में आए ये प्री का बहुत खास सवाल है ठीक है डेट से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं एक बात तो याद रखना कि सिविल प्रोसीजर कोड कब एनेक्ट हुआ था उम्मीद है आप सभी के पास बेर एक्ट होगी सेक्शन नंबर वन के ऊपर जहां पीएमबल लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में देखोगे आपको एक डेट लिखी हुई मिलेगी मार्च ये ये कौन सी डेट डेट है ये of of CPC है ऑफ ऑफ़ इस दिन गवर्नर जनरल की असेंट जो है सीपीसी को मिली थी दोनों में से कोई भी सवाल आ सकता है डेट ऑफ अनेक्टमेंट क्या है या गवर्नर जनरल की असेंट कब मिली है जवाब क्या होगा इक्कीस मार्च नाइनटीन जीरो फोर्स में कब आया तो फर्स्ट ऑफ जनवरी इंपॉर्टेंट डेट हो गई एक और जो आपको पहले ही बता चुका हूं डेट पहले ही एक डेट बता चुका हूं कि 1999 और 2002 इन दोनों के जो अमेंडमेंट है वो फर्स्ट ऑफ जुलाई 2002 को लागू हुए यानी कि एनफोर्स हुए इसके अलावा एक और खास डेट आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पर सीपीसी कब से अप्लाई होना चालू हुआ याद रखना अक, अ, अक्टूबर 2019 30 उन्नीस ऑफ अक्टूबर 2019 ये आपको ध्यान रखना है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2019 ये आपको ध्यान रखना है अच्छा इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछा जाता है अगेन ये बेसिक्स की ही मैं बात कर रहा हूं कि 1999 और 2002 1999 और 2002 ये जो दो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये किस कमिटी की रिपोर्ट पर हुए हैं ये किस कमिटी की रिपोर्ट पर हुए हैं ध्यान रखना मेलेमत कमिटी की रिपोर्ट पर हुए है? ये भी आपको ध्यान रखना है ये कुछ बेसिक्स एरिया था था यहां से सवाल बनते हैं ये मैंने आपको बता दिए अब यहां से थोड़ा सा अपन आते हैं और बेयर एक्ट के थोड़ा सा इंडेक्स पर चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या यहां पर है एक छोटा सा सजेशन मैं आपको दे दूं जब भी आप अब पढ़ना चालू करो, तो कम से कम 10-12-15 मिनट बेरेक्ट के इंडेक्स को जरूर दिया करो ठीक है इससे एक फायदा यह होता है एक तो प्री निकलने की संभावना कुछ स्टेट्स एमपी हुआ राजस्थान हुआ छत्तीसगढ़ हुआ यहां पर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाते हैं तो कभी भी कोई बेरट पढ़ना स्टार्ट करो तो इंडेक्स जरूर पढ़ो दस पंद्रह मिनट ये आपको ध्यान रखना है जैसे कि अगर अपन बात बात करें CPC के अगर हम बात करें ब्रॉडली के हम तो सेक्शन नंबर वन बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट प्लीज अब मैं बेरट के इंडेक्स पर आपसे बात कर रहा हूं सभी लोग इंडेक्स निकाल लीजिए सभी लोग जल्दी से इंडेक्स निकाल दीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए जल्दी से 70 सत्तर लोग जो है वो देख रहे हैं और 53 केवल लाइक्स हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इंडेक्स आपने निकाल लिया होगा मुझे उम्मीद है अब देखो सेक्शन नंबर वन पर आओ सेक्शन नंबर वन किस बारे में बात करता है मेरी बातों को सुनते जाओ और, बेरेक को देखते जाओ. बस, और कुछ नहीं करना आपको बात करता है, title, हम लॉ पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या होगा ये कहां -कहां हो रहा है कहां, -कहां लागू हो रहा है अप्लाई हो रहा है और कब से शुरू हुआ शुरू कब से हुआ ये हमने देख लिया फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन इसके अलावा जो दो बातें वो हम और डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर टू पर आ जाओ जो कि है डेफिनेशन क्लॉज़ यानी कि यहां पर आपको डेफिनेशन मिलेंगी टू वन से लेकर के टू ट्वेंटी तक इसमें अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं। डेफिनेशन आपको इंडेक्स में देखने नहीं मिलेंगी वो अपन आगे चलकर देखने वाले सेक्शन नंबर थ्री पर आ जाओ और सेक्शन नंबर थ्री बात करता है सबोर्डिनेशन ऑफ कोर्ट सेक्शन नंबर वन हेडिंग कुछ खास नहीं है खास इसलिए नहीं है एग्जाम में इसलिए नहीं पूछते वो कॉमन सी हेडिंग है सेक्शन नंबर टू अगेन कॉमन सी हेडिंग है बहुत सारे लॉज में सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर जो है वो है वो डेफिनेशन क्लॉज कुछ खास नहीं three, four, के में बात करूं तो यहां पर भी सेक्शन की हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है मगर प्री में इन सेक्शन से सवाल बिल्कुल बनते हैं तो सेक्शन नंबर थ्री पे आते हैं दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट सेक्शन नंबर फोर पर आते हैं जो की बात करता है सेविंग क्लॉज की सेविंग मतलब क्या होता है जब भी कोई लॉ आता है बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं जब भी कोई लॉ आता है नया लॉ आता है तो जो पुराना लॉ है ना वो रिपील हो जाता है उसी चीज से जुड़ा हुआ पुराना लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा एंड हो जाएगा मगर सेविंग्स क्या होती है सेविंग का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जो हम बचा लेते हैं कुछ ऐसी जो हम सेव कर लेते हैं उन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नए लॉ के आने से इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कि मैं आपसे कहूं अभी तो तो बट हो सकता है कि लेजिस्लेटर चाहता हो कि कुछ प्रोविजन हम बचा के रखें जिन पर कोई इफेक्ट ना पड़े सेव कर लो इनको बचा लो तो उन चीजों को हम लिखते थे सेविंग क्लॉज में राइट अच्छा फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर फाइव में और सेक्शन नंबर फाइव हमको बताता है कि जो रेवेन्यू कोर्ट है उन पर सीपीसी अप्लाई होता है या नहीं होता या होता तो किस हद तक होता है सेक्शन नंबर सिक्स जो है वो बात करता है पिक्यूनरी की सेवन बात करता है प्रोवेंशियल स्मॉल कोर्ट की और एट बात करता है प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट की ये जितनी भी सेक्शन की हेडिंग है एक बार अगर हम रीड कर लेंगे हमको याद हो जाएगी सात और आठ की हैडिंग जरूर याद रख लेना छ की तो पूछी ही जा सकती है, है यानी कि डेफिनेशन उसकी उसकी जो हेडिंग्स है दो एक क्या है दो दो क्या है दो तीन क्या ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट जरूर है वहां से सवाल बिल्कुल बन सकता है बट एक से आठ तक की जो हेडिंग्स हैं उनसे में सवाल बने चांसेस थोड़े से कम होते हैं बट फिर भी मैंने आपको बता दिया सेक्शन नंबर वन है सबोर्डिनेशन फोर है प्रोवेंशियल स्मॉल कोड और आठ है प्रेसिडेंसी स्मॉल सात और आठ फिर भी देख लेना एक बार देखो आपके सामने लिखिए प्रोवेंशियल और प्रेसिडेंसी इसको आप लोग चाहो तो मार्क कर सकते हो ये सवाल पूछ सकते हैं कभी अच्छा यहां से आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारा सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर किस बारे बात करता है कि जो है, जो सिविल कोर्ट्स कोर्ट्स हैं हैं वो किस नेचर के सूट्स को डील करेंगे यानी कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल अनलेस बार्ड तो सेक्शन नाइन हमको बता रहा है कि भाई सिविल सूट जो है सिविल uh, कोर्ट जो है वो सिविल नेचर के या सिविल सूट्स डील करेगी वो भी वो सिविल सूट जो कि बाढ़ नहीं है ये मेंस के लिए बड़ा खास क्वेश्चन है बट अभी हम प्री पर ही फोकस कर रहे हैं बट इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी सूट्स हैं जिनको सिविल नेचर का माना जाता है कुछ को नहीं भी माना जाता है। एक छोटी सी लिस्ट आपको अभी मैं लिखवाने ही वाला हूं कि कौन कौन से सूट सिविल नेचर के और कौन कौन से सिविल नेचर के सूट नहीं है सेक्शन नंबर टेन बात करता है स्टेट ऑफ सूट की इलेवन बात करता है रेस्ट टिकेटा की बारह बात करता है बार टू फर्दर सूट की तेरह बात करता है फॉरन कोर्ट्स के जजमेंट से कंक्लूसिव होने की चौदह बात करता है प्रिजम्पन की पंद्रह से प्लेस ऑफ स्विंग स्टार्ट हो जाता है और पंद्रह से लेकर के बीस तक बेसिकली हमको पता चलता है कि एक सूट किस टेरिटरी के कोर्ट में आपको फाइल करना है ठीक है तो आपका पंद्रह बताता है कि भाई जितने भी कोर्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं जहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो

कोर्ट्स के जनरल पावर की कि वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं ये एक से लेकर के पच्चीस तक का पोर्शन मैंने आपको बताया हमने केवल हेडिंग्स देखी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जाते हैं हम बेयर पर रीडिंग पर आप सभी के पास बेर एक्ट होंगी राइट चलिए तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपने डेट डेट मार्क मार्क कर कर ली होगी कौन सी है है ये ये इस 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 दिन दिन क्या हुआ था? इस दिन CPC एनेक्ट हुआ था था गवर्नर जनरल की यहां पर उसको असेंट मिली थी इसके अलावा चाहो तो आप ये दोनों कर सकते हो कंसोलिडेट एंड अमेंड कभी इनसे भी सवाल आ सकता है कि भाई इसका लॉ का कोड ऑफ सिविल कहां से कब से एनफोर्समेंट में आया ये हमने देख लिया फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 से ये फोर्स में आ गया क्लियर इसके अलावा क्या जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है ध्यान रखना जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है ठीक है यहां से सवाल आपका बनता है याद रखना सेक्शन नंबर वन की मैंने कहा था हेडिंग से सवाल नहीं बनेगा बट कुछ सवाल बिल्कुल बन सकते हैं कहां पर एक्सटेंड नहीं होता इसको मार्क करना है आपको द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज यानी कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में ये अप्लाई नहीं होता ये आपको मार्क कर लेना है क्या जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होता है बिल्कुल होता है यहां पर लिखा था अब रिपील हो गया है क्लियर अच्छा अब यहां से आगे बढ़ते हैं आते हैं सेक्शन नंबर टू पर जो है हमारा डेफिनेशन क्लॉज आप सभी के पास अब देखो दो मैंने कहा कि दो एक से लेकर के दो बीस तक के पूरे प्रोविजन है जहां पर आपको डेफिनेशन बताई गई है दो एक क्या है कोड माफ करो ये सवाल इसकी हेडिंग से सवाल बन सकता है कोड को कहां पर डिफाइन किया दो एक में डिफाइन किया एंड कोड इंक्लूड रूल्स इस डेफिनेशन का जरा मतलब आप समझ लो ये मेंस के लिए जरूरी नहीं है बट इससे जुड़ी हुई कोई बात मैंने आपको बताई थी वही बात यहां पर हमको समझनी है थोड़ा सा हमको समझ में आ जाएगी कोड इंक्लूड्स रूल्स अब आप देखो अभी आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा पूरा सीपीसी है ये पूरा सीपीसी एक तो सेक्शन में है और दूसरा फिफ्टी वन ऑर्डर है तो जब हम लोग कोड कहेंगे तो उसमें क्या केवल सेक्शन ही काउंट होंगे वो जो 51 वन ऑर्डर में रूल्स हैं वो कोड नहीं है वो भी कोड है ना तो देखो आप पे है कोड वो जो अलग अलग ऑर्डर में रूल्स है ना वो भी इसी कोड का ही हिस्सा है ये है इस मतलब कोड इंक्लूड रूल्स वो जो रूल्स हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस कोड क्लियर ये हुआ आपका दो एक अब दो दो है डिक्री डिक्री क्या होता है देख लेते हैं सवाल यहां से क्या बनता है जरा ये समझो डिक्री के होते हैं सात एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं सात एलिमेंट्स होते हैं आपसे सवाल प्री में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डिक्री का नहीं है या इनमें से कौन सा एलिमेंट डिक्री का है आपको सातों के सातों एलिमेंट्स अगर याद होंगे तो आपको का करने में आसानी होगी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ये सात एलिमेंट्स होते हैं डिग्री के इसके अलावा जो भी इस एलिमेंट के बाहर है वो डिग्री का एलिमेंट नहीं है सवाल उल्टा भी आ सकता है कि डिग्री का कौन सा एलिमेंट है तीन बाहर के होंगे एक इनमें से होगा देख लो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट राइट ऑफ दर्टीज विध रिगार्ड टू ऑल और मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इनके साथ एलिमेंट आपको मिल गए ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा कितनी तरह की डिग्री जो है कितनी तरह की डिग्री जो है उनकी बात सीपीसी में कही गई अगला सवाल है याद रखना तीन सवाल डिस्कस कर चुका हूं पहला सवाल क्या था डिग्री कहां डिफाइन किया है दो दो में डिफाइन किया ये सवाल नंबर एक डिग्री के एलिमेंट कौन सा है ये एक सवाल। कौन सा नहीं है ये एक और सवाल। तीन सवाल तीन हो गए। कितने तरह की डिक्रीज के बारे में यहां पर बात करी हुई है सीपीसी में बात करी हुई है या दो दो में बात करी याद रखना फाइनल पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल देख लो यहां पर प्रिलिमिनरी फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल ये चौथा सवाल हो गया इसी डेफिनेशन का अगला सवाल क्या क्या डिक्री माना जाता है याद रखना कई लोग कहते हैं सर डीम डिक्री कोई टाइप नहीं है तीन ही तरह के तीन ही डिक्रिया होती है डीम डिक्रीज नो टाइप no यहां पर आप लैंग्वेज देख सकते हो यहां पर क्या लिखा है डीम्ड टू इंक्लूड माना जाएगा कि डिक्री शब्द में इंक्लूडेड है डिग्री नहीं लिखा वहां पर तो डीएम डिग्री कोई टाइप नहीं होता आप इस वर्ड को यूज ना मत किया करो ठीक है अच्छा वर्ड में क्या क्या है तो दो बातें आपको बता देना है रिजेक्शन ऑफ प्लांट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 ये डिग्री माना जाएगा और क्या डिग्री नहीं माना जाएगा ए और बी ये दोनों चीज डिक्री नहीं मानी जाएंगी वो ऑर्डर जिनकी अपील हो सकती है और डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे प्री के सवाल हैं और पूछे जा चुके हैं ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने मार्क किए हैं ये प्री के सवाल है सारे के सारे पूछे जा चुके हैं हाँ इसके अलावा दो सवाल और पूछे जा चुके हैं वो आपको ध्यान रखना है कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन अट कैन देअर बी मोर देन वन फाइनल डिग्री इन अट याद रखना इन दोनों का जवाब यस है इन दोनों का जवाब यस है यस देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्रीज इन अट यस देर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिग्रीज इन अट ये आपको ध्यान रखना है दो दो हुआ इसके अलावा दो तीन जो है डिग्री होल्डर एक सवाल यहां से बनता है डिग्री होल्डर से एक सवाल बनता है क्या डिग्री होल्डर का सूट में पार्टी होना जरूरी है कैसा कोई जवाब मुझे देगा क्या डिग्री होल्डर का सूट में पार्टी होना जरूरी है येस और नो क्या लगता है <sheep> इसका जवाब क्या है क्या डिग्री होल्डर का सूट में पार्टी होना जरूरी है ठीक है यस yes. गुड इसका जवाब आप लोग को बता दू द आंसर इज नो डिक्री होल्डर होता कौन है जिसके फेवर में डिक्री आई है जिसके फेवर में डिक्री आई है वो डिक्री होल्डर है नंबर वन और इस व्यक्ति का सूट में पार्टी होना सूट में पार्टी होना जरूरी नहीं है देखो यहां पर क्या लिखा है पर्सन वर्ड का इस्तेमाल किया है जवाब बेरक में ही मिल जाएगा जवाब बेरक में मिल जाएगा देख लो पे पर्सन वर्ड का इस्तेमाल किया है उस व्यक्ति का पार्टी होना जरूरी नहीं है वो कोई भी हो सकता है अदर देन पार्टी भी हो सकता है अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगी कैसे कैसे हो सकता है अब आगे बढ़ते हैं <clears throat> आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर जो सेक्शन फोर है अगेन कुछ बहुत खास नहीं है हाँ मगर पांच और छह फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट हेडिंग को मार्क कर लो ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है इसके अलावा गवर्नमेंट प्लीडर यह आपसे पूछा जा सकता है तो यह आपको मार्क कर लेना है एक बात यहां पर खास आपको बता दूं कि गवर्नमेंट प्लीडर जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इस कोर्ट में दिए गए फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो तो गवर्नमेंट प्लीडर होता ही है बहुत खास बात लिखी है उसके डायरेक्शन पर जो काम करता है उसके डायरेक्शन पर जो एक्ट कर रहा है वो भी गवर्नमेंट ले रही है कई बार लोग इस बात को मिस कर जाते हैं ये आपको नहीं भूलना है सेवन एवन बी की आप लोग चाहो तो मार्क कर सकते हो आ जाओ एट पर आ जाओ जज कौन होता है जज इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट आपको याद रखना है नाइन आपको याद रखना है जजमेंट और टेन याद रखना है जजमेंट डेटर दोनों को मार्क करो जजमेंट क्या होता है डिक्री और ऑर्डर के जो ग्राउंड्स बताए किन ग्राउंड्स पर डिक्री या ऑर्डर पास हो रहा है कुछ तो रीजंस होंगे ना कि आप वो डिसीजन दे रहे हो डिक्री और ऑर्डर दोनों ही होते हैं कोर्ट के कुछ तो रीजंस होंगे ना वो जो रीजंस हैं वो होते हैं जजमेंट तो माफ करो ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर और जजमेंट डेटर कौन होता है जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है वो होता है जजमेंट डेटर इलेवन को मार्क करो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बारह को मार्क करो मेन प्रॉफिट दोनों को मार्क करो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मेन प्रॉफिट अब यहां से दो एक तो हेडिंग से सवाल बन गया ये मैंने आपको बता दिया ये हेडिंग से सवाल बन गया इसके अलावा दो तीन सवाल यहां से और बनते हैं इन सवालों को जरा सुन लो दो ग्यारह में आपसे पूछा जाता है क्या एग्जीक्यूटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है आंसर इज यस क्या एडमिनिस्ट्रेटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है द आंसर इज यस मगर यह बात ध्यान रखना कि जो रिसीवर होता है फोर्टी में ऑर्डर फोर्टी में जो रिसीवर अपॉइंट होता है क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है द आंसर इज नो तो एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मगर रिसीवर जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता लीगल रिप्रेजेंटेटिव केवल उसी वर्ड का हो सकता उसी व्यक्ति का हो सकता है ठीक है उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसकी डेथ हो गई हो रिसीवर अपॉइंट होने के लिए डेथ होना जरूरी नहीं है क्लियर है रिसीवर किसी ऐसे व्यक्ति का भी अपॉइंट हो सकता है जो जीवित है बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए उस व्यक्ति की डेथ होना जरूरी है तो इसलिए याद रखना कि रिसीवर जो है वो एल नहीं होता इसके अलावा यहां से एक सवाल और पूछा जाता है और वो सवाल ये है कि क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लीगल एयर होना जरूरी है क्या कोई जवाब देगा इस बात का क्या क्या इस बात कोई जवाब देगा क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लीगल एयर होना जरूरी है वेरी गुड सांजली, गुड यश याद रखना लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लीगल एयर ये प्री का सवाल है ये प्री का सवाल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लीगल एयर होना जरूरी नहीं है गुड वहां पर यश सही बोला आपने इंटरमेडलर शब्द का इस्तेमाल किया है तो जरूरी नहीं है तो यहां पर दो तीन सवाल मैंने आपको बता दिए इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना मेन प्रॉफिट सवाल बनता है कि मेन प्रॉफिट में क्या इंक्लूडेड नहीं होता क्या होता है जो प्रॉफिट हुआ या जो प्रॉफिट हो सकता था उस पर इंटरेस्ट क्लियर मगर क्या इंक्लूड नहीं होता तो माफ कर लो लिखा हुआ है बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट इन रॉन्गफुल पोजेशन जो व्यक्ति प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजेशन में था अगर उसी व्यक्ति ने कोई इंप्रूवमेंट कर दिया उससे उसे कोई फायदा हो गया तो वो फायदा मेन प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता और एक सवाल यहीं से और सुन लो आपको ध्यान रखना है वेरी गुड सांसली एक बात आपको और याद रखना है यहां पे जो वर्ड यूज किया है ना वो है रॉन्गफुल पोजेशन कौन सा वर्ड है रॉन्गफुल पोजेशन सवाल आता है कि मेन प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी के ऑप्शन नंबर ए इनलीगल पोजेशन में हो नंबर दो अनलॉफुल पोजेशन में हो ऑप्शन नंबर थ्री रॉन्गफुल पोजेशन में हो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव याद रखना अनलॉफुल नहीं नहीं इट इज रॉन्गफुल ये आपको याद रखना ये भी प्री का बहुत खास सवाल है आगे बढ़ते हैं बाकी ऑर्डर

शेयर इन अ कॉरपोरेशन और ट्वेंटी साइन ये कुछ बहुत खास नहीं है चाहो तो याद कर सकते हो चाहो तो मैंने आपको बता दे कौन कौन सब से सबसे खास है जो कि आपको याद रखने तो क्या क्या हमने पढ़ा दो एक दो डिक्री दो तीन डिक्री होल्डर दो चार डिस्ट्रिक्ट कुछ खास नहीं है चाहो तो याद कर सकते हो दो पांच और दो छह फॉरन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट दो सात इज गवर्नमेंट प्लीडर दो आठ नौ और दस यानी कि ज़, जज जजमेंट और जजमेंट डेटर यह सब आपको तो याद रखना है दो याद रखना है पांच छे, कंफर्म याद रखना है तीन याद रखना है सात याद रखना है आठ नौ दस याद रखना है ग्यारह बारह और मीन प्रॉफिट याद रखना है हो गया तेरह मोरल प्रॉपर्टी चाहो तो याद रख लो छोड़ भी सकते हो बट मेरे ख्याल से मत ही छोड़ो एक से बीस तक भी कुछ बेहतर रहेगा फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ तो तु सत्रह मैंने आपको बताया खास है पब्लिक ऑफिसर है अठारह उन्नीस बीस जो है वो आप एक बार देखकर चले जाना तो आपके लिए बेहतर रहेगा ये बेसिकली वो डेफिनेशन है जो कि हमको ध्यान रखनी है क्या क्या सवाल यहां से बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए आगे आते हैं सेक्शन नंबर थ्री एक बार रीड कर लेना सेक्शन नंबर फोर पर आ जाओ याद रखना एक बात बस मार्क कर लो क्या स्पेशल और लोकल लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्यान रखना स्पेशल और लोकल लॉस पर सीपीसी के आने का कोई फर्क नहीं पड़ा और सेक्शन नंबर फोर कभी हेडिंग में आपसे कभी प्री में पूछा जा सकता है ये दो सवाल यहां से चांसेस है बनने के इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हाँ एक्सैक्टली exactly दीपक मैंने कहा ना कि उसको याद रख लोगे तो बेहतर रहेगा आगे बढ़ते हैं क्या अब यहां से एक बड़ा खास सवाल बनता है सेक्शन नंबर फाइव से और सवाल यह बनता है कि क्या सी रेवेन्यू कोर्ट्स पर अप्लाई होता है ये बड़ा खास सवाल है दो सवाल बनते हैं यहां से बहुत खास सेक्शन 5 से क्या रेवेन्यू कोर्ट्स पर सीपीसी अप्लाई होता है ध्यान रखना रेवेन्यू कोर्ट्स पर सीपीसी अप्लाई तभी होता है जब रेवेन्यू कोर्ट्स पर अप्लाई होने वाला लॉ साइलेंट हो यानी कि जनरली तो नहीं होगा उन लॉज पर या उन कोर्ट्स पर जो लॉ अप्लाई होता है वो ही अप्लाई होगा

वो यहां से बनता है क्या देखो रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन से कोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है ये सवाल एग्जैक्टली exactly बता रहा हूं रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन से कोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है ध्यान रखना डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं ये आपको ध्यान रखना यह प्री का सवाल है सेक्शन नंबर फाइव से सिक्स की हेडिंग आपके लिए जरूरी है उसको मार्क कर लो सेवन की हेडिंग मार्क करो एट की हैडिंग मार्क करो ये बेसिकली हो गया हमारा एक से आठ तक के प्रोविजन अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर नाइन जो कि बात करता है कि एक सिविल कोर्ट जो है वो किस तरह के केस डील कर सकता है देख लो सिविल होने चाहिए सॉरी होना चाहिए सिविल सूट होने चाहिए और किसी भी लॉब से बाड नहीं होना चाहिए ना तो एक्सप्रेसली बाड होने चाहिए और ना ही वो इम्प्लाइटली बाड होने चाहिए ये आपको ध्यान रखना है कोई भी कोर्ट कैसे केसेस डील कर सकता है सेक्शन नंबर नाइन से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं एक तो हेडिंग से बनेगा नंबर वन एक सवाल बन गया दूसरा सवाल क्या बना कि कैसे केस डील कर सकता है ये आपने के सामने लिखा हुआ है सिविल नेचर के है और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली है तो वो डील कर सकता है अच्छा इसके अलावा जो इसका एक्सप्लेनेशन नंबर टू है वो कब जोड़ा गया ये एक बड़ा खास सवाल है क्या मुझे कोई बताएगा कि सेक्शन नंबर नाइन में एक्सप्लेनेशन नंबर टू कब जोड़ा गया क्या कोई मुझे बताएगा कि एक्सप्रेशन नंबर टू कब जोड़ा गया है सेक्शन नंबर नाइन में ठीक है सांझली देखो 1976 का अमेंडमेंट था एनफोर्समेंट में आए, 1977 में इसको ध्यान रखना 1976 का अमेंडमेंट था फोर्स में आया नाइनटीन सेवनटी सेवन वेरी गुड ये आपको ध्यान रखना ये प्री का सवाल है इसको ध्यान रख लेना ये कई बार पूछा भी गया अच्छा इसके अलावा एक सवाल जो तो यहां से बनता है कि भाई कौन कौन से केसेस अब देखो यहां पर लिखा है ना सिविल नेचर कौन से सूट सिविल नेचर के हैं और कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने एक्ट ऑफ 1976 सिक्स वेयर फ्रॉम बिल्कुल सही लिखा है तो कौन से सूट सिविल नेचर के हैं और कौन से नहीं है एक बहुत छोटी सी लिस्ट है जो मैं आपको बताता हूं आप उसको नोट कर लो ये आपके काम में आ सकती है एग्जाम में बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट है किसको सिविल नेचर का माना गया है और किसको सिविल नेचर का नहीं माना गया है जरा इसको मैं चार पांच एग्जाम्पल दे दे रहा हूं एग्जाम में आपके काम बिल्कुल आ जाएगा एक छोटी सी हेडिंग डालो एक छोटी सी हेडिंग डालो सूट्स ऑफ सिविल नेचर सूट्स ऑफ सिविल नेचर डैश डालो लिखो सूट्स रिलेटिंग टू सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी कॉमा पोस्ट यानी कि पद कोई ऑफिस लिखो पोस्ट कॉमा राइट टू वर्शिप राइट टू या राइट ऑफ वर्शिप कॉमा राइट टू टेक रिलीजियस प्रोसेशन राइट टू टेक रिलीजियस प्रोसेशन कॉमा suits relating to suits relating to right to right to shares in offerings comma specific performance of contract comma restitution of conjugal rights comma suits रिलेटिंग टू रेंट्स रेंट्स कॉमा हेरिडेटरी ऑफिस हेरिडेटरी ऑफिस कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए जो कि सूट ऑफ सिविल नेचर है हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रही हो बट ये लिस्ट अवेलेबल रहेगी आप इसको बाद में देख भी सकते हो अब एक और छोटी सी हेडिंग डालो

ठीक है सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली अ कास्ट क्वेश्चन अ कास्ट क्वेश्चन कॉमा सूट्स सूट्स इन्वॉल्विंग सूट्स इन्वॉल्विंग अपहोल्डिंग अपहोल्डिंग ऑफ डिग्निटी अप होल्डिंग ऑफ डिग्निटी और ऑनर यह सिविल नेचर की नहीं है इसके अलावा इस लिस्ट में और भी चीजें आ सकती हैं बट यह बेसिक्स की बातें थी जो मैंने आपको लिखवा दी आप इस लिस्ट को दोबारा देख भी सकते हो यहां पर अवेलेबल रहने वाली है तो सेक्शन नंबर नाइन जो है जो सेक्शन नंबर नाइन है यहां से तीन चार तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं इसकी हेडिंग से बन सकता है किस तरह के सूट डील कर सकता है यह सवाल बन जाएगा एक्सप्रेशन नंबर टू कब जोड़ा यह सवाल बन जाएगा और कौन से सूट सिविल नेचर के हैं और कौन से सिविल नेचर के नहीं है यह आपको ध्यान रखना है इसकी लिस्ट मैंने आपको नोट करवा दी ठीक है यहां से आगे बढ़ते अब देखो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव बैच में पढ़ाई करी होगी जो जुडिशरी गोल्ड का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है तो आपको पता होगा कि सिविल सूट में और सिविल नेचर के सूट में क्या डिफरेंस होता है इसको अपन डील करते हैं ये प्री का पॉइंट नहीं है ये मेंस का पॉइंट है तो उन सारी बातों में नहीं जा रहा कि कुछ यहां पर बच्चे ऐसे भी हैं जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच के हैं तो वो जरूर सोच सकते हैं कि सर ये आपने टॉपिक डील नहीं किया वो मेंस का टॉपिक है कि सिविल सूट क्या होता है और सिविल नेचर का सूट क्या होता है एक्सप्रेसली का मतलब क्या होता है इंप्लायली बार्ड का मतलब क्या होता है वो यहां का क्वेश्चन या यहां का पोर्शन नहीं इसलिए मैं उसको डील नहीं करता हूं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं 10. को करो. 10 की को करो. एक सवाल इसकी हेडिंग से ही बन जाएगा स्टे ऑफ सूट याद रखना सेक्शन टेन की हेडिंग रेस सब्जुडाइस नहीं है स्टे ऑफ सूट है ये आपको ध्यान रखना है और एक बहुत खास सवाल जो कि आपको ध्यान रखना है इसके अलावा एक बात आपको याद ये रखना है कि सेक्शन नंबर टेन का एक एक्सेप्शन है सेक्शन टेन का नियम क्या है कि अगर कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है राइट right? तो अब वही कोर्ट उसी केस को डील नहीं करेगी मगर अगर केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है अगर केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो उस कंडीशन में

ये आपको ध्यान रखना है तो सेक्शन नंबर टेन एक तो हेडिंग सवाल बन जाएगा इसके एलिमेंट से सवाल बनेगा सेक्शन टेन के एलिमेंट से कि भाई सेम पार्टीज होने चाहिए उनका सेम टाइटल होना चाहिए मैटर सेम होना चाहिए जो बेसिक उसके एलिमेंट है उस पर सवाल बनेगा भाई कब सेक्शन टेन अप्लाई होगा ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा एक बड़ी खास बात आपको बता दू सेक्शन नंबर टेन जो है इसमें आपसे एक सवाल और पूछा जाता है एक तो एक्सेप्शन बता दिया क्या सेक्शन 10 का एक्सेप्शन ही हुआ ना ये कि अगर फॉरेन कोर्ट में केस पेंडिंग है तो इंडियन कोर्ट्स आर नॉट बाड बाय सेक्शन 10 इसी तरीके से याद रखना अगर सेक्शन नंबर 10 का बार लग भी रहा है तो भी जो कोर्ट है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर सकती है तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स इज द सेकंड एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 10 कभी भी याद रखना सेक्शन नंबर टेन जो है वो ट्रायल पर बार लगाता है जो कोर्ट है जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर सकता है ये आपको ध्यान रखना है आप देखो यश आपने लिखा है कोर्ट कोर्ट जाहिर, जाहिर सी बात है कि जो है कि जो वो एक एक्सेप्शन है इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, है क्या कि भले ही सेक्शन टेन का बार लग रहा हो मगर मगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर पास किए जा सकते हैं इसको ध्यान रखना ये भी प्री का सवाल है आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर इलेवन पर आ जाओ यहां पे काफी सारे सवाल आपसे बन सकते हैं रेस ड्यूटिकेटा कहां पर दिया है एक तो ये सवाल बन गया रेस ड्यूटिकेटा के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं याद रखना रेस ड्यूटिकेटा जो है वो केवल सूट पर नहीं लगता वो इश्यूज पर भी लगता है यानी कि अगर कोई एक इशू है जो कि पहले दो पार्टीज के बीच में डिसाइड हो चुका है किसी दूसरे केस में उन्हीं पार्टीज के बीच में वही राइज हो गया तो उस इशू पर भी रेस जुडिकेटा लग जाएगा ये आपको ध्यान रखना है तो रेस जुडिकेटा सूट पर भी लगता है और रेस जुडिकेटा इशू पर भी लगता है ठीक है इसके अलावा जो रेस जुडिकेटा के एलिमेंट्स हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे तब रेस्ट जुडिकेट अप्लाई होगा सेम पार्टीज होना चाहिए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए पार्टीज का टाइटल सेम होना चाहिए पिछले कोर्ट के पास जो पिछला कॉम्पिटेंट को होना चाहिए और उसने केस को हर्ड एंड यानी कि सुना हो और सुन के डिसाइड किया हो ये सारे एलिमेंट से सवाल बनते हैं कि रह जुड़ी का। कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट नहीं है यही आपसे सवाल पूछ जाएंगे यही एलिमेंट्स आपके बन जाएंगे इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर इलेवन में टोटल आठ एक्सप्लेनेशन है एक तो यही सवाल बन गया कि टोटल कितने हाँ यश yes, आपने सही लिखा है कि सेक्शन टेन हो या इलेवन हो वो कोर्ट पर बार लगाते ट्रायल के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है फॉर sure. सही लिखा है आपने गुड हाँ प्रियंका प्रियंका ने यहां पर एक सवाल पूछा है सवाल प्री में आता है इसलिए जवाब दे दे रहा हूं प्रियंका ने पूछा है सर वन डाउट डज रेस्ट जूडिकेटा अप्लाई टू proforma defendants proforma defendants the answer is no rest judicator ye pre ka sawal hai sab log sun lo aur chaho to note bhi kar lo rest judicator does not apply to proforma defendant अब ये तो एक सवाल हो गया अब आपके मन में शायद सवाल आ रहा हो कि सर ये प्रो फॉर्मा defendant किसे कहते हैं हु आर प्रो defendants? डिफेंडेंट याद रखना एक ऐसा डिफेंडेंट जिससे प्लेंटिफ ने कोई रिलीफ मांगा ही नहीं एक ऐसा डिफेंडेंट जिससे प्लेंटिफ so ने कोई रिलीफ मांगा ही नहीं वो कहलाता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट अब आप समझो कि जिस व्यक्ति से कोई रिलीफ मांगा ही नहीं उसके बीच में और प्लेंटिफ के बीच में तो कोई डिस्प्यूट है, है ही नहीं जब डिस्प्यूट है ही नहीं ठीक है जब कोई डिस्प्यूट है ही नहीं तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ जब कोई कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ इन दोनों के बीच में तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होने की कोई बात ही नहीं आती तो कभी ये सवाल आ जाए दो दो सवाल बता दिए अब आपको क्या प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है नहीं होता ये एक सवाल हो गया और क्या क्या हु प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट तो याद रखना जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ ही क्लेम नहीं किया वो डिफेंडेंट होता है फॉर्मा डिफेंडेंट गुड प्रियंका सही लिखा है आपने जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम ना किया गया तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छा अब अगला सवाल क्या देख लिया कितने एक्सप्लेनेशन है टोटल आठ एक्सप्लेनेशन है ठीक है प्री के लिए जो बहुत खास है वो आपको बता दूं नंबर वन नंबर फोर Four तो मेंस के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं हम लोग नंबर फाइव पर नंबर सेवन पर और नंबर एट पर ठीक है पहला क्या कहता है कि फॉर्मर कोर्ट या फॉर्मर केस कौन सा कहलाएगा जो पहले फाइल हुआ या जो पहले डिसाइड हुआ याद रखना फॉर्मर केस वो कहलाएगा जो कि पहले डिसाइड हुआ इसको मार्क कर लो अगली बात कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकेटा कहा है एक्सप्लेनेशन नंबर फोर में दिया है ये दूसरी बात हो गई अगली बात अगर कोई रिलीफ मांगा और वो रिलीफ के बारे में जजमेंट साइलेंट है इसका मतलब ये माना जाएगा कि कोर्ट ने उस रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया है अगली बात क्या

लिमिटेड डिडक्शन की बात करता है ये देखो एक्सप्लेनेशन नंबर एट ये मेजर वो सारे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर इलेवन में इसके अलावा ध्यान रखना अच्छा ठीक है पुखराज गुड सही लिखा है आपने अब देखो इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि जैसे भी आपने सवाल पूछा ना कि क्या रेस जुडिकेटा प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट अप्लाई होता है ऐसे सवाल पूछा जाता है क्या क्या रेस जुडिकेटा को को कोडिफेंडेंट के बीच में अप्लाई हो सकता है क्या रेस जुडिकेटा को को टिफेंडेंट के बीच में भी अप्लाई हो सकता है बताइए जवाब दीजिए इसका क्या रेस जुडिकेटा को प्लेटिव और को डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई होता है ठीक है अनामिका शिरीष प्रियंका यश पुखराज ठीक है ध्यान रखना यस अप्लाई होता है बट आप इसका जवाब तो यस मार्क करोगे बट अगर में से पूछा जाएगा तो कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वो कंडीशन पूरी हो रही है तो तो फिर अप्लाई हो जाएगा वरना अप्लाई नहीं होगा बट अगर आपसे प्री में जनरली सवाल पूछा गया है कि क्या उनके अगेंस्ट अप्लाई होता है हाँ होता है ये आपका आंसर वहां पे रहने वाला है तो ये हुआ आपका सेक्शन नंबर इलेवन आगे बढ़ते हैं

इनमें से कोई एक कंडीशन में फॉल कर रहा है तो नहीं होगा यानी कि बाकी हर जगह होगा यह बड़ी छोटी सी बात है कि जिस कोर्ट ने वो जजमेंट पास किया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था पर नहीं किया इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल या इंडिया का जहां पर लॉ अप्लाई करना था वो उसने लॉ अप्लाई करने से मना कर दिया नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है फ्रॉड से ऑप्टेन किया है या इंडियन लॉ को वॉयलेट करने वाला ब्रीच करने वाला है वो जजमेंट तो याद रखना ऐसे जजमेंट्स कंक्लूसिव नहीं होंगे अदरवाइज फॉरेन कोर्ट के सभी जजमेंट्स कंक्लूसिव होंगे ये आपको ध्यान रखना है ये पूरी लिस्ट आपको याद करनी है याद क्यों करनी है प्री में सवाल पूछा जाएगा कि कब कंक्लूसिव होगा या नहीं होगा इसी लिस्ट के थ्रू आप वो जवाब दे पाओगे इसके अलावा इसलिए भी याद करना है क्योंकि मेंस का भी सवाल है ये मेंस का भी सवाल है इसलिए आपको ये याद रखना है और सेक्शन नंबर 14 की हेडिंग को मार्क करो और सेक्शन नंबर 14 एक सवाल बनता है उसको भी मार्क कर लो 14 का सवाल क्या बनता है, 14 का presumption, कैसा presumption है? फिर से रिपीट कर रहा हूं सेक्शन नंबर फोर्टीन का प्रिजम्पन कैसा प्रिजम्पन है याद रखना इट इज अटेबल प्रिजम्पन ऑफ लॉ क्या है सवाल क्या क्या ऑप्शन रहेंगे

क्लियर हुआ अच्छा अब आते हैं आगे सेक्शन नंबर 15 से जो की बात करता है प्लेस ऑफ स्विंग की अब मैं आपको यहां से आगे ले जाऊं इसके पहले एक बहुत छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं देखिए ये जो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पर ये राजस्थान जुडिशरी के लिए कर रहे हैं अब अगर आप राजस्थान में ही हो तो जो हमारा राजस्थान का ऑफलाइन सेंटर है राजस्थान का जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है उसमें आप देखिए 21, 22 और 23, यानी कि जो आने वाली 21st, 22nd और 23rd जो तारीख है इसमें हम बूट कैंप कर रहे हैं और इस इस तीन दिन के बूट कैंप में आपकी जो मेजरली टिप्स आप देख ही रहे होंगे कि भाई किस तरीके से आपको प्री क्रैक करना है जो उसके ये बेसिकली बूट कैंप है आपको यहाँ पर पढ़ाया भी जाएगा और साथ में टिप्स भी बताई जाएंगी कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करो तो अगर आप राजस्थान से ही हैं और हमारे ऑफलाइन सेंटर के पास हैं तो देखिए आप देख भी पा रहे होंगे जयपुर में हमारा सेंटर है और यहां पर आप आ सकते हो 21, 22 और 23 तारीख को और अपनी तैयारी को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो वाई पे तो अवेलेबल है कि ऑफलाइन भी आपके साथ ये चीज हम करने वाले हैं इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आरजीएस का क्रैश कोर्स भी जुडिशरी गोल्ड लेकर आ चुका है इनफेक्ट दो दिन हो भी चुके हैं क्रैश कोर्स चालू हो चुका है ज्यादा डिले नहीं करना क्योंकि तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि वाइटी पर आपसे शेयर नहीं करी जा सकती बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यह आपको पता है <coughs> राइट तो इसीलिए अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और, और ज्यादा आपको डिटेल में प्री की पढ़ाई करनी है तो आप बिल्कुल क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ये सारी चीजें हैं जो कि डिलीवरेबल्स आप सामने देख ही रहे होंगे कि यहां पर टेस्ट भी अवेलेबल है और पढ़ाई तो हम करवाएंगे ही क्लियर ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अब आगे बढ़ जाते हैं आ जाते हैं सेक्शन नंबर फिफ्टीन पे मैंने आपसे कहा था कि प्लेस ऑफ स्विंग की बात कर रहा है ठीक है अः आ... अमित बेसिकली क्या है बेसिकली ये ऑफलाइन एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे होने वाला है तो अगर आप वहां पर हैं जयपुर में तो, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा वाई पर तो हम सारा शेयर कर ही रहे आपके सामने अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन फिफ्टीन पर आते हैं एक बार फिफ्टीन से सवाल बनने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कोर्ट इन विच बी किस कोर्ट में केस जाएगा याद रखना बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं जहां पर आप अपना केस फाइल कर सकते हो बट आप उनमें से किस कोर्ट में जाओगे कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा उसके पास जाओगे जो लोएस्ट ग्रेड का कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा आप उसके पास जाओगे क्लियर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है सोलह पर आ जाओ सूट कहां फाइल होगा सोलह से एक सवाल बनता है उस सवाल को ध्यान रख लेना सवाल यह है कि जो सेक्शन सिक्सटीन है वो किन प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होता है मूवेबल या दोनों याद रखना इसका जवाब है बोथ इसका जवाब है दोनों मैं आपसे सवाल पूछने के बाद ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय कम है और बहुत सारी बातें हमको देखनी है अभी है ना तो मैं आपसे सवाल पूछकर ज्यादा वेट नहीं कर सकता ठीक है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता जवाब आपको तुरंत देता जा रहा हूं ठीक है सोलह जो है वो कहा कौन सी प्रॉपर्टीज में अप्लाई होता है याद रखना दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होता है मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल ये आपको ध्यान रखना है अच्छा सूट फाइल कहां होगा तो जहां पर आपका एफ पॉइंट एंड हो रहा है देख लो वहां पर लिखा है सूट वहां पर फाइल होगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है आप देखो सेक्शन नंबर हेडिंग 16 की से ये बात क्लियर हो रही है क्या कि सूट टू बी सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएट जहां सब्जेक्ट मैटर होगा वहां पर सूट जो है वो फाइल किया जाएगा तो एक सवाल क्या बना हाँ मेघा uh, दूसरा पार्ट आएगा बट उस दूसरे पार्ट में हम कुछ केस लॉस पर फोकस करने वाले हम आज ही कोशिश कि कंप्लीट हो जाए जो केस लॉज है वो हम कल करने वाले ठीक है तो 16 किन प्रॉपर्टीज पर अप्लाई हो रहा है दोनों प्रॉपर्टीज पर अप्लाई हो रहा है और सूट फाइल कहा होगा? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है सेक्शन नंबर 17 पर आओ हेडिंग को मार्क करो 18 पर आओ हेडिंग को मार्क करो इन दोनों की हेडिंग से सवाल बन सकता है याद रखना सूट फॉर इम प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जोडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट अगर कोई एक प्रॉपर्टी है जो एक से ज्यादा कोर्ट के जोडिक्शन में आ रही है सूट फ़ाइल होगा उन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है से कोई भी कोर्ट देखो यहां पर लिखा भी हुआ है सूट in में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट उनमें से किसी भी कोर्ट में जो है वो सूट फाइल किया जा सकता है उनमें से किसी भी कोर्ट में ये आपको मार्क कर लेना है 18 पे आओ 18 की हेडिंग को मार्क करो 19 पर आओ 19 में लिखा हुआ है हेडिंग को मार्क करो सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉंग्स टू पर्सन और मूवेबल्स आप ध्यान दो 16 जो है वो ब्रॉडली बात कर रहा है 16 ब्रॉडली बात कर रहा है अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए सूट कहां फाइल करोगे और उन्नीस बात कर रहा है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है एंड यू वॉन्ट कॉम्पनसेशन या कोई पर्सन है उसके साथ कोई रॉन्ग हुआ है एंड यू वॉन्ट कॉम्पनसेशन सूट कहां फाइल होगा याद रखना जहां पर रॉन्ग हुआ है वहां पर या जहां पर रॉन्ग डूअर रहता है वहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल देखो यहां पर लिखा हुआ है If the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court, यानी कि रॉन्ग एक कोर्ट के एरिया में हुआ है एंड द डिफेंडेंट रिसाइड और डिफेंडेंट रहता कहां किसी और कोर्ट के एरिया में रहता है तो फाइल कहां होगा तो आखिरी में लिखा है ईदर ऑफ द सेड कोर्ट ईदर यानी कि दो ऑप्शन है चाहो तो वहां फाइल कर दो तो जहां पर रॉन्ग हुआ वहां पर फाइल कर दो तो जहां पर रॉन्ग डर रहता है और याद रखना इसके जो इलेट्रेशन हैं वो दोनों के दोनों बहुत खास है और और एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं ए रिसाइडिंग इन डेली बीट्स बी इन कलकत्ता ए रॉन्ग डूअर कहां रहता है दिल्ली में रॉन्ग कहां हुआ है कलकत्ता में बी को सूट फाइल करना है कहां करेगा इधर इन कलकत्ता और दिल्ली क्योंकि एक जगह डिफेंडेंट रहता है और एक जगह रॉन्ग हुआ है सिमिलरली ए रिसाइडिंग डेली ए रहता कहां है दिल्ली में पब्लिशेज इन कलकत्ता यानी कहां पर हुआ है ऑफ बी कहां पर हुआ है कलकत्ता में तो अब दिल्ली में सकता है कलकत्ता में भी हो सकता है दिल्ली में क्यों क्योंकि ए वहां पर रहता है कलकत्ता में क्यों क्योंकि वहां पर रॉन्ग हुआ है ये दोनों के दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20 पर आ जाओ यहां पर दो तीन सवाल यहां से बनते हैं एक तो सेक्शन नंबर 20 की हेडिंग पे सवाल बन जाता है याद रखना सेक्शन नंबर 20 इज अ रेसिडुअरी सेक्शन सेक्शन 20 इज अ रेसिडुअरी सेक्शन कैसे जहां पर 16 17 18 19 ये चारों अप्लाई नहीं होते हैं वहां सेक्शन नंबर 20 का रूल आ जाता है वहां सेक्शन 20 का रूल आ जाता है अगर आपका जो केस है वो सोलह सत्तर अठारह उन्नीस किसी भी फॉल नहीं कर रहा तो फिर आप कौन सा यूज करोगे सेक्शन ट्वेंटी और सेक्शन ट्वेंटी कहता है सूट कहां फाइल करोगे जहां पर डिफेंडेंट रहता है अब जब मैं बात करता तो हूं रहने की मैं रहना बोल रहा हूं बट वहां पर आप पढ़ोगे तो आपको लिखा मिल जाएगा रहता हो या जॉब करता हो या बिजनेस करता हो गेंद के लिए कोई एक्ट कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो बेसिकली जहां वो उस समय है वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो ये ऑप्शन दे दिए जहां जॉब कर रहा है बिजनेस कर रहा है रह रहा है ये वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा मैं रहना वर्ड एक जनरली इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है तो याद रखना सेक्शन 20 कहता है कि सूट कहां फाइल होगा जहां पर डिफेंडेंट रहता है या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और याद रखना प्री में पूछा गया है कॉज ऑफ एक्शन होली अराइजेज ज ऑफ एक्शन इन पार्ट अराइज कॉज ऑफ एक्शन इन होल और इन पार्ट अराइजेज याद रखना यह भी सवाल पूछा गया है बहुत खास सवाल है या तो होल्ली या तो पार्ट में हजार बोरे गेहूं डिलीवर करने थे पांच सौ तो बोरे डिलीवर करने थे इंदौर में और पांच सौ तो डिलीवर करने थे भोपाल में दोनों जगह डिलीवरी नहीं हुई तो पार्ट में परफॉर्मेंस कहा होना था इंदौर में पार्ट में कहा होना था भोपाल में तो इन दोनों ही जगह सूट फाइल किया जा सकता है क्यों क्योंकि पांच सौ इंदौर में पांच सौ भोपाल में तो पार्ट में इंदौर में पार्ट में भोपाल तो में, 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 में तो होली और इन पार्ट इस तरीके से आपको समझना है क्लियर हुआ अच्छा यह सेक्शन नंबर ट्वेंटी इसमें इलेट्रेशन दिए हुए हैं ये अगेन इलस्ट्रेशनस जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आपको रीड करना है 21 की हेडिंग को मार्क करो ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन एक बात समझ लो अगर आपने एक डिग्री पास हुई लोअर कोर्ट में डिग्री पास हो गई पूरा मैं रीड नहीं करूंगा कंसेप्ट बता दूंगा बट आपको कोर्ट ने एक डिग्री पास करी जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी उस कोर्ट के पास टेरिटोरियल या पिक्यूर डुडिक्शन नहीं था फिर भी डिग्री पास कर दी अब डिग्री तो पास हो गई है एवरी डिग्री इज एपिलेबल नाइनटी सिक्स सबसेक्शन वन एवरी डिग्री इज एपीलेबल आपने अपील कर दी और आप अपील में ये ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हो कि सर लोअर कोर्ट के पास जडिक्शन नहीं था टेरिटोरियल या पिक्यूनरी ये सिचुएशन है जिससे 21 डील कर रहा है कि लोअर कोर्ट ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक डिग्री पास करी जिसके पास टेरिटोरियल या ऑब्लिक पिक्यूनरी जिडिक्शन नहीं था डिग्री तो पास हो गई आपने डिग्री से कर दी अपील और आप एपिलिट कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन ले रहे हो कि सर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास टेरिटोरियल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास टेरिटोरियल या पिक्यूनरी डिडिक्शन नहीं था अब सवाल यह है कि क्या एपिलेट कोर्ट आपके इस ऑब्जेक्शन को अलाउ करेगा क्या एपिलेट कोर्ट आपके इस ऑब्जेक्शन को अलाउ करेगा आप ध्यान सुन लेना

इसका मतलब डिग्री अपहेल्ड हो गई क्लियर अब पॉइंट ये है कि क्या एपलेट कोर्ट आपका ये ऑब्जेक्शन अलाउ करेगा द क्वेश्चन ये क्वेश्चन है याद रखना आपका ये ऑब्जेक्शन तभी अलाउ होगा जब आपने लोअर कोर्ट के सामने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के सामने ये ऑब्जेक्शन लिया हो अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आपने उसी कोर्ट को बताया हो कि सर आपके पास नहीं है ऑब्जेक्शन लिया हो नंबर वन नंबर टू फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो यह दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी तो एपलेट कोर्ट ऑब्जेक्शन अलाउ कर देगा अदरवाइज नहीं करेगा और ये यहां पर लिखा हुआ है क्या <coughs> आप पे ऑब्जेक्शन अलाउ होगा तभी सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्एस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर एट और बिफोर द सेटलमेंट एंड अनलेस हैज बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस ये दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी ना तो एपिलेट कोर्ट आपका ऑब्जेक्शन अलाउ कर देगा आपका ऑब्जेक्शन अलाउ हो गया इसका मतलब पता क्या हुआ डिग्री जीरो हो गई कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये उसके पास रिल्शन नहीं था अदरवाइज डिग्री वैलिड हो जाएगी आपको ध्यान रखना है राइट right. काजल सही लिखा आपने <coughs> हाँ यश uh, yes, आपने सही लिखा है यू शुड नॉट स्लीप ऑन योर राइट सही लिखा है आपने बेसिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मिस यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ सेक्शन नंबर 21 का जो प्रिंसिपल है ना वो क्या है मिसयूज पहले नहीं बताया अब हार गए तो एफलेट कोर्ट को बता रहे हो तो प्रोसेस को मिसयूज ना किया जाए इसलिए सेक्शन 21 में जो है आरजेएस मेंस 2016 हाँ ठीक है पूछा गया था ये सवाल सही बोल रहे हो ये है आपका सेक्शन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं 22 21 ए की हेडिंग को मार्क करो 20 टू और ट्वेंटी थ्री देखिए अगेन यहां पर आते हैं जो डिफेंडेंट है वो केस को ट्रांसफर करवा सकता है किसी दूसरे कोर्ट में जिस कोर्ट का जुडिक्शन हो उस कोर्ट में केस को ट्रांसफर करवा सकता है डिफेंडेंट मगर डिफेंडेंट एप्लीकेशन कहां लगाएगा एग्जैक्टली exactly. काजल आपने बिल्कुल सही लिखा है कि अदरवाइज हर कोई डिग्री पास होने के बाद बताया कि जुडिक्शन नहीं था वेरी गुड सही बोला है इसलिए मैंने कहा कि इट इज इट इज रिलेटेड टू मिस यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगर डिफेंडेंट को आप समझना डिफेंडेंट केस को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा कि सर इस केस को इस कोर्ट से कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफर कर दो ठीक है एप्लीकेशन लगाएगा? क्वेश्चन और इसका जवाब कहां मिलेगा इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री में कि लगाएगा, तो कहा याद रखना अगर जिस कोर्ट से ट्रांसफर करवाना है और जिस कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है अगर इन लोग सेम कोर्ट्स के सबॉर्डिनेट है यानी कि इनका एप्लेट कोर्ट सेम है तो उस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी एप्लेट कोर्ट डिफरेंट है मगर हाई कोर्ट सेम है तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी और हाई कोर्ट भी डिफरेंट है हाई कोर्ट भी डिफरेंट है तो याद रखना जहां जिस कोर्ट से ट्रांसफर करवाना है उस कोर्ट का जो हाई कोर्ट होगा एप्लीकेशन वहां लगाई जाएगी ये आपको ध्यान रखना है अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग ज्यूडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट दोनों कोर्ट का अपीलेट कोर्ट सेम है तो एप्लीकेशन उस अपीलेट कोर्ट में जाएगी अपीलेट कोर्ट डिफरेंट है तो कहां जाएगी हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट भी डिफरेंट है तो क्या होगा अगर कोर्ट भी डिफरेंट है तो ध्यान रखना कि जिस कोर्ट में केस लाया गया जहां से ट्रांसफर करवाना है वहां का जो कोर्ट है एप्लीकेशन वहां लगाई जाएगी बट यहां पर एक छोटा सा कैच है कैच ये है कि अगर मान लीजिए ये सेक्शन पता क्या कहता है सिंपल सी बात कहता है नागपुर से इंदौर ट्रांसफर करवाना है नागपुर महाराष्ट्र में है इंदौर मध्य प्रदेश में है अगर नागपुर से तुमको इंदौर करवाना है तो क्या करोगे जो नागपुर का हाई कोर्ट है वहां पर अप्लाई करोगे और वहां से केस ट्रांसफर करवा दोगे इंदौर में मगर यहां पर कैच पता क्या है यहां पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो है वो अपने टेरिटोरियल एरिया से बाहर जा रहा है उसकी टेरिटोरी क्या है महाराष्ट्र और केस कहां ट्रांसफर कर रहा है मध्य प्रदेश में दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अगर ऐसा कोई पॉइंट है ऐसा कोई कंडीशन है जहां पर स्टेट बदल रहा हो तो याद रखना एप्लीकेशन कोर्ट को नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट को जाएगी दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री ठीक है दुर्गेश शर्मा हाँ वेरी गुड सांजलि सही लिखा ठीक है तो काजल अब देखिए काजल आपने कहा कि जहां पर पर केस फाइल किया वहां बट ये तो बेरट की लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा जाएगी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी टेक्निकली आप 25 का यूज करोगे 25 के हेडिंग देखो क्या लिखी है 25 जो है ना उसका इस्तेमाल होगा 23 3 का इस्तेमाल नहीं होगा पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट ये आपको ध्यान रखना है वेरी गुड काजल बिल्कुल सही लिखा चलिए और अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 24 24 24 पर 24 की को मार्क करो जनरल पावर ऑफ ऑफ ट्रांसफर का एक बड़ा खास सवाल पूछा जाता है ध्यान से सुन लेना देखो यहां पर क्या लिखा है सवाल क्या है 24 का पावर किन कोर्ट्स को अवेलेबल है 24 का पावर किन कोर्ट्स को अवेलेबल है ध्यान रखना हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सीधा सवाल है प्री का ध्यान रख लेना इसको ट्वेंटी फोर का पावर किस कोर्ट को अवेलेबल है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट पच्चीस का पावर सुप्रीम कोर्ट को है चौबीस का हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है ये एक सवाल है और ध्यान रख लेना जो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर का पावर है वो किस स्टेज पर इस्तेमाल किया जा सकता है कौन सी स्टेज पर इस्तेमाल किया जा सकता है याद रखना एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पर इस पावर को यूज किया जा सकता है सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 24 का जो पावर है वो ओन मोशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि एप्लीकेशन पर तो ध्यान रखना दोनों इसके आंसर है जो कोर्ट है वो खुद ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज या तो एप्लीकेशन पर एंड आफ्टर नोटिस पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम डिजायर्ड टू बी हर्ड और सारे प्री के सवाल हैं और यहीं से एक सवाल आपका और बनता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर जो है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर जो है इसमें जो इसमें जो वर्ड है प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग क्या इस वर्ड में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी इंक्लूडेड है दिस इज द क्वेश्चन प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर में जो प्रोसीडिंग बोर्ड है ठीक है जो प्रोसीडिंग बोर्ड है उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री भी शामिल है, सारे है। सारे प्री के सवाल ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव पर आ जाओ ट्वेंटी फाइव में अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी किसी भी व्यक्ति की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी तो ध्यान रखना उस ये देखो सबसेक्शन फोर पर आ जाओ लिखा है इन डिसमिंग एनी एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन द सुप्रीम द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज ऑफ दियन दट द एप्लीकेशन वॉज फ्रिवलसियस ऑर्डर द एप्लीकेट टू पे बाय ऑफ कॉम्पन टू एनी पर्सन हुआ सच समय टू थाउजेंड इसको मार्क कर लो नॉट एक्सीडिंग 2000 कितना कॉम्पनसेशन लेवी किया जा सकता है मैक्सिमम 2000 इसको मार्क कर लो ये सारे प्री के सवाल मैंने आपको एक से लेकर के 25 तक मार्क करवा दिए मैंने अभी तक आपको अभी तक आपको क्या क्या बता दिया बहुत ध्यान सुनना दो मिनट आप कर लूंगा सेक्शन नंबर वन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट मेजर सवाल वहां से बनता है कहां पर अप्लाई नहीं होता नागालैंड ट्राइबल एरिया सेक्शन टू क्या क्या देख लिया दो एक आपको बता दिया दो तीन डिग्री होल्डर दो चार डिस्ट्रिक्ट दो पांच फॉरन कोर्ट दो जजमेंट दो सात गवर्नमेंट प्रीडर दो आठ जज दो नौ जजमेंट दो दस जजमेंट डेटर दो ग्यारह एल आर दो बारह मेन प्रॉफिट दो तेरह मुगल प्रॉपर्टी दो चौदह ऑर्डर दो पंद्रह दो सोलह प्रिस्क्राइब दो सत्रह पब्लिक ऑफिसर दो अठारह उन्नीस बीस आपको पता है रूल्स शेयर्स शेयरपोरेशन और साइन दो एक से दो बीस तक आपको बता दिया कहां कहां से कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो बता दिया तीन है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट एक बार रीड कर लेना चार है सेविंग क्लॉज लोकल और स्पेशल लॉ पे कोई प्रभाव

कोर्ट साइलेंट है मतलब रिफ्यूज हो गया क्या सेक्शन इलेवन एग्जीक्यूशन और कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है आपके uh, की, हो गया? इसके अलावा जो रेस्ट जुडिकेटा है वो प्रोफॉर्मा होता मगर वो कोप्लेटिविफेंडेंस पर अप्लाई बिल्कुल हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बारह की हेडिंग आपको मार्क करवा दी तेरा और चौदह तेरा बताता है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर फॉरेन कोर्ट का जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा चौदह जो है वो क्या है, है। पंद्रह आपको बता दिया जो सबसे लोएस्ट का कोर्ट होगा वहां पर केस फाइल होगा सोलह मूवेबल

या रिटोजिडिक्शन नहीं था फिर भी डिक्री पास हो गई तो क्या एपिलेट कोर्ट ऑब्जेक्शन अलाउ करेगा करेगा अगर लोअर कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन लिया हो और फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो 21 ए की हेडिंग आपको मार्क करवा दी 22 23 बता दिया एक केस बता दिया दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 24 25 की हेडिंग मार्क करवा दी 24 किन किन कोर्ट्स में अप्लाई होता है बता दिया 25 किस कोर्ट में अप्लाई होता है बता दिया और कितना मैक्सिमम फाइन लेवी किया जा सकता है ये आपको बता दिया एक से लेकर के पच्चीस तक में हमने इतना पढ़ लिया है ये आपको ध्यान रखना है हां प्रतिष्ठा सही लिखा है आपने कि एक्सप्रेशन नंबर सेवन जो है वो बात करता है कि एग्जीक्यूशन पर भी अप्लाई होगा रह जुड़ी सही लिखा है आपने गुड चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक क्लियर है इतनी बातें सभी के समझ में आ गई इसके अलावा मैंने आपसे देखिए पहले भी कहा कि बहुत लिमिटेड टाइम है लिमिटेड टाइम है हमारे पास बहुत सारा कवर करना है बहुत सारी बातें ऐसी जो कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास टाइम है अगर आप चाहो तो जुडिशरी गोल्ड में आरजेएस का जो आपका क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है वो आप ज्वाइन कर सकते हो फिर हम इसमें और, और डिटेलिंग में हम जा सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं अब आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 26 सवाल बनता है सेक्शन नंबर 26 की हेडिंग से ये आपको ध्यान रखना है इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर फोर ये बहुत खास बात है ऑर्डर नंबर फोर में अभी चाहो तो अभी निकाल के मार्क कर लो ऑर्डर नंबर फोर से तीन सवाल बनते हैं ऑर्डर नंबर फोर से तीन सवाल बनते हैं एक तो ऑर्डर नंबर फोर की हेडिंग बन जाएगी नंबर वन नंबर टू बता दिया कि प्लेंट कितनी कॉपीज में जाएगा डुप्लीकेट में जाएगा प्लेन टू बी फाइल इन डुप्लीकेट तीसरा सवाल बनता है रूल नंबर वन में ही है हा रूल नंबर वन में ही है कि जो है, उसमें कौन -कौन से को करना पड़ेगा, याद रखना कौन से ऑर्डर नंबर सिक्स और ऑर्डर नंबर सेवन तीन सवाल बनते हैं तो ऑर्डर नंबर फोर मोरल कंप्लीट हो गया हमारा तीन सवाल बनते तीनों आपको बता दिए ठीक है अब 26 में क्या बता दिया आपको एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर ये सवाल बनता है याद रखना सूट कैसे फाइल होगा बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन एनी अदर मैनर बोथ द अब नन ऑफ तो याद रखना प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट और इन एनी अदर मैनर एक सवाल बन गया हेडिंग है, से एक सवाल बन गया है. एक और सवाल बनेगा इन एवरी प्लेट फैक्ट शैल बी प्रूव बाई डैश माफ करो फैक्ट शेल बी प्रूव बाई एफिडेविट ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हुआ यहां से आगे बढ़ते हैं सत्ताईस पर आते हैं थर्टी डेज को माफ करो जब एक बार सूट फाइल हुआ जब सूट फाइल हुआ तो तीस दिन के अंदर ठीक है तीस दिन के अंदर समन की सर्विस हो जानी चाहिए ठीक है समन में बी इश्यू टू द defendant to appear and answer the claim and may be served in manner matlab मतलब issue ho jaye aur service bhi ho jaye in manner prescribed on such day not beyond 30 days from date of the institution of the so 30 days ko mark kar lo 28 heading को mark करो 29 heading को mark करो 28 और 29 दोनों की हेडिंग को मार्क करो एक बार रीडिंग कर लेना रीडिंग बिल्कुल कर लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं थर्टी टू पर आ जाओ थर्टी टू पर आ जाओ याद रखना सेक्शन नंबर को रेफर करता है सेक्शन नंबर बेसिकली तुम बुलाओगे समन इशू करोगे उसको बुलाओगे बुलाओ तुम राइट तुमने उसको समन इशू किया वो आ नहीं रहा अब तुम्हें उसको कंपेल करना है बुलाना ही है बिना तुम्हारे काम चलना ही नहीं है बिना तुम्हारे काम चलना ही नहीं है तो आना तो पड़ेगा उसको कंपेल कैसे कैसे किया जा सकता है याद रखना का भी है है में आता ध्यान रख लेना अब कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो वारंट इशू कर सकते हो एक और क्या कर सकते हो अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और बेचा जा सकता है आगे बढ़ जाते हैं इम्पोज अम्पोज किया है, 32 का, वो ये है रुपीज। पहले यहां पर पांच सौ था पांच हजार लिख गया आपको ध्यान रखना है ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है सेक्शन थर्टी टू का कि कितना फाइन इम्पोज किया जा सकता है कंपेयर करने के लिए आपके सामने लिखा है फाइव थाउजेंड इसको मार्क कर लो इसके अलावा ऑर्डर हिम टू तो फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू तो सिविल प्रिजन सबसे इंपॉर्टेंट थर्टी टू की हेडिंग है और ये पांच हजार रुपए है ये आपको ध्यान रखना है रीडिंग पूरे सेक्शन करनी है मेंस में शॉर्ट नोट भी आ सकता है आगे बढ़ते थर्टी थ्री की हेडिंग को मार्क् थर्टी थ्री की हेडिंग को मार्क करो इसके अलावा याद रखना डिक्री जजमेंट क्या डिक्री जजमेंट पहले जजमेंट आएगा डिक्री उसको फॉलो करेगी डिग्री जजमेंट पहले जजमेंट आएगा डिक्री उसको फॉलो करेगी तो बाद में क्या आएगा बाद में डिग्री आएगी ये लिखा है डिक्री फॉलो तो पहले जजमेंट आ गया जिस जजमेंट को डिक्री फॉलो करेगी ये बात ध्यान रखना क्योंकि पहले तुम रीजनिंग दोगे ये सारी रीजनिंग है फिर कंक्लूजन पे पहुंचोगे फिर डिसीजन पे पहुंचोगे तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपको ध्यान रखना है हाँ यश आपने बिल्कुल सही लिखा जब जजमेंट आता है उसके 15 डेज के अंदर डिक्री आनी चाहिए जब मैं आपको ऑर्डर 20 पढ़ाऊंगा तो ये बातें आपको बताऊंगा ठीक है गुड अच्छा, सही लिखा है थर्टी थ्री रेड विद ऑर्डर ट्वेंटी वेरी गुड बहुत बढ़िया सेक्शन नंबर थर्टी फोर आओ उसकी हेडिंग को मार्क करो इसके अलावा एक सवाल यहां से और बन सकता है क्या कि फर्दर इंटरेस्ट जो है फर्दर इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिम कितने परसेंट हो सकता है ध्यान रखना मैक्सिमम हो सकता है सिक्स परसेंट उसको मार्क कर लो आगे आ जाओ सेक्शन नंबर थर्टी फाइव की हेडिंग को मार्क करो दैट इज कॉस्ट थर्टी फाइव ए की हेडिंग को मार्क करो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट और इसके अलावा थर्टी फाइव ए की हेडिंग को मार्क करो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट अब ध्यान सुनना थर्टी फाइव ए की हेडिंग से एक सवाल बनेगा एक सवाल बन गया और दो सवाल बनेंगे कौन से हा प्रतिष्ठा सही लिखा है कि तीन अलग अलग सर्कमस्टांसेस मेंशन करी हैं बट मैं उस डिटेल डिटेल में नहीं जाऊंगा ठीक है वहां पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ठीक है थर्टी फाइव ए बनाओ कॉम्पनसेटरी कॉस्ट की बात कर रहा है ध्यान रखना दो सवाल यहां से और बन सकते हैं कह लो कि सवाल तो एक ही है पूछने के तरीके दो हो सकते हैं पूछने के तरीके दो हो सकते हैं कौन कौन से एक सवाल क्या पूछा उन्होंने पूछा कि कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कितनी लेवी करी जा सकती है दो सवाल पूछने वालों कॉम्पनसेटरी लेवी करी जा सकती है सवाल नंबर एक दूसरा सवाल कॉम्पनसेटरी कॉस्ट मैक्सिमम कितनी लेवी करी जा सकती है दो दो सवाल बन गए कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कॉस्ट कितनी लेवी करी जा सकती है और मैक्सिमम कितनी लेवी करी जा सकती है ठीक है तो ध्यान दो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लेवी करी जा सकती है थ्री थाउजेंड और पिक्यूनियरी ऑफ द कोर्ट ऑफ द कोर्ट विच एवर इज लेस इतनी कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लेवी करी जा सकती है मैक्सिमम कितनी लेवी करी जा सकती है थ्री थाउजेंड तो अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि कितनी लेवी करी जा सकती है आंसर आपके सामने है क्या लिखा है कि थ्री थाउजेंड रुपीज और इनमें से जो कम हो वो लेवी किया जा सकता है मैक्सिम कितना लेवी किया जा सकता है मैक्सिम तीन हजार ही हो सकता है तीन हजार से ज्यादा हो ही नहीं सकता ये दो अलग अलग तरह के सवाल है ये आपसे पूछे जा सकते हैं तो इनको ध्यान रख लेना थर्टी फाइव बी पर आओ उसकी हेडिंग को मार्क करो दैट इज कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले ये हमारा थर्टी फाइव बी हो गया यहां पर अगर आप देखो तो हमारे डिग्री पास होने तक के जितने भी प्रोविजन हैं वो सारे हो गए कवर ठीक है नहीं पंखुड़ी इट इज 104, जीरो फोर नॉट थर्टी फाइव नॉट फोर्टी थ्री इट इज वन सेक्शन हा ठीक है इट इज सेक्शन 104, जीरो फोर नॉट ऑर्डर फोर्टी अच्छा अब ये हमने छब्बीस से लेकर के थर्टी फाइव बी तक का पोर्शन कवर किया अब आप ध्यान दो अब आप ध्यान दो 26 यहां पर ध्यान दो सब लोग सेक्शन 26 क्या बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सवाल नंबर एक बना सवाल नंबर दो कैसे होगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन्ट और इन एनी अदर मैनर अगला सवाल फैक्ट प्रूव्ड बाय एफिडेविट तीन सवाल बन गए 26 के 27 में एक सवाल बना 30 डेज 28 से 30 रीड कर लेना हेडिंग को मार्क करवा दिया 30 31 रीड कर लेना वहां से सवाल नहीं बनेगा बट फिर भी रीड कर लेना चांसेस है कि कोई सवाल बन जाए ठीक है एक सवाल जो कि मुझे अभी जस्ट याद आए जो कि चांसेस है कि बन सकता है चाहो तो उसको मार्क कर लो कि जो सेक्शन नंबर हमारा 30 है ना उसमें जो ऑर्डर है वो कब किया जा सकता है एट एनी टाइम देखो वहां पे लिखा मिल जाएगा आपको आओ सेक्शन नंबर अपने 30 पर आओ देखो वहां पर लिखा लिखा मिलेगा आपको पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक मिला ये कोर्ट ऑर्डर कर रहा है डिस्कवरी एंड द लाइक सवाल पूछा जा सकता है पूछा शायद नहीं गया अभी तक बट चांसेस हैं कि भाई ये ऑर्डर कब किया जा सकता है तो देखो लिखा है एट एनी टाइम ये लिखा है एट एनी टाइम कभी भी कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है कोई किसी फैक्ट का जवाब चाहिए कोर्ट कभी भी कर सकता है ये एट एनी टाइम को चाहो तो मार्क कर लो फिर 32 मैंने आपको बता दिया हेडिंग से सवाल बन सकता है और पांच हजार ये जो है उससे सवाल बन सकता है इसके अलावा थर्टी थ्री पर आ जाओ आपको मैंने बता दिया डिक्री जजमेंट और हेडिंग आपको याद रखनी है थर्टी फोर की हेडिंग आपको मार्क कर लेनी है फर्दर इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है सिक्स परसेंट हो सकता है थर्टी फाइव की हेडिंग को मार्क करो कॉस्ट थर्टी फाइव ए कंपनसेट्री कॉस्ट मार्क करो 35 ए मार्क करो कंपनसेट्री कॉस्ट दो सवाल और बता दीजिए सवाल बता दिए सवाल सेम है पूछने का तरीका अलग-अलग है मैक्सिमम अगर पूछ लिया जाए तो 3000 ये आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं 35 बी आपको हेडिंग मार्क करवा दी कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले यहां तक हमारा पूरा पोर्शन हो गया ठीक है जब डिग्री पास हो गई तो डिग्री पास होने के बाद अब आता है डिग्री का हाजली आपने सही लिखा है मिसलीस कॉस्ट के बारे में बेसिकली ऑर्डर नंबर ट्वेंटी ए में बताया बिल्कुल सही चलो सांसली की पढ़ाई हो रही है मतलब <laughs> गुड <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं थर्टी सिक्स सेक्शन थर्टी सिक्स से एक सवाल बनता है सवाल यह है सवाल यह है कि ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं याद रखना आपको पता है कि डिक्रिया तो एग्जीक्यूट हो ही सकते कुछ ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं ध्यान रख लेना क्लियर अब सवाल यह है कि ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे याद रखना ऑर्डर्स बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे हाँ काजल चलिए अच्छी बात है गुड तो 36 में क्या हमने देखा याद रखना जैसे डिकियां एग्जीक्यूट हो सकती हैं वैसे ही हां सही लिखा है आपने इंजंक्शन ये एक ऑर्डर है टेम्पररी इंजंक्शन एक ऑर्डर है इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कैसे हो सकता है बिल्कुल वैसे जैसे डिक्रिया होती है तो ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है 36 कहता है कि भाई जैसे डिग्रिया एग्जीक्यूट होंगी वैसे ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो याद रखना ये प्री का सवाल है पूछा जा चुका सवाल है कि ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे जैसे डिक्रिया एग्जीक्यूट होती है। आगे बढ़ते हैं 37 की हेडिंग को मार्क करो कोर्ट पास डिक्री 38 पर जाओ एक सवाल यहां से बन सकता है 38 से कि डिक्री को एग्जीक्यूट करने की एप्लीकेशन किस कोर्ट में लगाई जा सकती है डिक्री को एग्जीक्यूट करने की एप्लीकेशन किस कोर्ट में लगाई जा सकती है दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं या तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है या जिस कोर्ट में डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए इन दोनों ही कोर्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए 38 से ये सवाल बनता है 39 आपको ध्यान रखना है हालांकि बता दू 37 और 39 इसको रीड पूरे कर लेना 37 और 39 दोनों मेंस के सवाल हैं प्री में तो इनकी हेडिंग से सवाल बन जाएगा आप बाकी और भी बन सकता है बट मेजरली इसकी हेडिंग से बनता है बट मेंस में तो पूरे पूरे सेक्शन है इंपॉर्टेंट है।, है कि डिग्री आखिर ट्रांसफर हो क्यों रही है जब आप आप पढ़ते हो हो तो 38 में आप क्या देखते हो? कि जिस कोर्ट डिग्री पास करी वहां पर अप्लाई किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए ये तो लॉजिकल है बट वो ये भी कहता है कि कोई ऐसा कोर्ट जहां पर डिग्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए वहां पर अप्लाई करोगे एग्जीक्यूशन के लिए तो सवाल आता है सर वहाँ पर भेजी क्यों हैं अगर डिक्री मैंने बात को 39 में मिलता है। आपको बता देता हूं बेसिकली रीड आपको करना है याद रखना जैसे किसी कोर्ट के पास किसी पर्टिकुलर केस को किसी पर्टिकुलर केस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए वैसे जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ना उसके पास भी ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए तभी एग्जीक्यूशन हो सकता है अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रही है डिक्री अगर उसके पास जेडिक्शन नहीं है तो वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पिकुनरी सारे उसके पास होने चाहिए और सब्जेक्ट मैटर तो होना ही चाहिए क्लियर अगर नहीं है तो वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता क्लियर तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने डिग्री पास करी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी प्रॉपर्टी को बेचना है मगर वो प्रॉपर्टी आपके एरिया के बाहर है वो प्रॉपर्टी मेरे कोर्ट के जोडिक्शन में है तो अब आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बिकॉज यू टू सेल दैट प्रॉपर्टी तो डिग्री को एग्जीक्यूट करने का जो डिक्शन आपके पास नहीं है पास करने का पावर आपके पास था आपने कर दिया नाउ यू वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी जो आपके एरिया के बाहर है आप नहीं कर सकते तो आप डिग्री को भेज दोगे उस कोर्ट के पास जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा और 39 बेसिकली आपको यही बताता है कि जब किसी कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूट करनी हो नंबर वन मगर वो व्यक्ति जिसकी पर्सन को इस्तेमाल करके डिग्री एग्जीक्यूट होनी है या वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिग्री एग्जीक्यूट होनी है वो पर्सन या प्रॉपर्टी इस कोर्ट के एरिया के बाहर है तो अब ये कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगी इस डिग्री को ट्रांसफर किया जाएगा उस कोर्ट के एरिया में या उस कोर्ट के पास जहां पर वो पर्सन या प्रॉपर्टी है और वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी यही बात थर्टी नाइन में लिखी हुई है बहुत खास है थर्टी सेवन और थर्टी नाइन आपको रीड करना है बिल्कुल रीड किए बिना आपको नहीं जाना है एग्जाम में देने के एग्जाम देने के लिए फोर्टी कुछ बहुत खास नहीं है फोर्टी वन कुछ बहुत खास नहीं है फोर्टी टू में से एक सवाल आपको ध्यान रखना है एक सवाल यहां से बनता है हाँ आ, दिव्यानी आ रहा हूं प्रीसेप्ट अभी आ रहा हूं बस एक मिनट रुक जाओ देखो फोर्टी टू क्या कहता है कि ये तो हमने देख लिया कि, कि किसी कोर्ट में डिक्री जा रही है एग्जीक्यूशन के लिए किसी कोर्ट में डिक्री जा रही है एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट के पास डिक्री को एग्जीक्यूट करने के कैसे पावर रहेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे डिक्री खुद उसने पास करी हो जैसे डिक्री खुद उसी कोर्ट ने ट्रांसफर ने पास करी हो कहा लिखा है आप देखो सेक्शन नंबर 42 कहता है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री सेंट टू इट सेंट टू इट शेल हैव द सेम पावर्स इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री एज इफ इट हैड बीन पासड बाय इटसेल्फ जैसे खुद उसी कोर्ट ने डिक्री पास करी हो सवाल ये नहीं बनता सवाल ये बनता है कि जो वो कोर्ट जिस कोर्ट में डिक्री भेजी गई है वो कोर्ट क्या नहीं कर सकता जनरल तो क्या लिखा है कि उसके पास पावर कैसे रहेंगे जैसे खुद उसने डिक्री पास करी हो एक पावर नहीं रहेगा सवाल वहीं से बन जाएगा ध्यान रखना नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू कंफर ऑन द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन जिस कोर्ट को डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट के पास ये वाला पावर नहीं होगा कौन सा पावर देख लो पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री डिग्री ट्रांसफर करी जा सकती है डिग्री कैन बी ट्रांसफर्ड तो अगर आपके फेवर में डिग्री आई और डिग्री आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया तो अब मेरी एप्लीकेशन पर ये ट्रांसफरी कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ट्रांसफरी की एप्लीकेशन पर केवल वही कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर सकता है जिसने डिग्री पास करी है इसको ध्यान रखना ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हुआ अच्छा आगे बढ़ जाते हैं फोर्टी फोर ए की हेडिंग को मार्क करो एक सवाल ध्यान रखना रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन डिसाइड करता है ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मार्क कर लो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा अब आगे आ जाओ 46 पर किसी ने भी पूछा भी था कि सर प्रिसेप्ट बता दीजिए 46 प्रीसेप्ट की बात करता है क्या होता है प्रीसेप्ट क्या होता है प्रीसेप्ट एक ऑर्डर होता है दो सवाल यहां से बनेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं यह समझा ना भी समझाऊं तो भी काम चल जाएगा प्री निकल जाएगा बट फिर भी थोड़ी सी बात आपको समझा दे रहा हूं आप काम आ जाए कभी मेन्स में देखो ध्यान सुनो मैं कोर्ट हूं मैंने एक डिग्री पास करी मनी डिग्री है मनी डिग्री है मैंने एक मनी डिग्री पास करी इस मनी डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूं मैं कि प्रॉपर्टी को बेचूंगा क्या ऐसे एक मनी डिक्री एग्जीक्यूट करी जा सकती है द आंसर इज यस ऑर्डर 21 रूल 30 कहता है कि मनी डिक्री को प्रॉपर्टी को बेच करके एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है ठीक है मेरे एरिया में इस जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी भी है तो मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करूं बेचूं और ज, जो डिक्री होल्डर है उसको पैसा दिलवा दूं ठीक है बट बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है हो सकता है चांसेस है कंफर्म नहीं हुआ चांसेस है कि इस प्रॉपर्टी को बेचकर भी उतना अमाउंट ना मिल पाए जितना कि डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है यह सिनेरियो है कि मैंने डिग्री पास करी है जजमेंट डेटर मेरे एरिया का है उसकी प्रॉपर्टी मेरे एरिया में है मैं प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं बट कि मुझे लगे कि यार जो प्रॉपर्टी इस एरिया में है, उसको बेचकर बेच भी दू तो शायद डिक्री सेटिस्फाई ना हो पाए अमाउंट कम पड़ जाए बट चांसेस है हो सकता है कि प्रॉपर्टी uh, सफिशियंट हो तो मैं क्या करूंगा मुझे पता चलता है कि इसी जजमेंट डेटर की किसी और कोर्ट के एरिया में कोई प्रॉपर्टी है तो मैं उस को एक देता हूं कि एक काम करो सर आप भेजी डिग्री एग्जीक्यूशन मैं ही करने वाला हूं प्रॉपर्टी उसकी मेरे एरिया में है मैं उसको बेच भी रहा हूं बट हो सकता है कि अमाउंट सफिशियंट ना हो इसलिए मैंने फॉर दफर साइड दूसरे कोर्ट से कहा कि सर आपके एरिया में इस जजमेंट की मैं उस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं अभी तो वहां गया भी नहीं मैं कुछ नहीं किया मैंने बट ये रिजर्व रख लिया मैंने कि आप उसको अटैच कर लो ये जो ऑर्डर है ना जो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को दे रहा है कि भाई आप इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर लो हो सकता है फ्यूचर में आवश्यकता पड़े हो सकता है फ्यूचर में आवश्यकता पड़े ठीक है तो ये जो ऑर्डर है ये प्रीसेप्ट है आप देखो पढ़ो लिखा है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ अ डिग्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिग्री में वेन एवर इट थिंग्स फिट इश्यू अ प्रीसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है ये आपको ध्यान क्लियर हुआ? अगला सवाल तो क्या तो आया कि जो प्रीसेप्ट है इसमें जो अटैचमेंट होगा वो कितने समय तक के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा माफ कर लो टू मंथ माफ करो इसको हा दिव्यानी सही लिखा है आपने गुड 47 पर आ जाओ 47 से प्री के काफी सारे सवाल बन सकते हैं कौन कौन से देख लो एक तो 47 की हेडिंग से बन जाएगा क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिव डिक्री याद रखना ये मेंस का भी सवाल है कई बार आपसे पूछा जाएगा या पूछा गया है मेंस में एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैनॉट गो बिहाइंड द डिग्री कि वो यही का सवाल है फोर्टी सेवन का ही सवाल है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सिर्फ उन्हीं सवालों को डिसाइड कर सकता है जो कि डैश कंडीशन रिक्वायर्ड क्या है कि वो जो डिस्प्यूट है वो पार्टीज के बीच में हो पार्टीज के बीच में हो प्लस यानी कि इंग्लिश वाला एंड हिंदी वाला और एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, डिस्प्यूट पार्टीज़ के बीच में है और डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए इस सवाल को डिसाइड करना जरूरी है तो ही एग्जीक्यूटिव कोर्ट इस सवाल को डिसाइड करेगा वरना नहीं करेगा 47 की हेडिंग पे सवाल बन गया नंबर वन कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है तभी एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिसाइड करेगा ये आपको ठीक है यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं याद रखना अब कुछ और बातें कोई व्यक्ति किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं ये सब सीधे सवाल बन रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं क्या यह सवाल एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकता है सेक्शन थ्री कहता है हाँ कर सकता है एक बात हो गया याद रखना गया एंड अ डिफेंडेंट अगेंस्ट हुजी डिसमिस्ड जो डिफेंडेंट जो केस जीत गया दे ऑल आर पार्टीज टू दूट इसके अलावा पार्टीज में वो ऑप्शन परचेजर भी शामिल है एंड ऑप्शन परचेजर इज अ अ डीम्ड टू टू बी पार्टी पार्टी द सूट वैसे तो पार्टी था नहीं वो बट जब डिग्री एग्जीक्यूट हो रही थी तो उसने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया ही इज अ पर्सन डीम्ड टू बी अ पार्टी टू द सूट देखो लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री शेल बी डीम्ड टू बी अ पार्टी टू द सूट और इस ऑक्शन परचेजर को और इस ऑक्शन परचेजर को पोजेशन मिला कि नहीं यह क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकता है देखो लिखा है ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू सच प्रॉपर्टी टू सच परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच परचेजर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शेल बी डीम टू बी अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस मतलब की एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इस सवाल को डिसाइड कर सकता है ये आपको ध्यान रखना है चलिए इसके लिए जो आपने सवाल पूछा है ना प्रतीक्षा उसके लिए हमको एक बार 37 और 39 पे जाना पड़ेगा वो एक मेंस वाली बात है जो मुझे कंसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा जब 37 और 39 समझाऊंगा फिर उस सवाल का जवाब दे सकता हूं तो उसमें अभी मैं, अभी मैं नहीं जाऊंगा राइट आगे 49 की को मार्क करो फिफ्टी वन पर आओ किन किन तरीकों से डिग्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है ये सारे मोड्स आपके सामने लिखे हैं मार्क करो डिलीवरी अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट अरेस्ट एंड डिटेंशन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और एनी अदर मोड विच द कोर्ट थिंग्स फिट मार्क करो फिफ्टी वन को हेडिंग को मार्क करो और सारे के सारे मोड मार्क करो फिफ्टी टू पर आओ हेडिंग को मार्क करो 53 पर आओ हेडिंग को मार्क करो 54 पर आओ एक खास सवाल यहां से आपसे पूछा जाता है 54 से याद रखना 50, 52 और 53, 50, 52 और 53 ये तीनों जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी से जुड़े हुए हैं और ये मेंस के सवाल है इस बात को ध्यान रखना इनको रीड करके जाना ठीक आगे बढ़ते हैं एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर्स सवाल ये है कि कोई ऐसी संपत्ति कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी है जो कि रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कौन करेगा याद रखना लिखा हुआ है कलेक्टर और एनी गजेटेड सब ऑर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर डेप्यूटेड बाय हिम ये पूरा मार्क करना प्री में यही सवाल पूछा गया है कौन पार्टीशन करेगा रेवेन्यू बैंक प्रॉपर्टी का ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर ऑप्शन नंबर बी गजेटेड सब ऑर्डिनेट ऑफ कलेक्टर डेप्यूटेड बाय हिम ऑप्शन नंबर सी एनी ऑफ दल माफ करते जनरली आप कलेक्टर ही पढ़ते हो बट ऐसा है नहीं वो दोनों है कलेक्टर और एनी गजटेड सबॉर्डिनेट ऑफ कलेक्टर डेप्यूटेड बाय हिम ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन है कलेक्टर एक हैडिनेट सी है, his gazetted subordinate, C है कलेक्टर और एनी गर्जेड सबोर्डिनेट ऑफ कलेक्टर डेप्यूटेड बाय हिम तो सी आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सारे पढ़ना फिर मार्क करना हा आगे बढ़ते हैं अब मेरी बात को ध्यान सुनना हम लोगों ने थर्टी सिक्स से क्या पढ़ा थर्टी सिक्स से हमने पढ़ा पहला कि ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे जैसे डिग्रिया एग्जीक्यूट होती है 37 आपको बताता है कोर्ट विच पास द डिक्री इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है थर्टी एट आपको बताता है कि जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है वो किस कोर्ट में करी जाएगी

डिग्री एग्जीक्यूट कर दो तो बता दो जिसने डिक्री आपको फॉरवर्ड करी थी फॉर एग्जीक्यूशन उसको बता दो कि मैंने कर दिए मतलब ऐसे तो फोन में बताओ बेसिकली यू हैव टू सर्टिफाई कि हां एग्जीक्यूशन हो गया या नहीं हो पाया ये 40, 41 हो गया 42 मैंने आपको बताया एक खास सवाल है कि जो ट्रांसफरी कोर्ट है वो डिक्री के ट्रांसफरी की एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता ये 42 हो गया 44 ए की हेडिंग मार्क करवा दी 44 ए में आपको बता दिया कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट 46 आपको प्रीसेट बता दिया हेडिंग बता दी और यह भी बता दिया कि दो महीने तक मैक्सिमम वो दो महीने तक वो मैक्सिमम रहेगा अटैचमेंट में हालांकि इससे ज्यादा समय भी बढ़ भी सकता है बट दो महीने तक वो रहेगा जनरली अच्छा ये 46 हो गया फिर 47 पे आए तो आपको बता दिया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट

कि कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रही है तो लाइबिलिटीज अपने साथ में लेकर जाएगी ठीक है ये डिग्री कॉन्टेक्स में भी सेक्शन नंबर 49 में लिखा हुआ है 50, 52 और 53 रीडिंग जरूर करनी है क्योंकि वो लीगल की लाइबिलिटी के बारे में बता रहा है मेन्स का भी सवाल है रीडिंग करके जाना है ठीक है फिर तो फिफ्टी पे आ गए तो 51 में आपको मोड्स बता दी किन तरीकों से डिक्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अच्छा कितनी को हो सकता है डिलीवरी अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट सिविल प्रिज़न रिसीवर और एनी अदर मोड 51 हो गया 52 और 53 कहानी में नाक बता दी 54 पार्टीशन अगर रेवेन्यू पेंग प्रॉपर्टी है कौन करेगा पार्टीशन कलेक्टर या उसके द्वारा ही अपॉइंटेड कोई उसका गजेटेड सबोर्डिनेट करेगा ये हो गया आपका 54 और अब आप देखो जो आपका 55 से 59 तक का पोर्शन है प्री के लिए काफी खास सवाल यहां से बनते हैं ये किस बारे में बात करता है सेक्शन 55 टू 59 बात करता है लिखा है ना 51 में कि अरेस्ट और डिटेन करके भी डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है तो उस अरेस्ट और डिटेंशन से जुड़े हुए जो प्रोविजंस हैं जो प्रोसीजर है जो बेसिक गाइडलाइन है वो 55 से लेकर के 59 तक में दिया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर 55 में क्या क्या दिया हुआ है 55 से बहुत खास सवाल आपका नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर एक बेसिक प्रोसीजर दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाएगा क्लियर 55 से एक सवाल जरूर बन सकता है वो जरूर देख लो आप लोग मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मनी डिक्री है ध्यान सुनना सिनेरियो ये है कि एक व्यक्ति है इसके खिलाफ मनी डिक्री है ठीक नंबर इसको अरेस्ट किया और कोर्ट लेकर गए कोर्ट की पहली ड्यूटी है कि कि इस व्यक्ति से ये पूछे कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम डिग्री सेटिस्फाई कर सकते हो कि पैसा नहीं है ठीक अच्छा इस व्यक्ति ने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं डिक्री को सेटिस्फाई कर पाऊं इतना पैसा मेरे पास नहीं है तो कोर्ट अब पता क्या कहेगा कोर्ट स्टे बोलेगा ठीक है तुम एप्लीकेशन लगा दो टू बी डिक्लेयर एज इन बिकॉज यू डोंट हैव मनी टू पे दिस मच अमाउंट तो आप एक काम करो आप इस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ टू बी एडजस्ट इन तो हम तुमको सिविल प्रेजेंट में नहीं भेजेंगे अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा सवाल अब उससे ये आपसे ये पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन लगाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन टू बी एडजस्ट इंस्टॉलमेंट ये एप्लीकेशन उसको कितने समय के अंदर लगा देनी ये सवाल पूछा जाएगा आप देख लो वेयर अ जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड ब्रॉड बिफोर द कोर्ट द कोर्ट शैल इन्फॉर्म कोर्ट उसको इन्फॉर्म करेगा हो जाओ तो हम दोनों प्रेजेंट में नहीं भेजेंगे एंड दैट ही मे बी डिस्चार्ज इफ हीज नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैट विथ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड इफ ही कंप्लाइज विदिजन ऑफ

तो 55 से ये एक सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है अब यहां से आगे बढ़ जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे प्री के सवाल मिल जाएंगे यहां से आगे आपको बहुत सारे प्री के सवाल मिल जाएंगे सबसे पहला सवाल तो आपको 56 की हेडिंग से ही मिल जाएगा महिलाओं को मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्लियर कट शब्द में बोल रहा हूं महिलाओं को मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता कहा लिखा है 56 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन अ डिक्री फॉर मनी बहुत खास सवाल है किसको अरेस्ट नहीं कर सकते महिलाओं को नहीं कर सकते अरेस्ट फॉर द इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री कहा लिखा है 56 में लिखा है अगला सवाल सबसिस्टेंस अलाउंस के बारे में कहा दिया है 57 में दिया है माफ करो बहुत खास सवाल है सीधे हेडिंग पूछेंगे कि कहां पर दिया हुआ है अच्छा आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं एक बड़ा खास सवाल 58 से बनता है दो तीन सवाल बन रहे हैं सारे आपको बता रहा हूं कि किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन में किसी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने समय के लिए प्रिजन में डिटेन करके रखा जा सकता है यह सवाल है ध्यान रखना पांच हजार से ऊपर का अमाउंट है पांच हजार से ऊपर का अमाउंट है थ्री मंथ्स साफ शब्द में कह रहा हूं पांच हजार से ऊपर पांच हजार नहीं का पांच हजार से ऊपर का अगर अमाउंट है तीन महीने दो हजार से ऊपर का अमाउंट है पांच हजार तक छ हफ्ते और दो हजार तक का अमाउंट है तो कोई प्रेजेंट नहीं ये तीन बातें आपको बता दी मैंने क्या पहला सवाल क्या पांच हजार से ऊपर तीन महीने दो हजार से ऊपर पांच हजार तक छह हफ्ते दो हजार तक कोई प्रेजेंट नहीं कहा लिखा है देख लो वे द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ समिंग बार बार बोला था क्या बोला था क्या बोला था एक्सीडिंग लिखा है ना एक्सीडिंग फाइव थाउजेंड कितना हो गया तीन महीने अगली बात द डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी बट नॉट मतलब तक है तो कितना हो गया छह हफ्ते और इसके अलावा ध्यान से सुन लो वन ए पर आ जाओ साफ शब्दों में लिखा है फॉर द रिमूवर ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन डिटेंशन का कोई ऑर्डर होगा ही नहीं अगर अमाउंट 2000 तक का है देखो प्रतीक्षा बिलो 2k देखो यहां पर लिखा हुआ है मैं इसी बारे में बात कर रहा था यहां पर प्रतीक्षा लिखा हुआ है बिलो 2k नो इंप्रेजमेंट बिलो 2k नहीं 2000 तक यानी कि 2000 भी है तो कोई प्रेजेंट नहीं हो देखो लिखा है ना नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिज़न इन ऑफ़ डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी शेल बी मेड द टोटल दो हजार से ज्यादा नहीं है दो हजार तक ये इंपॉर्टेंट है, है तभी आपको बोला था पांच हजार से ज्यादा दो हजार से ज्यादा एक्सीडिंग टू थाउजेंड दो हजार तक का अगर अमाउंट है तो कोई प्रेजेंट नहीं होगा ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हुआ और आगे बढ़ जाते हैं 59 पर आ जाओ आपसे दो तीन सवाल 59 से बन सकते हैं ध्यान से सुनना मेरी बात को यस हाँ, यस सही लिखा है 2000 थाउजेंड इनक्लूजिव अब देखते हैं देखो रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस देख लो याद रखना तीन चार सवाल बताऊंगा आपको 59 से एक सवाल कोर्ट वारंट कैंसिल किस ग्राउंड पे कर सकता है वारंट कैंसिल किस ग्राउंड पे कर सकता है देखो एट एनी टाइम आफ्टर द वॉर फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट एटर हैज बीन इश्यूड द कोर्ट में कैंसिल मिल गया कैंसिल वर्ड वारंट कैंसिल किस ग्राउंड पर हो रहा है एक सवाल बना अच्छा आगे अभी किस ग्राउंड पर हो रहा है उससे बाद में आएंगे बट वर्ड्स को डिफरेंस समझना वेयर अ जजमेंट डिटर हैज बीन अरेस्टेड यहां पे अरेस्ट नहीं हुआ था तो वारंट कैंसिल हो रहा है अरेस्ट हो गया तो वारंट तो एग्जीक्यूट हो गया आप कैंसिल तो हो ही नहीं सकता अब रिलीज होगा देखो लिखा हुआ है वेयर अ जजमेंट डिटर हैज बीन अरेस्टेड द कोर्ट मे रिलीज हिम वारंट एग्जीक्यूट हो गया अब उसको रिलीज किया जा सकता किस ग्राउंड पे दूसरा सवाल कैंसिल किस ग्राउंड पे पहला सवाल रिलीज किस ग्राउंड पे दूसरा सवाल वेयर जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड मतलब अब तो अरेस्ट होके आ गया था और प्रिजन में भेज भी दिया कमिटेड टू सिविल प्रिजन उसके बाद रिलीज किस ग्राउंड पर बन गए तीन सवाल देखो वॉरेंट कैंसिल किस ग्राउंड पर हो रहा है सीरियस इलनेस करो वॉरेंट कैंसिल किस ग्राउंड पर हो रहा है आगे बढ़ जाओ व्यक्ति अरेस्ट हो के आ गया अरेस्ट के बाद रिलीज किस पर? देख लो लिखा है नॉट इन फिट स्टेट ऑफ हेल्थ नॉट इन फिट स्टेट ऑफ हेल्थ अरेस्ट होके आया रिलीज कर दिया और सिविल प्रेजेंट में चला भी गया ठीक है स्टेट गवर्नमेंट भी छोड़ सकता है और कोर्ट भी छोड़ सकता है ग्राउंड्स में फर्क है स्टेट गवर्नमेंट छोड़ सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंफेक्शियस और कंटेजियस डिजीज और कोर्ट छोड़ सकता है सीरियस इलनेस के ग्राउंड पर अब ये सवाल मिले वॉरंट कैंसिल कब हो सकता है किस ग्राउंड पर सीरियस इलनेस अरेस्ट होके आ गया रिलीज कब हो सकता है नॉट इन स्टेट ऑफ हेल्थ सिविल प्रिजन में चला गया गवर्नमेंट भी छोड़ सकती है कोर्ट भी छोड़ सकता है सरकार छोड़ सकती है किस ग्राउंड पर इंफेक्शियस और कंटेज डिजीज और कोर्ट छोड़ सकता है सीरियस इलनेस के ग्राउंड पर यह आपको ध्यान रखना है बट याद रखना ऐसा नहीं है कि छोड़ दे तो वापस अरेस्ट नहीं कर सकते उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है ये आपको ध्यान रखना है हाँ अर्पिता बोल सकते हैं आगे ये 59 हो गया 55 से 59 तक आपको अरेस्ट के प्रोविजन दिए हुए थे ये आपको ध्यान रखना है अच्छा अब आगे आ जाते हैं अटैचमेंट पर याद रखना पूरा सेक्शन आपको पढ़ के जाना है पूरा सेक्शन क्योंकि सेक्शन 60 मेंस का भी सवाल है सेक्शन 60 जो है वो मेन्स का भी सवाल है क्या क्या डिग्री के एग्जीक्यूशन में अटैच हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता ये आपको ध्यान रखना है ये मेन्स का सवाल है क्या क्या अटैच हो सकता है उसकी लिस्ट यहां पर दी है क्या क्या अटैच नहीं हो सकता उसकी लिस्ट यहां चालू हो रही है से आपकी चालू हो जाएगी पूरी लिस्ट मैं आपको तीन बातें यहां पर बताने वाला हूं तीन बातें आपको यहां पर बताऊंगा जो कि सेक्शन 60 में आपको याद रखना है सवाल यह है कि क्या सैलरी अटैच हो सकती है क्या सैलरी अटैच हो सकती है हा हो सकती है उसकी लिमिट बताई गई है कि कहां तक अटैच नहीं हो सकती जो बच गया वो अटैच हो सकता है जो बच गया वो अटैच हो सकता है कितना अटैच नहीं हो सकता ये हमको बता दिया गया है तो छोटी सी बात जरा ध्यान सुन लो अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि सैलरी अटैच हो सकती है कि नहीं द आंसर इज यस हाँ सैलरी अटैच हो सकती है सैलरी अटैच हो सकती है यस yes. अच्छा कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती ध्यान रखना सबसे पहले यह देखना कि जिस डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो मेंटेनेंस सूट की डिग्री है क्या या मेंटेनेंस सूट के अलावा डिग्री मेंटेनेंस एक तो मेंटेनेंस सूट होगा एक मेंटेनेंस के अलावा सूट होगा तो अगर आपसे पूछा गया है सैलरी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल कि सैलरी अटैच हो सकती है कि नहीं तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो यही है ये यह देखना है कि मेंटेनेंस सूट से जुड़ी हुई डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है या उसके अलावा कोई दूसरा केस था उसकी डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर अब अगर मेंटेनेंस सूट की डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है बहुत ध्यान से सुन लेना अगर मेंटेनेंस सूट की डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है कितना अटैच हो सकता है कितना अटैच नहीं हो सकता याद रखना वन बाय थ्री अटैच नहीं हो सकता टू बाय थ्री अटैच हो सकता है अगर मेंटेनेंस की डिग्री का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो वन बाय थ्री अटैच नहीं हो सकता टू बाय थ्री अटैच हो सकता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अच्छा अगली बात ये तो हो गया का किसकी बात अगर मेंटेनेंस सूट है तो हां प्रतीक्षा सही लिखा है वन बाय थ्री इज नॉट अटैच इन मेंटेनेंस सूट अच्छा अब अगर मेंटेनेंस के अलावा कोई सूट था उसकी डिग्री है और उसका एग्जीक्यूशन होना तो कैसे होगा तो ध्यान से सुनना अदर देन मेंटेनेंस अगर सूट है तो याद रखना कि पहला वन थाउजेंड फर्स्ट वन थाउजेंड विल नॉट बी अटैच फर्स्ट वन ये प्री का सवाल बन गया कि अगर मेंटेनेंस के अलावा कोई दूसरी डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो पहला डैश अमाउंट अटैच नहीं होगा। कौन सा अमाउंट एक हजार अब जो बच गया जो रिमाइंडर बचा जो रिमेनिंग बचा उसका टू थर्ड अटैच नहीं होगा अब जो बच गया वो अटैच हो सकता है अब जो बच गया वो अटैच हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ किसी व्यक्ति की सैलरी अगर दस हजार है अगर किसी व्यक्ति की सैलरी दस हजार है तो पहला एक हजार अटैच नहीं होगा लेकिन पहला वन थाउजेंड अटैच नहीं होगा कितना बच गया नाइन थाउजेंड बच गया अब जो बच गया उसका टू थर्ड अटैच नहीं होगा नाइन थाउजेंड का टू थर्ड कितना होता है सिक्स थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड भी अटैच नहीं होगा अब जो बच गया कितना बच गया थ्री थाउजेंड ये अटैच हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर मेंटेनेंस के अलावा कोई सूट था उसकी डिक्री है आपको ऐसे का ऐसा याद रखना है पहला वन थाउजेंड अटैच नहीं होगा जो बच गया उसका टू थर्ड अटैच नहीं होगा उस अब इसके बाद जो बच गया ये अटैच हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है और मेंटेनेंस डिक्री तो सीधा हिसाब है पहला One, मतलब जो वन थर्ड है वो अटैच नहीं होगा टू थर्ड जो है वो अटैच हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हो गया हाँ आदित्य आदित्य पूछिए क्या डाउट है ये आपको ध्यान रखना है और वापस आ जाते हैं हम हमारे शीट पर देखो क्या लिखा है अगर अपन सैलरी की बात करें अगर अपन सैलरी की बात करें तो आ जाओ आई और आई ए पर आ जाओ आई और आई ए पर तो देखो मैंने पहले आपको आई ए बताया था मेंटेनेंस वाला क्या लिखा है वन थर्ड ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री फॉर मेंटेनेंस कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो बोलते हैं कि सर यहां तो वन थर्ड लिखा हुआ है ये लिस्ट काय की है ये लिस्ट है क्या अटैच नहीं हो सकता तो अगर यहां पे लिखा है वन थर्ड ऑफ द सैलरी तो वन थर्ड ऑफ द सैलरी के नॉट बी अटैच्ड Clear हुआ वन थर्ड ऑफ द सैलरी नॉट बी अटैच ठीक है अब वन थर्ड अटैच नहीं हो सकता मतलब टू थर्ड हो सकता है तो कभी भी सवाल जो है उसको बहुत ध्यान से सुन लेना या पढ़ लेना कि क्या पूछे जा रहा है कि मेंटेनेंस में कितना अटैच हो सकता है या कितना अटैच नहीं हो सकता वन थर्ड नहीं हो सकता टू थर्ड हो सकता है अच्छा अब मेंटेनेंस के अलावा कोई डिग्री है तो आपको पहले ही बता दिया पहला एक हजार अटैच नहीं होगा हो तो लिखा ना फर्स्ट वन थाउजेंड लिस्ट ऑफ द रिमाइंडर जो बच गया उसका टू थर्ड अटैच नहीं होगा ये तो चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया था पहला एक हजार नहीं बचे हुए का टू थर्ड नहीं अब जो बच गया वो अटैच बिल्कुल हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हो गया अब एक सवाल यहां से और बन सकता है थोड़ा सा और आपको बात बता दू कि एक बार अगर 24 महीने तक डिग्री डिग्री के एग्जीक्यूशन में सैलरी अटैच हो गई अगर 24 महीनों तक सैलरी अटैच हो गई तो अगले 12 महीने नहीं होगी 24 महीने ब्रेक दे देकर कर हुई हो या लगातार 24 महीने हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा चौबीस महीने अगर हो गया अटैचमेंट तो अब अगले बारह महीने अटैचमेंट नहीं होगा देखो लिखा हुआ है सैलरी एज इज attachment, टू अटैचमेंट or intermittently फॉर टोटल पीरियड ऑफ of 24 months, 24 महीने हो गए ना लगातार या ब्रेक देकर सच पोर्शन शेल बी एग्जेप्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल दी एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ अब अगले बारह महीने अटैचमेंट जो है वो नहीं होगा अब देखो ये आपको समझा दिया आई और आई ए आगे बढ़ते हैं एक चीज और ध्यान रखना कभी भी वन ए पर आ जाओ नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एन अग्रीमेंट बाई विच अ पर्सन अग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जेपन अंडर दिस सेक्शन शेल बी का बड़ा खास सवाल है। ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली वो लिस्ट क्या है वो एक जजमेंट डेटर को एग्जेम्पन दिया हुआ है क्या जजमेंट डेटर को एग्जेपन दिया गया ये चीजें हम अटैच नहीं करेंगे राइट right? अब अगर कोई जजमेंटेटर अग्री हो जाए कि मैं मुझे वो एग्जेंप्शन नहीं चाहिए ये अग्रीमेंट कैसा होगा ध्यान रखना ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर ये, ये तीसरा सवाल है जो कि यहां से बन सकता है बट अगेन आई एम सेइंग सेक्शन 60 जो है वो आप पूरे तरीके से पढ़कर जाओगे एक बार सेक्शन 64 पर आ जाओ सेक्शन 64 पर आओ एक बार अगर प्रॉपर्टी अटैच हो गई हमने देखा कि प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है व्हाट इज अटैचमेंट अटैचमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि प्रॉपर्टी अब कोर्ट के कंट्रोल में है पार्टी के कंट्रोल में नहीं है पार्टी उस प्रॉपर्टी से अब डील नहीं कर सकते प्रॉपर्टी एक बार अटैच कर ली गई है अब ध्यान सुनना सवाल यह है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी अटैच हो गई और उस व्यक्ति ने जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई प्राइवेटली कोई डीलिंग कर ली। तो वो डीलिंग जो है वो जो है, वो कैसा होगा? कर लो, की में आपको जवाब मिल जाएगा प्रतीक्षा केस लॉस हम कल पढ़ने वाले ठीक है ट्रांसफर कैसा हो जाएगा वॉइड हो जाएगा आगे बढ़ जाओ सेक्शन 65 पर 65 पर आओ हेडिंग को मार्क करो परचेजर्स टाइटल परचेजर्स टाइटल एक बात ध्यान से सुन लो वैसे तो इस सेक्शन को जब मैं आपको ऑर्डर 21 पढ़ाता हूं आपने देखा हो कॉम्प्रिहेंसिव बैच में ये सेक्शन में आपको पढ़ाता हूं जब मैं आपको रूल नंबर 92, 93, 94 समझाता हूं तब ये वाली बात मैं आपको समझाता हूं बट अगेन अभी हम प्री के कॉन्टेक्स्ट से सवाल को समझ रहे हैं तो हम ऐसे ही इसको रीड करके समझते हैं एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट समझो मान लीजिए कोई जजमेंट डेटर है डिक्री उससे सेटिस्फाई नहीं करी ठीक है तो उसकी प्रॉपर्टी बेची गई प्रॉपर्टी बेची गई एक जनवरी 2000 चौबीस को नियम यह कहता है नियम यह कहता है कि 25% परसेंट तुरंत जमा करना है और बाकी 75% अगले 15 दिनों के अंदर जमा करना है ठीक है तो 1 जनवरी 2024 को जब प्रॉपर्टी बेची गई तो उस व्यक्ति जो ऑप्शन परचेजर है उसने 25% परसेंट तुरंत जमा कर दिया 25% परसेंट तुरंत जमा कर दिया अब क्या हुआ हो सकता है कि ऑब्जेक्शन आ गए कि सर प्रॉपर्टी तो बेची नहीं जानी चाहिए थी उसने ये ऑब्जेक्शन जो आए कोर्ट ने छह महीने लगा दिए इन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने में। और डिसाइड हुए कब? एक जुलाई को एक जुलाई को कोर्ट ने कहा कि नहीं सेल वैलिड है और जो ऑक्शन परचेजर है वो ही सही ओनर है और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ भाई ही ओनर हो प्रॉपर्टी की सेल एब्सोल्यूट हो गई सेल एब्सल्यूट कब हुई जुलाई में प्रॉपर्टी बेची कब गई थी एक जनवरी को सेल एब्सल्यूट कब हुई जुलाई में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो परचेजर है, ये संपत्ति का मालिक कब से बना जुलाई से या जनवरी से याद रखना वो मालिक तब नहीं बना जब सेल एप्सल्यूट हो गई वो मालिक उसी दिन से बन, माना जाएगा जब प्रॉपर्टी बेची गई थी वो मालिक जुलाई से नहीं है वो जनवरी से ही मालिक प्रॉपर्टी का कहलाएगा ये आपको ध्यान रखना है हाँ, प्रतीक्षा आपने पूछा अगर 15 डेज में उसने अमाउंट पे नहीं किया तो प्रॉपर्टी दोबारा बेची जाएगी रीसेल करी जाएगी प्रॉपर्टी ठीक है नहीं यश जुलाई नहीं जनवरी सेल जब एब्सल्यूट हुई तब से नहीं जब प्रॉपर्टी बेची गई थी तब से जनवरी से देखो where immovable property is sold in execution of a decree and such sale has become absolute. Sale absolute kab hui? July me the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when the property sold and not from the time when the, and not from the time when the sale becomes एप्सल्यूट क्लियर है चलिए तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है सवाल क्या था मेरा सवाल ये था कि वो जनवरी से मालिक बना कि जुलाई से जब सेल एब्सल्यूट हुई तब से मालिक बना या जब प्रॉपर्टी बेची गई थी तब से मालिक बना याद रखना जब प्रॉपर्टी उसको बेची गई थी तब से वो प्रॉपर्टी का मालिक बना ना कि तब से जब सेल एक्स्यूट हुई क्लियर हुआ यस yes, क्लियर चलिए अब आगे आ जाओ सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर पर आ जाओ सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर एक तो सेवेंटी थ्री की हेडिंग को मार्क कर लो और 74 फोर की हेडिंग को मार्क कर लो ठीक है दोनों हेडिंग्स को मार्क करो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप डिक्री होल्डर हो या ऑप्शन परचेजर हो आप डिक्री होल्डर हो या ऑप्शन परचेजर हो कोर्ट ने आपको क्या बोला कि भाई जाकर के प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लो आप प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए गए और वो जो जजमेंट डेटर है वो आपको प्रॉपर्टी का पोजेक्शन नहीं दे रहा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज क्लियर अच्छा तो अब सवाल यह है कि वो जो व्यक्ति है उसको डैश देश की सिविल प्रिजन में डालकर डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है कितने दिनों की सिविल प्रिजन में डालकर एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है ध्यान रखना 74 कहता है 30 डेज मार्क करो इस 30 डेज को मार्क करो अगर कोई जजमेंट डेटर पोजेशन नहीं दे रहा विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज तो उसको 30 दिन की सिविल प्रेजेंट में डालकर क्या किया जा सकता है डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है इसको मार्क कर लो यश आपने थ्री मंथ्स लिखा है इट इज थर्टी डेज ठीक है अच्छा यह हुआ हमारा 74 यहां पर हमारा हुआ एग्जीक्यूशन कंप्लीट यहां से मैं आगे बढ़ू एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि राजस्थान में अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर में 21 22 और 23 इन तीनों दिन स्पेसिफिकली र की आपकी तैयारी करवाई जाएगी ये आपको ध्यान रखना है आप यहां पर आ सकते हो ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है आप यहाँ पर आकर के अपनी तैयारी को और अपग्रेड कर सकते हो नंबर वन नंबर टू राजस्थान का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है राजस्थान के लिए यह भी आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ समय थोड़ा सा कम है वहां पर हम इन बातों को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ बातें जो कि यहां डिस्कस नहीं हो सकती वो हम वहां पर बिल्कुल करते हैं अब वापस आते हैं आगे बढ़ते हैं 75 पर आओ एक सवाल सेक्शन नंबर सेवनटी से बनता है रविंद्र आपने जो सवाल पूछा है सर जो पेड क्रैश कोर्स है और YouTube में जो रैपिड रिवीजन चल रहा है उसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली आप हमारे पोर्टल पे आकर के ज्वाइन करते हो यहाँ पर जो हम रैपिड रिवीजन चला रहे हैं वो वाईटी है सभी के लिए अवेलेबल है बेसिक गाइडेंस है बट थोड़ा सा और इन डेप्थ प्री का नॉलेज उस बैच में आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा वो वाईटी पर नहीं चलेगा वो हमारे पोर्टल पर ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास में ठीक है <clears throat> आगे बढ़ते हैं सेवेंटी फाइव सवाल क्या बनता है कि किन 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 चीजों के लिए कमीशन इशू किया सकता है एक तो यहां सवाल क्या बनता है कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स कहां से कहां तक चलती हैं एक सवाल सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी एट याद रखना 75 फाइव टू सेवेंटी एट चलती हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स ये एक सवाल हो गया अगला सवाल कमीशन किन किन चीजों के लिए इश्यू किया जा सकता है तो याद रखना फॉर एग्जामिनिंग एनी पर्सन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट टू मेक अ पार्टीशन टू होल्ड अ साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन इन सारी बातों को आपको याद रखना है मेन्स का भी सवाल है ये आगे बढ़ जाओ टू कंडक्ट टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी कस्टडी ऑफ द कोर्ट पेंडिंग दिटर्मिनेशन ऑफ दूट जी टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल इसके अलावा एक बात और ध्यान रखो किन किन चीजों के लिए कमीशन इशू नहीं किया जा सकता याद रखना डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए कमीशन इशू नहीं किया जा सकता याद रखना क्लियर क्या डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए कमीशन इशू नहीं किया जा सकता किसी ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो कि कोर्ट की कस्टडी में नहीं है उसे बेचने के लिए कमीशन इश्यू किया नहीं जा सकता ये दोनों बातें याद रखना में दोनों बातें पूछी गई हैं क्या डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए कमीशन इशू कर सकते हैं द आंसर इज नो इसको ध्यान रखना आगे सेवेंटी एट पर आओ सॉरी सेवन सेवन पर आओ हेडिंग बहुत खास है सेक्शन सेवन सेवन पर आओ हेडिंग को मार्क करो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहां दिया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इसको ध्यान रखना ये प्री का सवाल है सीधे पूछते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किस सेक्शन में दिया है या सेवनटी सेवन में क्या दिया हुआ है याद रखना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाओ सेक्शन सेवनटी नाइन पर आओ सेवेंटी से सवाल पूछा जाता है कि अगर सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट अगर सरकार सूट फाइल कर रही है या सरकार के खिलाफ सूट फाइल हो रहा है तो किस नाम से आपको सरकार को डिनोट किया जाएगा याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट है तो उस स्टेट का नाम ही लिख दिया जाएगा इस तरीके से डिनोट किया जाएगा कभी भी याद रखना सेक्शन 80 हेडिंग से सवाल बनता है नोटिस सरकार के खिलाफ सूट फाइल कर रहे हो तो कितने समय का नोटिस देना पड़ेगा माफ करो दो महीने का नोटिस देना पड़ेगा अगला सवाल नोटिस किसको देना पड़ेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो किसको देना पड़ेगा सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट रेलवे के खिलाफ सूट फाइल किया है तो जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे अगर जम्मू कश्मीर की सरकार है तो कहां नोटिस दोगे चीफ सेक्रेटरी याद रखना सेक्रेटरी लिखा चीफ सेक्रेटरी लिखा चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ पूरी लाइन को मार्क करो और कोई दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है तो अगेन सेक्रेटरी टू तो दैट गवर्नमेंट और बहुत खास कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सबसे खास बात है इसलिए ये बात सी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है एक बी इंपॉर्टेंट है और एक सी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट के सभी जाना है बी और सी सबसे खास है क्लियर अच्छा आगे बढ़ते हैं एक बड़ा खास सवाल है इसको थोड़ा सा सिनेरियो समझ लो सिनेरियो ये है कि मैंने एक सूट फाइल किया सरकार के खिलाफ और मैंने यह कहा कि सर मैं दो महीने का वेट नहीं कर सकता क्योंकि अर्जेंट मुझे रिलीफ की आवश्यकता है। दो महीने का नोटिस दूंगा तो मेरा राइट ही खत्म हो जाएगा कुछ बचेगा ही नहीं जो नुकसान होना होगा वो हो जाएगा तो मैंने दो महीने का नोटिस नहीं दिया और मैंने सूट फाइल कर दिया क्या ऐसा हो सकता है हाँ ऐसा हो सकता है सेक्शन 80 में ये सारी बातें लिखी है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है अच्छा मगर कोर्ट चेक करेगा कि सच में कोई अर्जेंसी है या नहीं है अब मान लीजिए मान लीजिए कोई अर्जेंसी नहीं है अब सवाल समझना आपने सूट फाइल किया सरकार के खिलाफ किया बिना नोटिस दिए फाइल किया और आप कह क्या रहे हो कि सर अर्जेंट है अर्जेंट रिलीफ चाहिए और कोर्ट ने यह पाया कि अर्जेंसी नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा ये सवाल है याद रखना रिटर्न ऑफ प्लेन ये प्री का सवाल है देख लो <coughs> सेक्शन नंबर 80 पर आ जाओ लिखा हुआ है एक तो ये हमने देख लिया कि किस किस के खिलाफ जो है या किस किस को नोटिस जो है वो दिया जाएगा अब देखो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट ये आगे ये अर्जेंसी वाली बात दी हुई है कि अगर अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो नोटिस आप मत दो और केस फाइल कर दो बट

डिग्री का एग्जीक्यूशन याद रखना सरकार के खिलाफ कोर्ट किसी भी डिग्री को तीन महीने तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसके बाद ही एग्जीक्यूट करेगा देखो लिखा है एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी इश्यूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ मार्क करो इसको हेडिंग को मार्क करना है और इस थ्री मंथ्स को भी मार्क करना है आगे बढ़ जाइए 83 की हेडिंग को मार्क करो 86 की हेडिंग को मार्क करो आगे बढ़ते हैं 87 ए और बी की हेडिंग को चाहो तो मार्क कर लो वहां से सवाल बन सकता है अब आ जाओ 88 पर 88 ये आपको रीड करना है कंसेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या है चलिए केस ये है या ये तो मेंस का भी सवाल ध्यान रखना इंटर प्लीडर सूट ठीक है ये क्या होता है देख लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है मेरे पास एक प्रॉपर्टी ये मूवेबल भी हो सकती है इमूवेबल भी हो सकती है नंबर वन नंबर टू मुझे मालूम है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है मुझे ये प्रॉपर्टी रिटर्न करनी है और मैं रिटर्न करने तैयार भी हूं मगर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यह प्रॉपर्टी लौटाऊ किसको क्योंकि दो तीन चार पांच मतलब एक से ज्यादा लोग यह प्रॉपर्टी एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं एडवर्सली क्लेम करने का मतलब क्या होता है एडवर्सली क्लेम करने का मतलब यह होता है कि सब लोग कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है दूसरों की नहीं है एडवर्स क्लेम हो गया तो ए बी सी मेरे पास आ रहे, रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी है बी और सी की नहीं है बी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है ए और सी की नहीं है और सी कह रहा है कि ए और बी की प्रॉपर्टी नहीं है मेरी प्रॉपर्टी है तो ये सारे लोग एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रॉपर्टी किसको लौटाऊ तो मैं कोर्ट में एक सूट फाइल करता हूं ये पता करने के लिए कि मैं ये प्रॉपर्टी किसको लौटाऊ कोर्ट जिसको बोल देगा प्रॉपर्टी में उसको लौटा दूंगा ये हो गया इंटर लीडर सूट ठीक है कहा दिया है सेक्शन नंबर 88 में रीडिंग करके जाना है एग्जाम के लिए जरूरी है आगे आ जाते हैं 89 ये चार 89 की को मार्क करो 89 की को मार्क करो और अलग अलग मोड्स जो यहां पर दिए हुए हैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन चारों को मार्क करो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मोड सेक्शन 89 में हुए सेक्शन नंबर 90 की हेडिंग को मार्क करो 91 की हेडिंग को मार्क करो 92 की हेडिंग को मार्क करो और अगली बात अब 91 और 92 से सवाल बनता है बड़ा खास सवाल है ध्यान दो सवाल यह है कि सेक्शन नंबर नाइनटी यानी कि पब्लिक न्यूसेंस या कोई रॉन्गफुल एक्ट है जो कि पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है तो सूट कौन फाइल कर सकता है सेम सवाल 91 में भी पूछा जा सकता है और 92 में पब्लिक चैरिटी कॉन्टेक्ट से पूछा जा सकता है कि कौन सूट फाइल करेगा तो ध्यान रखना एडवोकेट जनरल और विद लीव ऑफ द कोर्ट टू और मोर पर्सन इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज टू सच पर्सन क्योंकि पब्लिक न्यूशन है ना पब्लिक एट लार्ज परेशान हुई है या हो रही है जितने बाकी लोग परेशान हो रहे हैं मैं भी उतना ही परेशान हो रहा हूं मुझे कुछ अलग से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा तो भी मैं सूट फाइल कर सकता हूं यानी कि सूट फाइल करने के लिए कोई स्पेशल नुकसान होना जरूरी नहीं है तो ये और लिखा है मतलब या तो ये फाइल कर सकता है या तो ये लोग फाइल कर सकते हैं टू no और मोर पर्सन विदी ऑफ द कोर्ट इवन इफ देर इज नो स्पेशल डैमेज टू टू देम बात पब्लिक चैरिटी के लिए लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है कौन सूट फाइल कर सकता है लिखा हुआ है देखो एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल और टू और मोर पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट एंड हैविंग ऑप्टेन द लीव ऑफ द कोर्ट सेम बात लिखी है चैरिटी से जुड़ा हुआ मामला है ठीक है तो जिन, जो उस ट्रस्ट में बेनिफिट रखते हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं या एडवोकेट जनरल फाइल कर सकता है तो ये दोनों सवाल एक तो हेडिंग जरूरी है और ये दोनों सवाल आपके लिए जरूरी है 91 और 92 93 पर आ जाओ एक सवाल वहां से पूछा जा सकता है सवाल ये है कि जो पावर 91 और 92 में एडवोकेट जनरल के पास है वो पावर अब दो क्या लिखा है

कहां से कहां तक चलती है जैसे वहां पर सवाल था कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स कहां से कहां तक चलती है जवाब क्या था 75 टू 78 सवाल है कहां सप्लीमेंटल कहां है याद रखना 94 to 95 और याद रखना 95 में जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन है दिफ्टी थाउजेंड रुपीज अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो कि सेक्शन नंबर 94 सेक्शन नंबर 94 के तहत उसने अपने फेवर में आदेश ले लिया ऑर्डर ले लिया जबकि वो entitled नहीं था सवाल है कि सेक्शन नंबर 94 में किसी व्यक्ति ने अपने फेवर में ऑर्डर ले लिया जबकि वो एंटाइटल्ड नहीं था तो कोर्ट कितना कॉम्पन लेवी कर सकती है याद रखना फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कॉम्पनसेशन लेवी कर सकती है माफ करो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आगे बढ़ जाओ आ जाओ सेक्शन नंबर 96 सिक्स पर पहले ही आपको बता दिया है कि सारे सवाल एवरी डिक्री इज एपिलेबल एवरी डिक्री इज एपिलेबल कहा दिया है सेक्शन वन में दिया हुआ है क्या एक्स पार्टी डिक्री की अपील हो सकती है बिल्कुल हो सकती है सेक्शन टू में दिया है हाँ मगर कंसेंट डिक्री की कोई अपील नहीं होगी कहा दिया है सेक्शन थ्री में दिया हुआ है और स्मॉल कोर्ट की डिक्री जहां पर वैल्यू जहां पर वैल्यू दस हजार से कम है सूट की वैल्यू उसकी अपील नहीं हो सकती हां बट अगर दस हजार से कम की वैल्यू है मगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वहां पर उन डिक्रीज की भी अपील हो सकती है सारी बात सबसे फोर में लिखी है नो अपील शेल लाइ एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज वेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड टेन थाउजेंड रुपीज स्मॉल कॉज कोर्ट की डिक्री जहां पर डिक्री का अमाउंट स हजार से ज्यादा नहीं है दस हजार तक का ही है ऐसी से अपील नहीं होगी हाँ मगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व है तो बिल्कुल नहीं यश आपने यहां पर लिखा है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं डिफरेंस है क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखा है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं लिखा वो लिखा हुआ है सेकेंड अपील में तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होना यहां पर लिखा है क्वेश्चन ऑफ लॉ और सेकेंड अपील में लिखा है सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ठीक है तो यहां पर आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ ही लिखना है ध्यान रखना आगे 97 रीड करना 98 ठीक है रीड कर लेना एक बार 99, 99 अगर हम लोग जब ऑर्डर नंबर वन रूल नंबर नाइन पढ़ते हैं ना तो उसके साथ ही उसके साथ ही ऑर्डर नंबर वन रूल नंबर नाइन जब मैं आपको पढ़ाता हूं रूल नंबर नाइन जब मैं आपको बढ़ाता, हूं, nine, जब आपको बढ़ाता हूं, तो, तो वहीं पर आपको सेक्शन 99 नाइन भी पढ़ा देता हूं याद रखना कोई भी कोई भी जो सूट होता है कोई भी जो सूट होता है वो डिफीट नहीं होता वो डिसमिस नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर केवल नॉन ज्वाइंडर यह मिस ज्वाइंटर होता हो गया है इससे कोई भी सूट डिफीट नहीं होता ये कहा लिखा है ऑर्डर नंबर वन रूल नंबर नाइन मगर ऑर्डर वन रूल नाइन ये भी कहता है कि ये नियम नॉन ज्वाइंटर ऑफ ने पार्टीज पर अप्लाई नहीं होता बिल्कुल यही बात अपील के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 99 में दी हुई है कि कोई भी अपील जो है कोई भी अपील जो है उस अपील में लोअर कोर्ट की डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा केवल इसीलिए कि लोअर कोर्ट में नॉन जॉइंडर में ज्वाइंडर हो गया है हाँ बट दिस रूल डस नॉट अप्लाई टू द नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी इसका मतलब अगर लोअर कोर्ट में नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया गया था तो केवल इस ग्राउंड पर अपीलेट कोर्ट डिक्री को सेट असाइड कर सकता है ये कहां लिखा है सेक्शन नंबर 99 में लिखा हुआ है 99 ए की हेडिंग को मार्क करो सेक्शन नंबर 100 पर जाओ सेकंड अपील ठीक है हेडिंग को मार्क करो सेकंड अपील की हेडिंग को मार्क करो ये देखो जो अभी आप बोल रहे थे ना यश यहां पे क्या लिखा है ये देखो लिखा है सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इस सेकंड अपील में आती है बात तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग क्या एक्स पार्टी डिग्री की सेकंड अपील हो सकती है बिल्कुल हो सकती है ये भी आपको ध्यान रखना है अब आ जाओ एक बड़ा खास सवाल है सेक्शन नंबर 102 में यह बड़ा खास सवाल है लिखा हुआ है नो सेकेंड अपील शेल लाइफ एनी डिग्री वेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज क्या समझे सेकेंड अपील नहीं होगी अगर क्या है और जो अमाउंट है वो पच्चीस हजार से ऊपर नहीं है तो सेकेंड अपील नहीं होगी ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हो गया आगे बढ़ जाओ एक सौ दो हुआ एक सौ चार एक सौ चार सारे ऑर्डर अपेलेबल नहीं होते देर आर ओनली समर्स विच आर एपीलेबल लिस्ट कहा है एक सौ चार में और ऑर्डर फोर्टी थ्री में ध्यान रख लेना सेक्शन और उस ऑर्डर में जो लिस्ट दी है बस वही ऑर्डर एपीलेबल होते हैं यह सवाल पूछा जाता है ऑर्डर फोर्टी थ्री रूल वन पूरा पढ़ के जाना सेक्शन नंबर वन जीरो फोर पूरा पढ़ के जाना आपको पता चल जाए किस किस ऑर्डर की अपील हो सकती है बट ये याद रखना कि orders की ऑर्डर की सेकेंड अपील नहीं होती ऑर्डर की अगर अपील अलाउड भी है तो एक ही अपील हो सकती है सेकेंड अपील नहीं हो सकती ऑर्डर की आपको ध्यान रखना है यह बात भी एक में ही में लिखी है पढ़ोगे तो पूरा पता चल जाएगा क्लियर है आगे आगे बढ़ते हैं 107 मार्क कर लो पावर ऑफ कोर्ट क्या क्या कर सकता है टू डिटरमाइन अ केस फाइनली टू रिमांड अ केस टू फ्रेम इशूस एंड रेफर टू टेक एडिशन किया है, तो आपको, पता ये सारी मैं आपको के साथ पढ़ा देता ठीक है रिमांड करने का पावर रूल ट्वेंटी थ्री में है इश्यू फ्रेम करके ट्रायल के लिए भेजने का पावर रूल ट्वेंटी फाइव में है और एविडेंस लेने का पावर जो है वो कहां पर है हाँ, परीक्षा रिवीजन में जा सकते हो बट सेकंड अपील नहीं होगी आगे और ये है रूल नंबर 27 इस पे मेंस में शॉर्ट नोट भी बनता है ध्यान रखना मेंस में शॉर्ट नोट भी बनता है आगे आ जाओ 109 की हेडिंग को मार्क करो ठीक है 113 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन ये आपको सजेस्ट मैं यही करूंगा कि एक बार इसको पढ़ के जाना तीनों ही तीनों ही सेक्शन रेफरेंस रिव्यू रिव्यू एक तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है बट इनको रीड कर लेना ये मेंस में नोट के लिए important होते हैं बट अगेन आई आप इनको रीड करके जाओगे तेरा और पंद्रह और रिवीजन आगे बढ़ते हैं ये तो सारे स्टेट अमेंडमेंट्स हैं अगेन स्टेट अमेंडमेंट्स किसी के लिए हमको नहीं पढ़ने होते जहां तक बात सोलह सत्रह 18 अब ये सारे सेक्शन जो है वो हमारे काम के नहीं है हाँ कोई काम का अगर है तो एक बार आप लोग 132 निकाल लो 132 132 निकालो लिखा हुआ है एग्जेपन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस याद रखना कोर्ट के पास पावर होता है कि वो किसी किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को पर्सनली कोर्ट बुला सकता है पर्सनली बुला सकता है राइट पर्सनली अपीयर होने कह सकता है मगर जो पर्दा नशी लेडीज है यानी कि जो महिलाएं पब्लिक में जनरली अपियर नहीं होती अकॉर्डिंग टू कस्टम पर्दे में रहती हैं ऐसी महिलाओं को कोर्ट पर्सनल अपियर होने के लिए पर्सनली अपियर होने के लिए नहीं कह सकता हाँ प्रतीक्षा वो 122 वाली बात जो आप कह रहे हो सही है कि हाई कोर्ट के पास ये आपको बस शुरू में मैंने बता दिया था कि रूल्स को बनाने का या अमेंड करने का पावर हाई कोर्ट के पास भी होता है तो वो मैंने इसलिए डील नहीं किया कि शुरुआत में हमने डील कर लिया था ठीक है अब ये हो गया 132 मगर ध्यान रखना पर्सनली अपियर होने से तो एग्जेपन है अरेस्ट से एग्जेप्शन नहीं है अगर अरेस्ट करना हो तो किया जा सकता है बट अगेन अगर किसी सेक्शन ने बोल के रखा कि महिलाओं को अरेस्ट नहीं करना तो वो नहीं किया जाएगा जैसे 56 हमने पढ़ा था अभी 56 क्या बोल रहा था कि महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा अदरवाइज 132 जो है वो पर्सनली अपियर होने से तो एग्जाम्शन दे रहा है अरेस्ट से एग्जाम्शन नहीं दे रहा ये आपको ध्यान रखना है नहीं नहीं यश वो बात नहीं है वो पर्सनल अपियरेंस से छूट मिली है मतलब वो एग्जामेशन मिला ही हुआ है ठीक है आगे 122 और 125 सौ पच्चीस है सांझली ली वो 122 और 125, आगे इसके अलावा एग्जेपन ऑफ अदर पर्सन अबीज को तो 132 में exemption मिल गया इसके अलावा वन थर्टी थ्री जो है वहां पर और भी कुछ लोग हैं जिनको की एग्जामेशन मिला है कौन आप इन सबको जानते हो प्रेसिडेंट हो गया वाइस प्रेसिडेंट हो गया स्पीकर हो गया इन सबको एग्जाम्शन मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस हो गए मिनिस्टर्स हो गए इन सबको भी एग्जाम्शन मिला हुआ है याद रखना ये मेंस का भी सवाल है ये पूछा जाता है कि पर्सनली अपियर होने से किन किन को एग्जेपन मिला हुआ है इन सभी को आपको 132 लिखना होता है और 133 लिखना होता है इसके अलावा कुछ लोगों को अरेस्ट से एग्जेपन है कुछ लोगों को अरेस्ट से एग्जाम्शन है इसके लिए आपको 135 और 135 ए पढ़ना पड़ेगा बट 135 ए से एक बड़ा खास सवाल आता है 135 ए क्या बोलता है लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब मीटिंग्स चल रही हों सवाल ये नहीं है जब मीटिंग चल रही हो तो अरेस्ट नहीं कर सकते मीटिंग शुरू होने के डैश डेज पहले और डैश डेज बाद भी अरेस्ट नहीं कर सकते ये है आपका सवाल दैट इज फोर्टी डेज क्या चालीस दिन पहले और चालीस दिन बाद यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल जनवरी को मीटिंग चालू होगी और इकतीस जनवरी को खत्म होगी ठीक है एक एक जनवरी को मीटिंग चालू होना है और इकतीस जनवरी को खत्म होना है तो एक जनवरी के पिछले चालीस दिन और इकतीस जनवरी के अगले चालीस दिन भी इनको अरेस्ट नहीं किया सकता डेज आपका आंसर है देखो लिखा हुआ है ये तो बेसिकली लिस्ट हो गई कि भाई इन लोगों को जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता ये सारे कमिटी के मेंबर्स अरेस्ट नहीं किया जा सकता और आगे लिखा है देखो ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ सिटिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंस और ज्वाइंट कमिटी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट ये सारी बातें हो गई इसके अलावा ड्यूरिंग ये ये मैंने आपको बताया फोर्टी डेज बिफोर चालीस दिन पहले और चालीस दिन बाद तक जो है उसको अरेस्ट नहीं किया ये ये आपका प्री का सवाल है और से पूछा जाता है बट मे अभी हम नहीं जा रहे ये फोर्टी डेज आपको जो है वो ध्यान रखना है ये हो गया आपका वन थर्टी फाइव ए आगे बढ़ जाओ सेक्शन नंबर 139 पर आओ रीड करके जाना एफिडेविट किस किस के सामने जो है वो साइन किया जा सकता है उसकी लिस्ट है सवाल बिल्कुल आ सकता है हेडिंग से भी सवाल बन सकता है आगे आ जाओ 144 मार्क करो अच्छा हाँ ये 142 जो है ना इसकी हेडिंग को मार्क कर लो ऑर्डर एंड नोटिस टू तो बी इन राइटिंग कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा जो भी नोटिस भेजेगा वो सब राइटिंग में होगा कहा लिखा है वन में लिखा हुआ है 144 हेडिंग हैडिंग को मार्क कर लो इसके अलावा आ जाओ जरा 148 पर 148 पर आओ याद रखना एनलाजमेंट ऑफ टाइम एक तो हेडिंग से सवाल आपसे पूछा जाएगा हेडिंग से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एनलाजमेंट ऑफ टाइम कहां दिया हुआ है कहां दिया हुआ है 148 में दिया है कोर्ट कितना समय बढ़ा सकता है 148 का इस्तेमाल करके कोर्ट कितना समय बढ़ा सकता है 148 का इस्तेमाल करके याद रखना 30 डेज इन टोटल मार्क करो 30 डेज इन टोटल इसको माफ कर लो ठीक <coughs> है 148 एट हो गया 148 ए पर आओ कैविएट हेडिंग को मार्क करो हेडिंग को मार्क् करो जल्दी से कैविएट अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो कैविएट है वो कितने समय तक कितने समय तक एग्जिस्टेंस में रहेगा वैलिड रहेगा तो याद रखना वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड अंडर सबसेक्शन वन सच कैविएट शेल नॉट शेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज 90 दिन तक वो वैलिड रहेगा ठीक है नाइन्टी डेज से ज्यादा जो है वो वैलिड नहीं रहेगा ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हो गया ये वन फोर्टी एट ए हो गया इसके बाद वन फोर्टी नाइन जब अपन मेन्स पढ़ते हैं तो मैं आपको पढ़ा देता हूं वन फिफ्टी वन पे आ जाओ हेडिंग को मार्क करो वन फिफ्टी वन आपको पता है इनहेरेंट पावर की बात करी हुई है और कोई कोर्ट स्पेसिफाई नहीं किया है लोअर कोर्ट भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी कर सकते हैं जैसे 482 एट्टी जो है उसका पावर के हाई कोर्ट के पास है बट यहां पर ऐसा नहीं है 152 की हेडिंग को मार्क करो 153 की हेडिंग को मार्क करो 153 बी की हेडिंग को मार्क करो प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी टू बी डीम टू बी ओपन कोर्ट इसको मार्क करो ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे एक बी ये है बेसिकली <coughs> ये है बेसिकली हमारा 158 तक के सेक्शंस का जो पैच है <coughs> ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए नहीं प्रतीक्षा इट इज नॉट रेड विथ वो रेड विथ नहीं है वो वो तो मैंने बस कंपेयर कर लिया कि ये जो है ये जो है यहां पर केवल आ, फोर एटी टू में केवल हाई कोर्ट का पावर है यहां पर लोअर कोर्ट्स के पास भी है ये हमारे सेक्शंस सारे हो गए क्लियर उम्मीद है आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं फिर हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर्स पर यहां से हम आ जाएंगे हमारे ऑर्डर्स पर अब देखिए जब मैं बात करता हूं यश हम कल पढ़ने वाले हैं मगर कल जो है कल हम कुछ और पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्स आपको मैं बता दूं कि 51 ऑर्डर्स हैं हम सारे ऑर्डर्स पे या सारे ऑर्डर्स के सारे रूल्स पर तो हम नहीं जाएंगे जाहिर सी बात है बट मैं आपको यहां से एक गाइडलाइन जरूर दूंगा कि आपको कौन-कौन से रूल्स पढ़ने हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल बात होगी हां जो आपका यहां पर टेक्निकल बात होगी वो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता जाऊंगा अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को <clears throat> देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम प्रोसीजर पढ़ते हैं ना प्रोसीजर तो प्रोसीजर की जो डिटेलिंग है वो वो कहां दी है ऑर्डर्स में दी है अभी तक हमने बेसिक गाइडलाइन पढ़ ली अब डिटेलिंग कहां पढ़ेंगे ऑर्डर से पढ़ेंगे तो मेरी बात को ध्यान सुनना कभी भी जब कोर्ट में जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो क्या होता है एक तो कोर्ट में पार्टीज होती हैं जिनके बीच में केस चलता है तो एक हो गया प्लेंटिफ और एक हो गया डिफेंडेंट भाई बिना पार्टीज के तो केस चल ही नहीं सकता नंबर वन ये पार्टीज की बात हो गई अब क्या होगा कि पार्टीज जो हैं, जो प्लेंटिफ है जिसने सूट फाइल किया है उसने सूट फाइल किया कैसे है तो आप देखो सेक्शन 26 आप पढ़ चुके हो उसने बेसिकली प्लेंट फाइल किया है उसने प्लेंट फाइल किया है और प्लेंट फाइल करके उसने सूट को क्या कर दिया इंसिट्यूट कर दिया इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया अच्छा अब जाहिर सी बात है कि अगर प्लेंटिफ है तो इसे कोई ना कोई एडवोकेट तो होगा जो कि कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा होगा इतना सब कुछ हो गया कि एक एडवोकेट के थ्रू प्लेंटिफ़ ने प्लेट फाइल किया और सूट इंस्टीट्यूट कर दिया अब क्या हुआ अब प्लेंटिफ़ के सूट फाइल करने के बाद कोर्ट ने समन इशू किया समन इश्यू किया डिफेंडेंट को कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस फाइल हो गया है डिफेंडेंट अपियर होगा डिफेंडेंट अपीयर होगा और अपना डब्ल्यूएस यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा क्लियर अब जब डब्ल्यूएस उसने फाइल कर दिया तो अब पता क्या होगा जब एक बार डब्ल्यू एस फाइल हो जाता है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो पता करे कि पार्टीज के बीच में क्या डिस्प्यूट है कोर्ट को पता करना होता तो है भाई डिस्प्यूट क्या है और जब कोर्ट इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है जब कोर्ट इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है तब दो बातें हो सकती हैं या तो कोर्ट को पता चलेगा कि डिस्प्यूट है डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में या तो यह पता चलेगा कि डिस्प्यूट नहीं है पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो क्या होगा इशू फ्रेमिंग हो जाएगी और डिस्प्यूट अगर नहीं होगा तो फर्स्ट हियरिंग में ही केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा बड़ी सिंपल सी बात है कोर्ट में ने एडवोकेट के थ्रू एक प्लेट फाइल किया और प्लेट फाइल करके सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जब इतना हो गया तो डिफेंडेंट को समन गया डिफेंडेंट अपियर हुआ उसने डब्ल्यू फाइल किया डब्ल्यू फाइल करने के बाद कोर्ट ने यह पता किया कि भाई डिस्प्यूट है कि डिस्प्यूट नहीं है डिस्प्यूट है तो इश्यू फ्रेमिंग कर दी डिस्प्यूट नहीं है तो क्या किया पहली ही हियरिंग में केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया कुछ है नहीं डिस्प्यूट तो केस को खत्म कर दिया बट अगर डिस्प्यूट है तो इश्यू फ्रेमिंग होगी इश्यू फ्रेमिंग होगी और इश्यू फ्रेमिंग होगी तो अब ट्रायल चालू होगा और ट्रायल के लिए चाहिए विटनेसेस कोर्ट विटनेसेस को बुलाएगा विटनेस के बाद विटनेस के आने के बाद केस की हियरिंग होगी और हियरिंग होने के बाद केस जो है वो डिसाइड हो जाएगा यानी कि जजमेंट या डिक्री या जजमेंट और उसके बाद डिक्री आ जाएगी इतनी छोटी सी बात है ठीक है अब देखो कोर्ट में मैंने क्या कहा कि कोर्ट में रहती है पार्टीज कोर्ट में क्या रहती है कोर्ट में रहती है पार्टीज अब देखो आप एक बार ऑर्डर नंबर वन निकालो और ऑर्डर नंबर वन की हेडिंग देखो वो बात करता है पार्टीज टू द सूट के बारे में पार्टीज टू सूट के बारे में बात करता है अब देखो मैंने क्या कहा किसी भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पार्टीज बिना के तो केस चल ही नहीं सकता तो ऑर्डर वन क्या है पार्टीज टू द सूट हो गया पार्टीज अब देखो प्लेंटिफ ने एडवोकेट के थ्रू प्लेन्ट फाइल किया और प्लेट फाइल करके सूट इंस्टीट्यूट कर दिया यही बोला था मैंने कि प्लेंटिफ ने एडवोकेट के थ्रू अपने प्लीडर के थ्रू प्लेट फाइल किया और प्लेट फाइल करके क्या सूट कर दिया सूट इंस्ट्यूट कर दिया अब ध्यान सुनना देखो ने एडवोकेट के थ्रू एडवोकेट यानी कि उसका प्लीडर एक बार ऑर्डर थ्री ऑर्डर थ्री की हेडिंग देखो क्या लिखी है ऑर्डर थ्री की हेडिंग क्या लिखी है ऑर्डर वन बता दिए देख लो ऑर्डर वन बता दिया मैंने आपको पार्टीज टू सूट क्लियर प्लेंटिव डिफेंडेंट फिर मैंने क्या बोला कि प्लेंटिव ने एडवोकेट बोला अब एडवोकेट मतलब एक बार ऑर्डर नंबर थ्री की हेडिंग देखो तो वहां पर लिखा होगा रिकॉग्नाइज एजेंट और लीडर क्योंकि पार्टी कोई भी चीज कोर्ट में खुद भी कर सकती है अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकती है और अपने वकील के थ्रू भी कर सकती है तो उसने अपने वकील को इस्तेमाल किया और सूट फाइल कर दिया बट सूट फाइल किया कैसे प्लेट को फाइल किया प्लेंट फाइल करके ही सूट फाइल होता है क्लियर तो एक बार जरा ऑर्डर नंबर सेवन की हेडिंग देखो प्लेट प्लेन की जानकारी कहां दी है ऑर्डर सेवन में दी है और प्लेंट फाइल करके ऑर्डर सेवन में ये नहीं लिखा कि प्लांट फाइल करके सूट इंस्टीट्यूट होगा नहीं प्लेंट की जानकारी ऑर्डर सेवन में प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए ऑर्डर सेवन बताता है क्लियर इसके अलावा प्लांट फाइल करने क्या किया सूट इंस्टीट्यूट कर दिया अब देखो ऑर्डर नंबर फोर की हेडिंग देखो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो एक हो गया पार्टी तीन हो गया प्लीडर सेवन हो गया प्लेट प्लेट फाइल करके क्या इंस्टीट्यूट किया सूट यानी कि ऑर्डर नंबर फोर और एक बार एक बार जो है वो प्लेट फाइल हो गया सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो क्या होगा अब समन इशू होगा एक बार ऑर्डर नंबर फाइव की हेडिंग देखो समन इशू होगा समन इश्यू हो गया तो डिफेंडेंट अपीयर होगा और अपना डब्ल्यू एस यानी कि रिप्लाई यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा ऑर्डर नंबर एट की हेडिंग देखो डिफेंडेंट अपीयर होके डब्ल्यूएस फाइल करेगा कहा लिखा है एट में लिखा है और डब्ल्यू एस की डिटेलिंग डब्ल्यू एस में क्या क्या होना चाहिए ये ऑर्डर एट बताता है इसके अलावा अब देखो Osionfish. फिर क्या करेगा जब प्लेंट आ गया प्लेंटिफ तो है ही डब्ल्यू एस डिफेंडेंट आ गए इनके वकील भी हैं अब कोर्ट क्या करेगा पता करेगा कि पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है कि डिस्प्यूट नहीं है ये होता है फर्स्ट हियरिंग में कहा होता है फर्स्ट हियरिंग में होता है यानी कि फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करके ये पता करता है कि डिस्प्यूट है कि डिस्प्यूट नहीं है ऑर्डर नंबर टेन की हेडिंग देखो ऑर्डर टेन की हेडिंग देखो ठीक है कि पार्टी किया ये ऑर्डर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ऑर्डर नंबर बोलता है कि कोर्ट एग्जामिनेशन करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि डिस्प्यूट है कि डिस्प्यूट नहीं है ये ऑर्डर टेन में लिखा हुआ है और अगर डिस्प्यूट होगा तो क्या बोला इश्यू फ्रेम कर देगा एक बार ऑर्डर नंबर फोर्टीन की हेडिंग देखो इश्यू फ्रेम हो जाएंगे फ्रेमिंग ऑफ क्यों क्योंकि डिस्प्यूट है तो इश्यू फ्रेम हो जाएगा और अगर डिस्प्यूट नहीं है तो पहली ही ऑर्डर नंबर फिफ्टीन हेडिंग देख लो डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग ठीक है अच्छा अब केस खत्म ही हो गया तो बात ही खत्म हो गई बट अगर डिस्प्यूट है और इशू फ्रेम हो गए तो अब क्या होगा देखो इशू फ्रेम हो गए तो क्या होगा विटनेस को बुलाना पड़ेगा तो एक बार 16 और 16 ए की हेडिंग देख लो दोनों विटनेस को कॉल करने की बात कर रहे हैं बस डिफरेंस क्या है डिफरेंस इतना है कि 16 में जो विटनेस है वो प्रिज़न के बाहर है 16 ए में जो विटनेस प्रेजेंट में है तो इन दोनों को बुलाने का तरीका अलग अलग है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है सोलह और सोलह यह हो गया जब विटनेस आ जाएंगे तो होगी हियरिंग जो कि है ऑर्डर नंबर एटीन भाई विटनेस आ गए तो हियरिंग करनी पड़ेगी और हियरिंग हो जाने के बाद क्या होगा आ जाएगा डिसीजन दैट इज जजमेंट एंड डिक्री ये है ऑर्डर नंबर ट्वेंटी यह है ऑर्डर नंबर ट्वेंटी तो एक हुआ तीन हुआ चार पांच ठीक है सात आठ दस चौदह पंद्रह सोलह सोलह अठारह और बीस अब इसमें कुछ और देखो आपको और बताता हूं यहां तक क्लियर हुआ यहां तक क्लियर है सारी बातें कुछ और ऑर्डर्स ऐड करूंगा अब मैं अब देखो क्या है कि हमने अभी तक तो कौन कौन से ऑर्डर देखे देखो नंबर लिखता हूँ वन देख लिया पार्टीज थ्री देख लिया प्लीडर फोर देख लिया सूट का इंस्टीट्यूशन पांच देख लिया समन फिर सात देखा प्लेट आठ देखा डब्ल्यू एस दस देखा फर्स्ट हेयरिंग चौदह देखा इश्यू फ्रेमिंग पंद्रह देखा फर्स्ट हेयरिंग में डिस्पोजल सोलह और सोलह ए देखा विटनेस को बुलाया अठारह देखा आपका हियरिंग और बीस आपका क्या हो गया जजमेंट बेसिक अगर पूरा प्रोसेस सही तरीके से चला तो ये प्रोसेस होगा अगर पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चली तो ये प्रक्रिया होगी ठीक है अब आप देखो जैसे यहां पर देखो ऑर्डर नंबर सिक्स अभी मिसिंग है हमारा यहां पर आप देखो ऑर्डर नंबर नाइन मिसिंग है हमारा अब मैं इनको जोड़ रहा हूं देखो क्या है सेवन बात करता है प्लेंट की और एट बात करता है रिप्लाई यानी डब्ल्यू एस की डिफेंडर का जो रिप्लाई होता है उसे रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाता है डब्ल्यू एस कहा जाता है ठीक है अच्छा अब देखो सेवन और एट इसके पहले है सिक्स दैट इज प्लीडिंग क्या प्लीडिंग अब जब ऑर्डर नंबर सिक्स हम देखते हैं ना तो उसमें प्लीडिंग जनरली क्या लिखा है प्लीडिंग जनरली क्या होता है कि प्लांट में क्या क्या होना चाहिए ऑर्डर सेवन क्या बता रहा है कि प्लांट के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए कहा लिखा है ऑर्डर सेवन ऑर्डर एट बताता है कि डब्ल्यूएस के कंटेंट्स क्या-क्या होने चाहिए मगर समझना कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि प्लेन्ट और डब्ल्यूएस दोनों में कॉमन होंगी दोनों के लिए जनरल होंगी जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं कि प्लेन्ट में भी पार्टी का सिग्नेचर होना चाहिए डब्ल्यूएस में भी पार्टी का सिग् भाई जो तुम लिख रहे हो उसको साइन तो करना पड़ेगा ना क्या हाँ वही मैं कह रहा हूं सिग्नेचर तो करोगे ना ये कॉमन चीज है जो कि प्लांट में भी होनी चाहिए और डब्ल्यूएस में भी होनी चाहिए तो आप देखो जो प्लांट और डब्ल्यूएस में जो कॉमन चीजें हैं कॉमन जो दोनों में अप्लाई होने वाली है वो आपको ऑर्डर सिक्स में दे दिया है और उसे नाम दिया है प्लीडिंग जनरली क्या नाम दिया है प्लीडिंग जनरली ठीक है ये आपको समझना है तो याद रखना प्लेट भी प्लीडिंग है ऑर्डर सिक्स रूल टू पढ़ोगे तो क्लियर होगी ये बात ऑर्डर सिक्स रूल वन पढ़ोगे तो क्लियर होगी ये बात कि प्लीडिंग मींस प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट प्लेट भी प्लीडिंग है डब्ल्यू एस भी प्लीडिंग है तो सर प्लेट के लिए हमने ऑर्डर सेवन बनाया है डब्ल्यू एस के लिए ऑर्डर एट बनाया तो सिक्स क्यों बनाया कॉमन चीजों के लिए जैसे मैं कहूं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग

अच्छा जब डिफेंडेंट को समन इश्यू होता है ना तो उसमें तारीख डली होती है उस तारीख में प्लेंट plaint, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपियर होना होता है उस तारीख को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपियर होना होता है अब अपियर हो गए तो आपको पता है कि कोर्ट क्या करेगा फर्स्ट हियरिंग दोनों आ गए प्लेंट है फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी मगर सोचो अगर दोनों नहीं आए तो या एक आया और एक नहीं आया तो क्या होगा तो फिर आप ऑर्डर टेन में नहीं जाओगे फिर आप ऑर्डर नाइन में जाओगे आप ऑर्डर नाइन की हेडिंग देखो अपियरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपियरेंस अपियरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपियरेंस क्लियर है तो अगर तुम नहीं आओगे तो क्या होगा आओगे तो ऑर्डर टेन फर्स्ट शेयरिंग नहीं आओगे तो क्या होगा ऑर्डर नाइन बताता है तो आप देखो उसकी हेडिंग भी आ गई क्या हाँ अगर दोनों ही एबसेंट हो जाएंगे तो ऑर्डर नंबर नाइन रूल नंबर थ्री कहता है कि सूट डिसमिस हो जाएगा ठीक है तो सही लिखा है आप लोगों ने तो अब क्या हुआ ऑर्डर नाइन क्या हो गया अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ Non appearance तो एक हुआ तीन हुआ चार हुआ पांच हुआ हमने छे भी इसमें ऐड कर दिया इसमें हमने छ भी छ भी ऐड कर दिया सात आठ हम पढ़ चुके थे हमने इसमें नौ भी ऐड कर दिया ठीक है दस फिर उसके बाद आप आ जाओ ग्यारह बारह तेरह और उन्नीस इनको हम साथ में पढ़ते हैं ग्यारह बारह तेरह और उन्नीस हाँ दिव्यानी आपने सही लिखा है इन दैट केस फाइल हो सकता है और क्या ऑर्डर नंबर क्या कहता है fresh भी भी कर कर सकते हो, fresh file कर सकते हो, हो, और उस डिसमिसल को असाइड करवाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हो तो रूल टू थ्री और फोर ऑर्डर नाइन में रूल टू थ्री और फोर साथ में पड़े जाते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमने नौ और दस पढ़ लिया अब ग्यारह बारह तेरह और उन्नीस जो हैं, इनको साथ में पढ़ा जाता है साथ में क्यों पढ़ा जाता है क्योंकि इनका परपज होता है टाइम बचाना अब अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ा है, तो आपको ये सारी बातें पता होंगी कि समय बचता कैसे है ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हुई है अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव मुझसे पढ़ाए तो बट यहां पर आपको जनरली बता दिया कि ग्यारह बारह तेरह और उन्नीस इनका काम होता है समय को बचाना ग्यारह क्या है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। क्या है? एडमिशन तेरह क्या है प्रोडक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट और उन्नीस क्या है एफिडेविट तो एक हुआ तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह एक सत्रह क्या है एडजमेंट तारीख पे तारीख सत्रह एक पार्टी को एक सूट में मैक्सिमम तीन एडजस्टमेंट मिल सकते हैं ठीक है हाँ सही लिखा है यश फॉर स्पीड ट्रायल इन चारों ऑर्डर यूज होता है वही मैंने कहा ना समय बचाने के लिए मतलब ट्रायल स्पीडी हो जाएगी तो समय कम हो जाएगा वो तो बात ही गुड फिर सत्रह हुआ अठारह उन्नीस यहां पर हो गया और बीस और बीस ए जो है कॉस्ट बीस ए जो है कॉस्ट और अब बचता है केवल ऑर्डर नंबर टू जो कि है फ्रेम ऑफ सूट्स। जब आप कोर्ट में सूट लेकर जाओ तो सूट कैसे लेकर जाओ ऐसे लेकर जाओ कि जितनी भी बातें केस को डिसाइड करने के लिए जरूरी हैं वो सारी की सारी बातें सूट में अवेलेबल होनी चाहिए कुछ मतलब जितनी भी बातें कोर्ट को केस डिसाइड करने के लिए आवश्यक है वो सब आपके सूट में होना चाहिए ये हो गया आपका ऑर्डर नंबर टू अब लाइन से रिपीट कर देता हूं पार्टीज टू द सूट ऑर्डर नंबर वन फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर नंबर टू आपका ऑर्डर नंबर थ्री रिकग्नाइज एजेंट एंड लीडर और नंबर फोर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टोरी टाइप में बता दिया अब लाइन से बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पांच समन छे लीडिंग जनरली सात प्लेट आठ डब्ल्यूएस एस नो अपियरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपियरेंस दस एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ग्यारह डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन बारह एडमिशन तेरह प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट चौदह फ्रेमिंग ऑफ इशू पंद्रह डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग सोलह और सोलह ए कॉलिंग ऑफ विटनेस प्रेजेंट में है तो सोलह ए सत्रह उन्नीस एफिडेविट बीस एंड जजमेंट ट्वेंटी ए आपका कॉस्ट और ट्वेंटी वन आपका एग्जीक्यूशन ये आपको ध्यान रखना है आप एक दो बार ये जो मैंने आपको छोटा सा यहाँ पे चार्ट जैसा बनाया है ना ये अगर आप एक दो बार इस चार्ट को देख लोगे ना तो आपको पूरे के पूरे ऑर्डर याद हो जाएंगे पूरे ऑर्डर याद हो जाएंगे ये आप ध्यान रख लेना बस एक दो बार देख लेना इसको रिपीट करके आपको आंसर याद हो जाएंगे वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करिए आगे बढ़ते हैं अच्छा अब यहां से हमको ऑर्डर नंबर वन पे आ गए ऑर्डर नंबर वन में हमें कौन कौन से रूल्स पे फोकस करना है रूल नंबर वन टू थ्री थ्री ए फाइव ठीक है एट नाइन टेन और थर्टीन सारों पर सवाल बने जरूरी नहीं है मगर दो तीन बातें आपको दो तीन बातें आपको समझनी है एक तो नॉन ज्वाइंडर क्या होता है मिस ज्वाइंडर क्या होता है और नेसरी पार्टी क्या होता है प्रॉपर पार्टी क्या होता है ये कंसेप्ट अभी दो तीन दिन पहले मैंने वाई पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर क्या होता है नेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी क्या होता है और नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर का इफेक्ट क्या होता है हार्डली दो तीन दिन ही हुए हैं मैक्सिम चार दिन हुए होंगे

हमने फोकस किया था बट बेसिक भी पूरा वहां पर क्लियर किया है आपको जो पढ़ना है वो रूल नंबर 1 2 3 3 ए ये पढ़ना 5 पढ़ना 8 9 10 और आपका 13 पढ़ना अब मैं किस पर फोकस करने वाला हूं तो याद रखना मैं आपको 8 बता रहा हूं 9 बता रहा हूं और 10 बता रहा हूं बाकी सारे आप खुद रीड करोगे तो अब देख लेते हैं सर इसको एक बार अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कहां करी है ऑर्डर नंबर वन रूल नंबर एट में करी है क्लियर नंबर वन नंबर टू एक बात हमेशा ध्यान रखना दो सवाल बता रहा हूं पॉइंट ये है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो डिक्री होगी वो सभी पर बाइंडिंग होगी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पर भी और जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन पर भी ये देखो लिखा है

कॉज ऑफ एक्शन होना जरूरी नहीं है आप थोड़ा सा वेट कर लो कि एक और वीडियो पोस्ट करने वाला हूं जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट पर ही मैंने बनाया है वो जिस दिन भी पोस्ट हो, आप उसको देख लेना उसने पूरा ऑर्डर नंबर वन रूल नंबर एट पूरा समझाया मैंने सारे क्लॉज समझाया मैंने आपको ठीक है तो वो जरूर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमरस पर्सन किसे कहेंगे सेम कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा सेम uh, इंटरेस्ट क्या होगा? सारी बातें समझ में जाएंगी यहां पे प्री के लिए बस एक बात बता रहा हूं कि सेम इंटरेस्ट होने के लिए नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सच हैव द सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम इंटरेस्ट होने के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन जरूरी नहीं होता ये आपको ध्यान रखना है अच्छा आगे बढ़ते हैं याद रखना ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9 मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर इसका क्या इफेक्ट होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा मिस जॉइंडर मतलब क्या होता है जॉइन नहीं करना था कर लिया नॉन जॉइंडर मतलब क्या होता है जॉइन करना था नहीं किया इनका इफेक्ट क्या होता है कुछ भी नहीं द सूट विल नॉट बी डिफीटेड ठीक है क्या

ध्यान रख लेना एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ये आपको ध्यान रखना है हाँ गुड यस yes, सही लिखा है आपने आगे आ जाओ ऑर्डर नंबर टू पर आ जाओ याद रखना अगर कभी आपसे पूछे कि स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स या स्प्लिटिंग ऑफ रिलीफ कहां दिया है याद रखना ऑर्डर नंबर टू रूल नंबर टू और ऑर्डर नंबर टू रूल नंबर टू में एक एग्जाम्पल है एक इलस्ट्रेशन है ये आपको पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली उसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति ने तीन साल का रेंट पे नहीं किया ठीक है और केवल एक साल के रेंट को वसूल करने के लिए फाइल कर दिया अब बाकी बचे हुए जो दो साल हैं उसके लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकता ये आपको ध्यान रखना है ये इसके में दिया हुआ है रूल नंबर थ्री की हेडिंग को मार्क कर लो ऑर्डर नंबर थ्री पर आओ ऑर्डर नंबर थ्री की हेडिंग को मार्क करो ऑर्डर थ्री की हेडिंग को मार्क करो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार रूल नंबर टू आपको रीड कर लेना है रूल टू पढ़ लेना और कभी आपसे पूछ लें कि वकालतनामे की बात कहां करी है वकालतनामा कहा ऑर्डर नंबर थ्री रूल नंबर फोर ऑर्डर नंबर थ्री रूल नंबर फोर में वकालतनामा की बात करी हुई है आगे बढ़ते हैं ऑर्डर नंबर फोर पर जाओ ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं आपने मार्क कर लिया होगा ऑर्डर नंबर फाइव पर जाओ ऑर्डर नंबर फाइव पर जाओ दैट इज इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें टोटल थर्टी रूल्स रूल रूल है ऑर्डर फाइव में कितने रूल्स हैं टोटल थर्टी रूल्स हैं क्लियर मेजरली आपको फोकस किस पे करना है रूल नंबर नाइन रूल नंबर नाइन आपको बताता है बताता सब जा रहा हूं रीडिंग आप लोग बाद में करोगे रूल नंबर नाइन आपको बताता है कि किस किस तरीके से किस किस तरीके से समन इश्यू हो सकता है कोर्ट का ऑफिसर उसका कोरियर सर्विसेज स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू फैक्स ईमेल ये आपको ध्यान रखना है मगर एक बहुत खास सवाल जो रूल नंबर नाइन से बनता है वो ये है कि जो कोरियर सर्विसेज हैं जो कोरियर सर्विसेज हैं जिनसे कि समझ जा सकता है उनकी लिस्ट कौन बनाएगा तो उनकी लिस्ट बनाएगा ध्यान रखना हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है ये प्री का बहुत खास सवाल है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज ये आपको ध्यान रखना है क्लियर ये एक बहुत खास सवाल है जो कि वहां से पूछा जाता है और वहीं पर एक थर्टी डेज वाला सवाल भी आता है थर्टी डेज कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू डैश डेज के अंदर वापस नहीं आया तो भी कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि समन सर्व हो गया वो थर्टी डेज है वो वो आपको पढ़ना पड़ेगा तो बेसिकली दो सवाल आप ध्यान रख लेना रूल नाइन से एक तो कौन लिस्ट बनाएगा और ये थर्टी डेज इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाता है दस्ती रूल नंबर टेन में दिया हुआ है? रूल नंबर फिफ्टीन पर आ जाओ याद रखना वहां पर लिखा है कि एडल्ट में फैमिली को समन सर्व किया जा सकता है मेल नहीं लिखा वहां पर मेल या फीमेल बस मेजर होना चाहिए किसी को भी दिया जा सकता है ये आपको ध्यान रखना है uh, सिक्स में, में, में लिखा हुआ है कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज आप शायद सब रूल वन पढ़ रही हो इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज नहीं लिखा मिल रहा आपको सब रूल फाइव या सिक्स में देखो आपको जगह लिखा मिल जाएगा ठीक है हाँ श रूल नाइन सब रूल फाइव या सिक्स में लिखा हुआ है ठीक है आगे इसके अलावा नाइन ए बता दिया दस्ती दस बता दिया हेडिंग को मार्क कर लो उसको रीड भी कर लेना पंद्रह को मार्क करो एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इसके अलावा इसके अलावा याद रखना कि सर्वेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली सर्वेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली ये भी रूल 15 में लिखा हुआ है 17 को मार्क करो 17 और 20 की हेडिंग को मार्क करो सब्सटीट्यूटेड सर्विस अब याद रखना सवाल बता रहा हूं जवाब आपको ढूंढना है आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में सब्सटीट्यूटेड सर्विस करी जा सकती है दो सर्कमस्टांस दी हुई है वहां पर हाँ अर्पिता सब रूल सिक्स गुड गुड ठीक है ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो मैं आपसे बता रहा था कि किन परिस्थितियों में किन सर्कमस्टांसिस में सब्सिड सर्विस करी जाएगी तो वहां पर दो बातें लिखी है नुम्बर वन, नुम्बर वन, कि जो डिफेंडेंट है ही इज अवॉइडिंग सर्विस ऑफ समन और इन एनी अदर केस विच द कोर्ट थिंग्स फिट ये आपको ध्यान रखना ठीक है इन परिस्थितियों में ट्वेंटी कहता है कि सफ्यूट करी जा सकती है अब आगे बढ़ते हैं हां नहीं 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 अभिषेक नहीं यही यही प्रॉब्लम है सत्रह की सर्कमस्टांसेस अलग हैं और बीस की सर्कमस्टांस अलग है जो आप लोग यहां पर लिख रहे हो ना कि डिफेंडेंट इज नॉट फाउंड एंड देर इज नो अदर पर्सन टू बी सर्व या वेन ही टू साइन एक्नोलेजमेंट ये सेवनटीन की कंडीशन है ट्वेंटी की नहीं है यही तो मॉइंट है इसलिए मैंने अलग से सवाल आपको बताया ये प्री का बहुत खास सवाल है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि किन परिस्थितियों में 17 का इस्तेमाल होगा और 20 का कब इस्तेमाल होगा 17 में लिखा हुआ है अब देख लेना आप लोग 17 में लिखा हुआ है ही इज रिफ्यूजिंग टू साइन द समन और दूसरी कंडीशन क्या वो मिल नहीं रहा और कोई और व्यक्ति भी अवेलेबल नहीं है तो 17 का इस्तेमाल होगा और 20 का अलग इस्तेमाल है ठीक है ये ध्यान रखना इसके अलावा इसके अलावा पढ़ने को तो अपन फिर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं ट्वेंटी फोर में है कि अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट में है तो कैसे सर्व करोगे तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रेजेंट को समन सर्व कर दिया जाएगा सत्ताईस रूल ट्वेंटी को मार्क मार कर लो इसके अलावा रूल ट्वेंटी सेवन कहता है अगर सरकारी कर्मचारी है गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो कैसे करोगे उसके हेड ऑफ द दे डिपार्टमेंट को कर दो वो सर्व कर देगा 28 कहता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का बंदा है तो कैसे सर्व करोगे उसे कमांडिंग ऑफिसर को कर दो वो सर्व कर देगा मतलब कोर्ट ने क्या किया कमांडिंग ऑफिसर को भेज दिया कमांडिंग ऑफिसर उसको भेज देगा और रूल थर्टी की को को कर कर लेना letter in lieu of summons. कर लो मार्क कर लो अच्छा ऑर्डर फाइव हुआ ऑर्डर सिक्स हेडिंग को मार्क करो रूल वन पर आओ रूल वन पे आपको लिखा मिलेगा प्लीडिंग और स्टेटमेंट उसको मार्क कर लो ये पहली बात हो गई रूल नंबर टू पर आओ प्लीडिंग में क्या होगा तो मार्क करो मार्क्टीरियल फैक्ट एंड नो एविडेंस मार्क कर लो जल्दी से रूल टू में आओ क्या होगा मटीरियल फैक्ट होंगे बट नो एविडेंस मार्क कर लिया इसके अलावा रूल फोर्टीन पर आ जाओ रूल फोर्टीन पर आ जाओ फोर्टीन में लिखा है कि प्लीडिंग में क्या होगा साइन Sign होगा सिग्नेचर होगा बट किसका सिग्नेचर होगा याद रखना पार्टी एंड हिज प्लीडर माफ करो पार्टी एंड हिज हां हाँ, अभिषेक सही लिखा आपने और है बीच में प्लेट और डब्लूएस ठीक है तो ये आपका हो गया रूल नंबर फोरटीन 14. फोर्टीन ए पर जाओ फोर्टीन ए पर लिखा हुआ है कि पार्टीज को अपना रजिस्टर्ड एड्रेस फाइल करना पड़ेगा पार्टीज को अपना रजिस्टर्ड एड्रेस फाइल करना पड़ेगा राइट अगर नहीं किया तो क्या होगा अगर नहीं किया प्लेटिफ ने नहीं किया मेरे ख्याल में लिखी यह बात रूल, रूल फोर्टीन ए फाइल किया है या फाइल ही नहीं किया तो प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी माफ करो स्टे हो जाएगी प्रोसीडिंग ठीक और अगर डिफेंडेंट ने गलती करी तो क्या होगा मार्क कर लो हिज डिफेंस विल बी करो डिफेंस 14 हुआ, हुआ, की heading को को करो करो 16 की heading को मार करो, क्या है आपका स्ट्राइकिंग आउट ऑफ पीडिंग 17 की हेडिंग को मार्क करो अमेंडमेंट ऑफ पीडिंग 18 पे आ जाओ एक सवाल वहां से बनता है एक सवाल वहां से बनता है क्या अगर कोर्ट ने अमेंडमेंट करने के लिए कोई समय कोई ड्यूरेशन नहीं दी तो कितने समय के अंदर अमेंडमेंट कर लेना चाहिए माफ करो फोर्टीन डेज ठीक है फोर्टीन डेज ये आपको माफ करना तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए हमने वन पढ़ा टू पढ़ा फोर्टीन 14 पढ़ा फोर्टीन ए पढ़ा फिफ्टीन पढ़ा सिक्सटीन पढ़ा सेवनटीन पढ़ा और एटीन पढ़ा बट याद रखना पंद्रह सोलह सत्रह उसकी हेडिंग मैंने आपको मार्क करवाई है उसको आपको पूरा रीड करके जाना है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है सात पर आ जाओ सात में ध्यान रखना तीन बातें बता रहा हूं बहुत खास रिटर्न ऑफ प्लेट कहा है हाँ सांसली इट इज नॉट 45 डेज इट इज 14 डेज ठीक है अच्छा अब देखो सेवन पर आ जाओ मैंने कहा तीन चार बातें आपको बताऊंगा सबसे पहले ऑर्डर सेवन रूल टेन पर आ जाओ क्या है रिटर्न ऑफ प्लेट नंबर वन रिटर्न ऑफ प्लेट ये एक सवाल हो गया सीधे हेडिंग से सवाल आएगा कहां दिया है रिटर्न ऑफ प्लेट ऑर्डर सेवन रूल टेन सवाल नंबर दो क्या रिटर्न ऑफ प्लांट का आदेश एपिलेट या रिविजनल कोर्ट भी दे सकते हैं द आंसर इज यस उसी रूल में एक्सप्लेनेशन में ये बात दी हुई है तीसरी बात क्या रिटर्न ऑफ प्लांट का ऑर्डर एक एपिलेबल ऑर्डर है द आंसर इज यस ठीक है द आंसर इज यस इट इज एन एपिलेबल ऑर्डर ये तीन चार बातें जो कि आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है इसके अलावा ये भी याद रखना कि अगर अब मैं डिटेल में समझाने नहीं वाला हूं बट याद रखना अगर ऑर्डर सेवन रूल टेन ए की एप्लीकेशन अलाउ हो जाए केवल एक स्टेटमेंट दे रहा हूं रीडिंग आप लोग करोगे अगर ऑर्डर सेवन रूल टेन ए की एप्लीकेशन अलाउ हो जाए ठीक है तो रिटर्न ऑफ प्लेट का ऑर्डर एप्लेबल ऑर्डर नहीं रह जाता हालांकि यह सवाल कभी प्री में नहीं पूछा गया बट आपको बता दिया कि जनरली इट इज एन एप्लीबल ऑर्डर बट इफ द एप्लीकेशन मेड अंडर ऑर्डर सेवन रूल टेन इज अलाउड देन दैट ऑर्डर डज नॉट रिमेन एन एप्लीबल ऑर्डर यह आपको ध्यान रखना है फिर ऑर्डर सेवन रूल इलेवन बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेट की रिजेक्शन ऑफ प्लेट की ठीक है किन किन ग्राउंड पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकता है कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया अंडर वैल्यूड है प्रॉपरली स्टाम नहीं है किसी लॉ का बार लगा हुआ है आपका डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया है या ऑर्डर सेवन रूल नाइन को फॉलो नहीं किया है यह आपको ध्यान रखना है ये सारे वो कंडीशन है जहां पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकता है और अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया

ऑर्डर एट पर आ जाओ हेडिंग को मार्क करो डब्ल्यू एस रूल्स ऑफ डिनाइल कहां दिए एक तो याद रखना कि डब्ल्यू एस कितने दिनों के अंदर फाइल करना है याद रखना थर्टी प्लस सिक्सटी कैसे याद रखोगे थर्टी प्लस हाँ अभिषेक सही लिखा है आपने याद रखना कि हाँ सही लिखा है सही लिखा है गुड अब देखो जो डब्लूएस फाइल होगा वो कितने दिनों के अंदर हो जाएगा आपको याद रखना है जब सर्विस ऑफ समन हुई जब समन की सर्विस हुई उसके थर्टी डेज के अंदर थर्टी डेज के अंदर नहीं हो पाया तो प्लस सिक्सटी डेज यानी कि टोटल 90 डेज अवेलेबल है फ्रॉम सर्विस ऑफ समन इस बात को ध्यान रख लेना इट इज नॉट 30 प्लस 90 इट इज 30 प्लस 60 तो मैक्सिमम कितना हो गया 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन और वहीं पर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो मैक्सिमम 120 डेज ये भी प्री में पूछा जा चुका है ध्यान रख लेना ये भी प्री में पूछा जा चुका है ध्यान रख लेना क्लियर अगर कमर्शियल कोर्ट में केस चल रहा है तो मैक्सिमम 120 डेज नॉर्मल केस है तो मैक्सिमम 90 डेज क्लियर रूल्स ऑफ डिनाइल कहां पर दिए हुए हैं तो आपका तीन चार और पांच में दिए हैं उस उसमें मैं नहीं जा रहा हूं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कहा हुआ है रूल नंबर सिक्स और रूल नंबर सिक्स ए सेट ऑफ दिया है सिक्स में काउंटर क्लेम दिया है सिक्स ए में और इक्विटेबल सेट ऑफ कहा दिया है याद रखना इक्विटेबल सेट ऑफ कहा दिया हुआ है लीगल सेट ऑफ दिया है ऑर्डर एट रूल सिक्स इक्विटेबल सेट ऑफ दिया है ऑर्डर ट्वेंटी रूल नाइनटीन सब रूल थ्री ऑर्डर ट्वेंटी रूल नाइनटीन सब रूल थ्री ठीक है ऑर्डर नंबर नाइन पर कौन कौन से रूल्स आपको पढ़ने हैं देख लो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन थर्टीन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 13. दो में अब दो अगेन प्री के लिए आप पढ़ोगे बेसिकली मैं थ्री पे फोकस कर रहा हूं थ्री कहता है अगर दोनों पार्टीज अपियर नहीं हुए, सूट हो जाएगा। बट फोर कहता है कि फ्रेश प्लेन फाइल कर सकते हो या उस डिस्मिसल को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकते हो सिक्स कहता है अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा तो याद रखना कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाएगा मगर अगली हियरिंग या उसके पहले डिफेंडेंट आ गया तो कोर्ट उसको सुनेगा कहता और नहीं है अगर डिफेंडेंट आया और नहीं तो सूट डिसमिस हो जाएगा और नाइन कहता है कि फ्रेश प्लेन फाइल नहीं कर सकता प्लेटिव राइट मगर उस डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है क्लियर और 13 कहता है कि अगर एक्स पार्टी डिग्री आ गई तो उस एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए उसी कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है जिससे डिग्री पास करी है और एवरी डिग्री इज एपिलेबल तो अपील भी करी जा सकती है सिंस एवरी डिग्री इज एपिलेबल अपील भी करी जा सकती है बट याद रखना एक प्री का सवाल है कि अगर अपील कर दी और अपील डिस्पोज ऑफ हो गई तब क्या वापस लौटकर आप डिक्री को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगा सकते हो द आंसर इज नो अगर ये अपील डिसाइड हो गई तो नहीं कर सकते अगर अपील डिसाइड हो गई तो नहीं कर सकते मगर अगर अपील करके विड्रॉ कर ली तो कर सकते हो ये सारी बातें आपको ऑर्डर नंबर नाइन रूल नंबर थर्टीन में लिखी हुई मिल जाएंगी ये आपको ध्यान रखना है क्लियर अच्छा आगे बढ़ते हैं ऑर्डर टेन ऑर्डर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन इसमें ऑर्डर टेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें रूल नंबर फोर एक बार पढ़ लेना रूल नंबर फोर में लिखा हुआ है कि अगर किसी स्पेसिफिक पार्टी को सुन लेना जो सवाल में कह रहा हूं अगर किसी पार्टी को कोर्ट एग्जामिन करना चाहता है और वो पार्टी कोर्ट में अवेलेबल नहीं है तो उसको एग्जामिन करने के परपज के लिए कोर्ट कितने दिनों के लिए हियरिंग को पोस्टपोन कर सकता है जवाब आपको रूल नंबर फोर में मिल जाएगा सेवन डेज सात दिनों के लिए हियरिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है ये ध्यान रख लेना ऑर्डर नंबर टेन की हेडिंग याद रख लेना और ये याद रख लेना बाकी रीड आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये, से, ये एक बात जो वहां से है इसके 11 में, वैसे चोटी -चोटी बहुत सारी दी हुई है हाँ गुड दिव्यानी ये सही लिखा है आप लोगों ने गुड ऑर्डर नंबर इलेवन की अगर मैं बात करूं तो एक तो हेडिंग उसकी याद रख लेना डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन रूल नंबर टू कहता है कि जो इंटेरोगेटरीज हैं वो डिलीवर करने के लिए कोर्ट सात दिनों का सेवन डेज का टाइम ले सकता है मैंने कोर्ट को सवाल दिया कि सर इसका जवाब सामने वाली पार्टी से मांगो कोर्ट सात दिनों के अंदर डिसाइड करेगा कि उसको डिलीवर करना है या नहीं करना है ये आपको ध्यान रखना है अच्छा इसके अलावा आप रूल नंबर ट्वेंटी पढ़ लेना सवाल उसमें ये पूछा जाता है ऑर्डर नंबर इलेवन का सबसे खास सवाल यही है ऑर्डर नंबर इलेवन का सबसे खास सवाल रूल नंबर ट्वेंटी बनता है कि अगर कोर्ट ने डिस्कवरी या इंस्पेक्शन का आदेश दिया और जिस पार्टी को यह आदेश दिया गया है वो पार्टी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती तो क्या होगा याद रखना अगर प्लेन उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो हो जाएगा डिसमिसल ऑफ सूट फॉर द वॉन्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन सूट डिसमिस हो जाएगा <coughs> और अगर डिफेंडेंट ने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, तो उसका डिफेंस स्ट्रक आउट हो जाएगा ये ऑर्डर नंबर 11 रूल नंबर 21 में दिया हुआ है ऑर्डर नंबर 12 पर आओ रूल नंबर 6 की हेडिंग को मार्क करो एडमिशन के बेस पर हाउस गुड अभिषेक सही लिखा है वो एक एकबल ऑर्डर था बिल्कुल सही लिखा है आगे बढ़ते हैं ऑर्डर नंबर ट्वेल्व हेडिंग को मार्क करो रूल नंबर सिक्स की हेडिंग को मार्क करो कि एडमिशन के बेसिस पर जो है वो डिग्री पास करी जा सकती है ये आपको ध्यान रखना है अब इसके अलावा रूल टू और रूल फोर ये आपको पढ़ने हैं रूल टू बात करता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की और फोर बात करता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की ये दोनों आपको रीड करने हैं थर्टीन की हेडिंग को मार्क कर लो फोर ऑर्डर नंबर इसमें कोई स्पेसिफिक सवाल तो अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि एक मिला जुला क्वेश्चन कहीं से आ सकता है रूल नंबर वन से, से वहां पर लिखा है कि भाई कितने तरह के इश्यूज हो सकते हैं तो इश्यू ऑफ लॉ हो सकता है इश्यू ऑफ फैक्ट हो सकता है ठीक है

रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि इश्यूज किन किन चीजों को यूज करके फ्रेम की जा सकते हैं या बता दूं कि ऑर्डर नंबर फोर्टीन से पहले यानी कि इश्यू फ्रेमिंग से पहले जितनी भी चीजें अवेलेबल है कोर्ट को उन सब का यूज किया सकता है प्लेन्ट का हो सकता है डब्ल्यू का हो सकता है जो डॉक्यूमेंट साथ में फाइल किए गए थे उनका हो सकता है जो पार्टी एग्जामिन किया गया था उनका हो सकता है जो इंटेरोगेटरी जो जवाब आया उनका यूज करके इश्यू फ्रेम हो सकता है इन सारी बातों को यूज करके इशू की फ्रेमिंग करी जा सकती है इनफैक्ट अगर किसी खास विटनेस को कोर्ट एग्जामिन करना चाहे तो रूल नंबर फोर कहता है कि उसको एग्जामिन कर भी सकता है फॉर फॉर द ऑफ फ्रेमिंग इशू एंड दैट सात दिनों के लिए हियरिंग को पोस्टपोन कर सकता है आपको सारे रूल्स बता दिए एक दो तीन चार पांच ऑर्डर फोर्टीन के फिफ्टीन आपको पहले ही बता दिया डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग सिक्सटीन का रूल नंबर वन पढ़ लेना जब इश्यू फ्रेमिंग दो सवाल बता रहा हूं रूल नंबर वन से ही बता रहा हूं जब इश्यू फ्रेमिंग होती है तो पंद्रह दिनों के अंदर विटनेस की लिस्ट पेश लिस्ट पेश पेश करनी पड़ेगी और जब करी तो रूल नंबर वन ही कहता है कि अब पांच दिनों के अंदर समन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो पंद्रह और पांच दोनों रूल वन में लिखा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा रूल नंबर टेन पढ़ के जाना रूल नंबर ट्वेल्व पढ़ के जाना रूल नंबर वन आपको बता दिया जहां से संभावना है सवाल बनने की, इसके अलावा टेन और ट्वेल्व से भी है वो आपको पढ़ के जाना है ठीक है इसके अलावा सिक्सटीन ए पर आओ एक सवाल पूछा जाता है कि एक सवाल पूछा जाता है कि प्रिजेंट शब्द को कहा डिफाइन किया है सीपीसी में याद रखना ऑर्डर सिक्सटीन ए रूल नंबर वन में प्रेजेंट शब्द को डिफाइन किया गया है यह आपको ध्यान रखना है एक सवाल यह आता है और दूसरा सवाल आता है कि प्रेजेंट शब्द में क्या क्या इंक्लूडेड है यह भी आपको रूल वन में मिल जाएगा ए की आपको हेडिंग याद रखनी है सेवनटीन हेडिंग मार्क कर लो एक पार्टी को मैक्सिमम तीन एडजमेंट मिल सकते हैं ये भी ऑर्डर नंबर हाँ सांजली सही लिखा है पांच सौ रुपए फाइन ये कहा लिखा है रूल ट्वेल्व में लिखा है ऑर्डर सिक्सटीन रूल नंबर ट्वेल्व में लिखा है गुड अच्छा सेवनटीन आपको बता दिया तीन एडजमेंट एक पार्टी को मिलते हैं ऑर्डर नंबर एटीन रूल नंबर फोर पर आओ ऑर्डर एटीन रूल नंबर फोर पर आओ याद रखना जो चीफ होगा एग्जामिनेशन चीफ जो होगा वो एफिडेविट पर होगा मगर एक खास सवाल जो कि रूल नंबर फोर में ही आपको आगे मिल जाएगा सवाल यह है कि जो कमीशन है अगर कमीशन कमिश्नर को भेजा है किसी पार्टी को एग्जामिन करने के लिए किसी पार्टी को एग्जामिन करने के लिए अगर कमिश्नर को भेजा गया है ठीक है तो उसको अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में फाइल करनी पड़ेगी याद रखना 60 डेज इसका जवाब है ये आपको ध्यान रखना है ऑर्डर नंबर 18 रूल नंबर फोर ठीक है 19 की आपको हेडिंग मार्क करनी है 20 ऑर्डर नंबर 20 पे आओ हेडिंग को मार्क करो जजमेंट एंड डिक्री मार्क करो हां यश सही लिखा है 60 डेज में करना है वेरी गुड अब आ जाओ ऑर्डर नंबर 20 पर ध्यान रखना है ऑर्डर नंबर ट्वेंटी रूल नंबर वन जजमेंट हियरिंग कंप्लीट होने के कितने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए कोशिश करनी है थर्टी डेज में आ जाए नहीं कर पा रहे हो एक्सेप्शनल कंडीशन में सिक्सटी डेज हियरिंग कंप्लीट होने से थर्टी डेज नहीं कर पा रहे हो हियरिंग कंप्लीट होने से सिक्सटी डेज ये आपको ध्यान रखना है ये एक बात हो गई ये रूल नंबर वन में ही आपको मिल जाएगा एक बात और ध्यान रखना कि एक बार जजमेंट पर साइन हो गया तो अब उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्री का सवाल यहीं से आ गया प्री का सवाल यहीं से आ गया एक बार सिग्नेचर हो गया कोई चेंज नहीं हो सकता नहीं हो सकता एक्सेप्शन डैश एंड डैश याद रखना रिव्यू एंड सेक्शन 152 रिव्यू एंड सेक्शन 152 वेरी गुड ठीक है अच्छा अगली बात रूल नंबर फोर पढ़ के जाना उसमें कंटेंट्स ऑफ जजमेंट आपको मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा अगला सवाल एक बार जजमेंट आ गया तो जजमेंट आने के कितने दिनों के अंदर डिक्री आ जानी चाहिए याद है ना फिफ्टीन डेज याद रखना फिफ्टीन डेज जजमेंट आने के डैश डेज के अंदर डिग्री आ जानी चाहिए फिफ्टीन डेज के अंदर आ जानी चाहिए <coughs> अगला सवाल क्या डिग्री पर डेट कौन सी रहेगी डिक्री पर डेट कौन सी रहेगी जो जजमेंट की डेट होती है जो जजमेंट प्री, प्री सवाल बता रहा हूँ सारे जो जजमेंट की डेट होती है वो क्लियर और एक बहुत खास सवाल जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऑर्डर नंबर ट्वेंटी में ऑर्डर ट्वेंटी में किस किस रूल में प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है याद रखना ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन क्या ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन इन सारे रूल्स में, इन सारे रूल्स में पास हो सकती है 17 में नहीं हो सकती, ध्यान रख लेना. Clear? ये हुआ हमारा ऑर्डर नंबर ट्वेंटी और एक बहुत खास बात हेडिंग रूल नंबर टेन और रूल नंबर इलेवन खास करके रूल नंबर इलेवन की डिग्री में डायरेक्ट पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट उसको याद रख लेना ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ये बात कहां दी हुई है ऑर्डर नंबर नंबर रूल बहुत खास है क्लियर हो गया ट्वेंटी ए पर आओ हेडिंग को मार्क करो ऑर्डर ट्वेंटी वन पे आओ ऑर्डर ट्वेंटी वन पर आओ 18 को मार्क करो क्रॉस डिक्री का एग्जीक्यूशन 19 की हेडिंग को मार्क करो 21 वन पावर है ऑर्डर 21 रूल 21 कोर्ट में डिनाय कोर्ट डिनाई कर सकता है कि मैं बॉडी और प्रॉपर्टी का एक साथ यूज नहीं करूंगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का मार्क करो 21 आगे ट्वेंटी वन हो गया रूल थर्टी पर आओ रूल थर्टी पर आओ मनी डिक्री कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है कहा लिखा है रूल थर्टी में लिखा है माफ करो रूल थर्टी टू पर आओ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये थर्टी पढ़ना है आपको मैंने बता दिया कि वहां पर क्या मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ज्यूगल राइट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजंक्शन ये डिक्रिया कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है कहा लिखा है 32 में लिखा है माफ करो 30 पढ़ना है पूरा 32 पढ़ना है ठीक है इसके अलावा 46 ए से 46 आई तक गार्निशी के प्रोविजंस हैं 46 ए से 46 आई तक गार्निशी के प्रोविजंस हैं 51 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है 53 डिक्री के डिक्री के अटैचमेंट की बात करता है ये आप पढ़ सकते हो देखो आप 106 रूल्स हैं तो उसमें बहुत ही जो बहुत पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, है बस वही बता रहा हूं ठीक है पढ़ने को तो हम तो बहुत सारे पढ़ते हैं बट जो बहुत ही खास है इसे अठारह बताया उन्नीस बताया इक्कीस बताया तीस बताया बत्तीस बताया है ना ए से आई वाला बताया उसमें सारे नहीं पढ़ने बट एक बार रीडिंग कर लेना बेहतर रहेगा ठीक है सब एग्जाम के लिए जरूरी नहीं बट पढ़ लेना सारी फिर फिफ्टी वन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई फिफ्टी थ्री डिग्री की बात हो गई फिर उसके बाद एक बात याद रखना यश हाँ. yes, सही लिखा है जजमेंट डेटर्स डेटर चलो आगे बढ़ते हैं इसमें दो तीन बातें और ध्यान रखना कि कभी भी जो डिक्री होल्डर है वो खुद पब्लिक ऑक्शन में वो खुद पब्लिक ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कोर्ट विदाउट एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कोर्ट दो तीन बातें और बता रहा हूं याद रखना 84 और 85 रूल नंबर 84 और रूल नंबर 85 जब भी कोई व्यक्ति ऑक्शन परचेज करता है प्रॉपर्टी को तो उसको तुरंत 25 परसेंट जमा करना पड़ता है नंबर वन और बाकी अब 85 फाइव क्या कहता है रूल 85 कि बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो उसको 15 डेज के अंदर जमा करना पड़ेगा ये 84 और 85 हो गया 94 की हेडिंग को मार्क कर लो 94 की हेडिंग को मार्क कर लो इसके अलावा 105 105 और 106 ये आपको रीड करने 105 रूल 105 और रूल 106 ये आपको रीड करने है ऑर्डर ट्वेंटी टू पर आओ हेडिंग को बात करो क्या किसी व्यक्ति की डेथ के बाद सूट सरवाइव करेगा सूट कंटिन्यू होगा या अबेट हो जाएगा रुक जाएगा कंटिन्यू करेगा याद रखना इफ द राइट टू स्यू सर्वाइव रूल नंबर वन की बात कर रहा हूं इफ द राइट टू सी सर्वाइव सूट विल नॉट अबेट एक बहुत खास सवाल आता है ऑर्डर नंबर ट्वेंटी टू रूल नंबर सिक्स से ऑर्डर ट्वेंटी टू रूल नंबर सिक्स से इसको याद रखना और यह कई बार पूछा जा चुका है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ लास्ट हियरिंग के बाद हुई है बट जजमेंट पास होने के पहले हो गई तो क्या होगा याद रखना राइट टू सी सरवाइव करे या ना करे अगर हियरिंग हो गई है तो जजमेंट आएगा यह बात ऑर्डर ट्वेंटी टू रूल सिक्स में दी हुई है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा जा चुका है अगर हियरिंग कंप्लीट होने के बाद डेथ हुई है तो राइट टू स्यू सर्वाइव करे या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जजमेंट आएगा दैट इज फॉर श्योर राइट दिव्यानी सही लिखा है यह बात लिखी गई है ऑर्डर ट्वेंटी रूल नंबर सिक्स में और अगली बात आ जाओ ऑर्डर नंबर ट्वेंटी टू रूल नंबर नाइन बहुत खास सवाल यहां से ही बनता है कि अगर ऑर्डर नंबर ट्वेंटी टू में कोई सूट अबेट हो गया या डिसमिस हो गया तो क्या फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है द आंसर इज नो ऑर्डर नंबर ट्वेंटी टू रूल नंबर नाइन एक पढ़ाया है छह पढ़ाया और नौ पढ़ाया है ध्यान रखना क्या होगा फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता बट क्या हो सकता है तो रूल नंबर नाइन ही कहता है कि उस डिसमिसल को सेट असाइड करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस को सेट असाइड करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये आपको याद रखना है एक छे और नौ ये आपको ध्यान रखना है आगे ट्वेंटी थ्री पर आ जाओ 23 ऑर्डर 23 रूल नंबर वन पर आओ ऑर्डर 23 रूल नंबर वन याद रखना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा तीन सवाल बताऊंगा ऑर्डर 23 से एक अगर किसी व्यक्ति ने सूट या पार्ट ऑफ रिलीफ उसने अबंडन कर दिया अबंडन तो क्या उस Part के लिए वो फ्रेश सूट फाइल कर सकते सवाल नंबर एक इफ यू हैव एनी पोर्शन ऑफ़ द क्लेम कैन यू फाइल अ फ्रेश सूट द आंसर नो यू वन नंबर टू अगर आपने सूट विद्रॉ कर लिया तो क्या फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो तो याद रखना अगर कोर्ट की परमिशन से विदड्रॉ किया था तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते तीसरा अगर कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो गई तो क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है यस yes. ये बात बता रहा हूं ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल थ्री में कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो सकती है तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर पास हो गई या पास हुई तो क्या उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है यस yes, बिल्कुल हो सकता है मगर याद रखना कॉम्प्रोमाइज डिक्री की अपील नहीं हो सकती अभी पढ़ा था 96 सब सेक्शन 3 कंसेंट डिक्री हो कॉम्प्रोमाइज डिक्री हो इनकी अपील नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है अगर आपको कॉम्प्रोमाइज डिक्री को सेटिस्फाई करवाना है तो आप वापस उसी कोर्ट में जाओगे जिसने वो डिक्री पास करी थी उसको प्रॉब्लम बताओगे वो हो सकता है उस डिक्री को सेटिस्फाई कर दे और एक और सवाल सुन लो ये सबसे खास सवाल है क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री पर कौन बताएगा इस सवाल का जवाब क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री पर ेटा अप्लाई होता है हाँ, दिव्यानी आपने सही लिखा यही मेरा सवाल था बट डज नॉट वर्क एज रेस ज्यूडिकेटा कॉम्प्रोमाइज डिक्री रेस ज्यूडिकेटा की तरह काम नहीं करती रेस ज्यूडिकेटा उस पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि रेस ज्यूडिकेटा का प्रिंसिपल है हर्ड एंड डिसाइडेड जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री होती है उसको सुन करके डिसाइड हियरिंग करके डिसाइड नहीं किया जाता उस पर इसलिए उस पर रेस जो अप्लाई नहीं होता मार्क 24, 24 करो ऑर्डर 25 की को मार्क करो ऑर्डर 26 की हेडिंग को मार्क करो कमीशन इसको पढ़ते हैं सेक्शन 75 के साथ ध्यान रखना ठीक है ट्वेंटी सेवन की हेडिंग को मार्क करो ये सारे आपको हेडिंग्स मार्क करनी है हाँ, 32 और 33, ये नो no डाउट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यहां से कुछ सवाल हैं, नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन इंडिजेंट पर्सन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंट पर्सन ठीक है friend, guardian, person, of of person, ये सारी बात यहां से काफी सारे सवाल बन सकते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप इन दोनों ऑर्डर्स को 32 और 33 दोनों को पूरा पढ़ के जाओगे हाँ 34 की अगर मैं बात करूं तो आपको रूल नंबर उसके जितने रूल्स हैं उसके हेडिंग याद रखना 34 की हेडिंग को याद रखना और 34 फोर के जितने भी रूल्स हैं उन सब की हेडिंग को आपको याद रखना है थर्टी इंटर लीडर सूट 35 इंटरप्रेटर सूट ध्यान रखना सेक्शन 88 के साथ पढ़ते हैं और बहुत खास बात है इसमें इसका जो रूल 5 है उसमें दो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो दोनों पढ़ के जाने हैं आपको रूल नंबर फाइव में दो एग्जाम्पल्स हैं आपको दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना है वो दोनों एग्जाम्पल जरूरी है ठीक है थर्टी सिक्स हेडिंग को मार्क कर लो थर्टी सेवन को मार्क कर लो थर्टी सेवन रूल वन और रूल थ्री दोनों सवाल आता है सेक्शन ऑर्डर नंबर थर्टी सेवन रूल नंबर वन और रूल नंबर थ्री दोनों से सवाल आता है ठीक है? बेसिकली सवाल ये बनता है रूल नंबर वन से कि ऑर्डर थर्टी सेवन किन किन कोर्ट्स पर अप्लाई होता है रूल वन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि किन किन कोर्ट्स पर ये अप्लाई होता है और जो इससे भी ज्यादा खास सवाल है जो मैंने कहा रूल नंबर थ्री से आता है जो समरी सूट होता है ना उसमें डिफेंडेंट को डिफेंस में एंटर करना पड़ता है अपियर होना पड़ता है डिफेंस की परमिशन मांगनी पड़ती है ये उसको कितने दिनों के अंदर करना पड़ेगा यह आपको ध्यान रखना है द आंसर इज टेन डेज द आंसर इज टेन डेज राइट दिव्यानी आपने सही लिखा है गुड क्लियर अच्छा सही बोल रहे हो यश सही लिखा है गुड 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 अच्छा ये हुआ हमारा ऑर्डर थर्टी सेवन थर्टी एट कोई बहुत मेजर सवाल वहां से नहीं है क्योंकि वो अरेस्ट अरेस्ट बेसिकली और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की बात कर रहा है बट उसमें दो तीन सवाल आ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है अरेस्ट किया जा रहा है जजमेंट से पहले तो कितने समय तक उसको मैक्सिमम अड... अरेस्ट करके रखा जा सकता है यह सवाल आ सकता है कोई मुझे इसका जवाब देगा क्या कोई मुझे इस सवाल का जवाब देगा कि अगर किसी व्यक्ति को जजमेंट से पहले अरेस्ट करके रखा जा रहा है अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको मैक्सिमम कितने समय तक सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है आंसर हाँ नहीं सिक्स वीक्स नहीं है छह महीने है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है नहीं सांसली नन क्यों लिख रहे हो छह महीने मैक्सिमम ड्यूरेशन वहां पर दी हुई है ठीक है इसके अलावा ऑर्डर नंबर थर्टी नाइन पर जाओ उसकी हेडिंग को मार्क करो उसकी हेडिंग को मार्क करो थर्टी नाइन की इसमें आपको कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं रूल नंबर वन टू टू ए थ्री थ्री ए ये सारे रूल्स आपको पढ़ने और छे से लेकर के दस तक की आपको रीडिंग करनी है मेजरली आपको पूरा ऑर्डर थर्टी नाइन पढ़ना है वहां से कहीं से भी इनफेक्ट हेडिंग जो है छे से लेकर के दस तक की वहां से भी सवाल बिल्कुल बन सकता है तो अगेन ऑर्डर थर्टी नाइन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है कुछ छोड़कर उसमें मत जाना ठीक है फोर्टी रिसीवर है रूल नंबर वन से सवाल बनता है कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट कब हो सकता है हाँ, यश चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट डिग्री पास होने के पहले हो सकता है कि डिग्री पास होने के बाद हो सकता है याद रखना डिग्री पास होने के पहले भी हो सकता है और बाद भी हो सकता है कहा लिखा है ऑर्डर नंबर फोर्टी रूल नंबर वन में लिखा हुआ है क्लियर फोर्टी वन की हेडिंग को मार्क कर लो फोर्टी वन में बेसिकली आपको रूल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी तो शॉर्ट नोट के लिए important होते हैं इसको reading बार कर लेना हो सकता है काम आ काम आ आ जाए ही इसके अलावा फोर्टी थ्री रूल वन पूरा पढ़ के जाना है ठीक है Order 43, rule 1, पूरा पढ़ के जाना है ठीक है 44, 44 की की को को कर कर लो, 45 की को कर लो, 45 46, 46, 47, <coughs> 46, 47. अगेन मैंने कहा था आपसे जब मैं आपको पढ़ा रहा था 113, 14, 15, जैसे आप उनको रीड करके जाओगे वैसे आप इनको भी रीड करके जा सकते हो सवाल चांसेस कम है कि बने बट बन सकते हैं चांसेस तो एक बार रट कर लेना इसके बाद के जितने भी ऑर्डर्स हैं यानी कि 48 49 50 51 इनके आपको हेडिंग बस मार्क करनी है उन ऑर्डर्स में से अंदर कुछ खास दिया भी नहीं है और वहां से सवाल आता भी नहीं है तो बेसिकली एक एक से लेकर के 10 तक मेजर सवाल आपके बनेंगे 20 से बनेगा 14 15 से बनेगा 21 से बनेगा ठीक है बाकी बाईस से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन बहुत ही खास प्रोविजन क्या आपको पूरा रीड करके जाना है कहां पर आप स्पेसिफिक हो सकते हो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी तो 46 के बाद आप 47 48 49 50 51 इन सब की हेडिंग मार्क कर लो हेडिंग से ही सवाल बनेगा प्री मेस से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा वहां से मेंस का तो वैसे ही वहां से कुछ नहीं बनता तो ये है बेसिकली थैंक यू यश थैंक यू तो यहां हमारा सीपीसी का जिसको हम रैपिड रिवीजन बोलते हैं कि हाँ भाई फटा फटाफट हमने एक बार पूरा गोथ्रू कर लिया कि कहाँ से हमको क्या क्या मिलता है या कहाँ हमको क्या क्या पढ़ना है हमने हमने पढ़ा है ये सारी बातें कर ली अगेन uh, मैं यही कहूंगा थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो क्रैश कोर्स है आप उसका पार्ट बिल्कुल बन सकते हो जयपुर में ऑफलाइन सेंटर में जो अः uh, इवेंट हमारा हो रहा है उस इवेंट में तीन दिन का बूट कैंप है आपकी मेजोरिटी ऑफ जो प्रिपरेशन है वो आप वहां पर ऑफलाइन में जाकर भी कर सकते हो इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें हाँ दिव्यानी कल हम लैंडमार्क केसेस पढ़ने वाले हैं और हाँ सांसली वो मैं आपको बता दूंगा ठीक है आ... Uh, अर्पित सीआरपीसी के लिए आपका जैसे सीपीसी का रेपिड रिविजन हुआ है, वैसे सीआरपीसी का भी होगा तो परेशान मत हो <coughs> exactly. uh, वो चेन्मय सर लेने वाले तो वो जैसे ये हुआ है वैसे वो भी होगा तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है uh, वीडियो अगेन अगर पसंद आए सेशन तो वीडियो को लाइक करिए और आपके वो सारे फ्रेंड्स जिन्होंने लाइव अटेंड नहीं किया है आप इसको शेयर कर सकते हो इसके अलावा एक खास बात मैं आपको और बता दूं अगर आप जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे सर्च करोगे तो यूपी के लिए छत्तीसगढ़ के लिए एमपी के लिए अलग अलग रैपिड रिविजन लिए गए हैं हर सेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है कुछ में कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं कुछ में ज्यादा कंसेप्ट डिस्कस किए हैं तो अगर आप सारे वीडियोस देखोगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है अः मिलते हैं कल रात को आठ बजे तो जैसे आप लोगों ने आज अभी तक सेशन अटेंड किया है कल भी आप लोग करोगे ऐसा मैं मानता हूं और अभी भी 34 लोग हैं मतलब हम लोगों ने करीब 60 लोगों के आसपास थे जब ने स्टार्ट किया था अभी भी 32 अभी तक अभी, तक, अभी तो कम हो गए 40 करीब थे अभी तक तो अगेन आप लोगों ने इतना मुझे बेयर किया इसके लिए धन्यवाद जुडिशियरी गोल्ड आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसे ही लेकर आने वाला है मैंने आपको पहले ही बताया कि भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिए इस इस पूरे पूरे सेशन में इस पूरे हमारे जो रैपिड डिवीजन है उसमें मिलते हैं कल रात को आठ बजे सीपीसी के लैंडमार्क केसेस हम वहां पर डिस्कस करेंगे गुड नाइट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट